A very pleasant morning, you all. I am pretty sure that you all are enjoying revision lectures organized by Aurangabad Vikasa. The importance of revision is twofold. Firstly, it helps you to remember facts, figures, topics, and methodologies. Secondly, if done correctly, it will help increase your confidence and reduce anxiety. So, it is with special excitement I am pleased to welcome the man who is. CA by education, tutor by passion, and YouTuber by hobby. That is CA Prashant Sardasar, who has completed uh, his schooling from Nanded, graduated from BMCC Pune University, and holds All India 11th rank uh, in CA final course. He qualified CA in 2006, and since then, he has taught a lot of students so far and will continue to teach. Now, I would like to request ICI Vikasa branch chairman CM Shindani, sir, to present a memento to C. A. Prashant Sardar, sir. Uh, आप सब लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं सर अब बिग थैंक यू टू यू आपने ये वन डे मैराथन के लिए हमें एक्सेप्टेंस दी और uh, एक बात बताना चाहूँगा कि सर ने फर्स्ट नॉट इवन कॉल मैसेज पे ही सर ने कंफर्मेशन दे दिया था तो अ बिग थैंक यू टू यू सर फॉर दैट आपने आपके बिज़ी शेड्यूल से हमारे लिए इतना समय निकाला है सो अ बिग थैंक यू और uh, मैं चाहूँगा कि आप सभी आपके जो फ्रेंड्स अभी तक पहुँचे नहीं है इस लेक्चर में अभी भी आप सबको मैसेज करिए ये बेस्ट सेशन होने वाला है आप सबके लिए और ये चेंजिंग फैक्टर होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सी ए महेशानी सर टेकिंग नो टाइम फर्दर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू नॉट चेंज यू नॉट चेंज यस्टरडे यू कैन नॉट टुमारो टुडे इज़ द ओनली गिफ्ट यू हैव दैट इज़ वाई वी कॉल इट द प्रेजेंट so enjoy such an introductory lecture on fm and eco from such a core faculty wishing you the best for the day ahead thank you all thank you so much mahesh sir so i would really like to appreciate the kind of efforts vikasa is taking at aurangabad branch and really mahesh sir it's a great thing that you know students are getting those all benefits सिटिंग हीयर इन औरंगाबाद एक्चुअली अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो आपके जो भी रिविजन लेक्चर्स है वो आपको ऑलमोस्ट पुणे के सभी फैकल्टीज से मिले हैं जिनसे शायद आपने पेन ड्राइव में पढ़ा रहेगा गूगल ड्राइव में पढ़ा रहेगा या कभी मिलने का सोचा रहेगा और फेस टू फेस आप मिल पा रहे हो बिकॉज ऑफ ऑल द कॉर्डिनेशन एंड डन बाई विकस ग्रेट एंड सेकेंड टाइम आई एम कमिंग एट औरंगाबाद ब्रांच तो ये ब्रांच मेरा फेवरेट ब्रांच है क्योंकि द काइंड ऑफ यहाँ पे फैसिलिटीज़ है आप सबके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि काश मेरे स्टूडेंट लाइफ में ऐसा कुछ मिलता मुझे सो नो डाउट आप मेरा मतलब सपना जी रहे हो ऐसा है तो <coughs> so, कुछ टाइम में हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा प्रोजेक्टर वगैरह जो भी है तो so, मीन मैं आपको आइडिया देता हूँ कि आज हम लोग सेशन कैसे कंडक्ट करने वाले हैं आपके पास दो नोट्स मैंने दिए हैं ये मेरे पिछले ऐसा समझ लो कि आठ महीने के एफर्ट्स जिस से जिससे मैंने ये दो चार्ट बुक बनाए और लिटरली नाइन मंथ्स बिफोर दिस टाइम वी हैव लॉन्च्ड दिस टू बुक्स इन पुणे सो दिस टू बुक्स विल हेल्प यू अर लॉट वन इज़ ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट द अदर इज़ फॉर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस 60 मार्क्स का एफ एम है फोर्टी मार्क्स का इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जनरली ऐसा होता है हमारे केस में कि हम इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस को इग्नोर कर देते बिकॉज एक तो 40 मार्क्स का है दूसरा थ्योरी है हो जाएगा हो जाएगा एंड में हो जाएगा और एफएम का ही सिलेबस इतना होता है कि वो कभी होता ही नहीं है कि इकोनॉमिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाए सो so, डेडिकेटेडली अगर आप वो चार्ट बुक अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका मैक्सिमम कवरेज ऑफ सिलेबस हो जाएगा बहुत अच्छे से हो जाएगा ठीक है मैंने यूट्यूब पर मेरे चैनल पर एक ए एनालिसिस का लेक्चर डाला है वीडियो डाला है छोटा सा पंद्रह मिनट का वीडियो है आप सबने देखा है क्या वो yes, देखा है ना तो नहीं देखा रहेगा तो देख लेना ज़रूर देखना क्योंकि मे 22 एग्जामिनेशन के लिए मुझे जो लगता है वो ए बी सी एनालिसिस मैंने ड्रॉ किया है तो आज का सेशन नो डाउट वी विल ट्राई टू कवर द होल सिलेबस बट यू ऑल नो दैट इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कवर ऑल द चैप्टर्स इन डिटेल एंड एवरीथिंग सो द सिंपल लॉजिक विल भी हम क्या करेंगे ए बी सी एनालिसिस में से जो ए कैटेगरी है उस पर पहले ध्यान देंगे फिर बी कैटेगरी पर जाएंगे फिर सी कैटेगरी को कवर करेंगे ज्यादा डिटेल किसको करने वाले ऑब्वियसली ए कैटेगरी को क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है आगे सी फाइनल में भी उसका यूज ज्यादा रहेगा तो उस एंगल से ए कैटेगरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस ठीक है आज के सेशन में कितना मजा आएगा कितना मजा आएगा क्वांटम वाइज बहुत मजा आएगा जितना आपका जोश रहेगा उतना मजा आएगा तो आई एम श्योर कि आपका जोश बहुत हाई रहेगा ताकि मजा भी एकदम तोड़ा है एकदम अच्छा है एटी सर की भाषा में तोड़ा है राइट आई एम श्योर तुमने उनसे भी पढ़ा रहेगा <coughs> तो लेट्स नॉट कीप दिस सेशन वन वे कम्युनिकेशन एक साइड कम्युनिकेशन वैसे भी बहुत बोरिंग होते हैं आपको सबको पता है कि आपका एग्जाम मे में है इट्स टाइम टू इंटर राइट यहाँ पे जो जो बातें होगी आपको पता रहेगी आप रिपीट करोगे आपको नहीं पता रहेगी आप पूछोगे जितना आपके अंदर जोश रहेगा ना उतना ये सेशन अच्छा होगा और जितने एक्सटेंड तक हमारा ये सेशन पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा उतने एक्सटेंड तक हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर कोई टाइम बैरियर नहीं है मेरे लिए कोई टाइम बैरियर नहीं मेरे लिए ये सेशन तीन बजे भी एंड हो सकता है चार बजे भी पाँच बजे भी छः बजे भी रात को नौ बजे भी मुझे कोई गड़बड़ नहीं है आपको है दैट्स इट सो बहुत शिद्दत से अच्छे से हम टाइम को यूटिलाइज करके इसे पूरा कंप्लीट करेंगे ठीक है एवरी वन जस्ट मेक श्योर कि आपके पास आपका पानी का बॉटल वगैरह जो भी है वो रहे टाइम टू टाइम वो पीते रहोगे और टाइम टू टाइम आंसरिंग करते रहोगे तो अपने सेशन में आपको बोर भी नहीं होगा आपको पार्टिसिपेटिव लगेगा आपको इनफैक्ट समझेगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है समझे हो क्या एवरीबडी लास्ट बेंच यस सर ऐसा यस सर, तो <coughs> यहां पर आप सब लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट से डरने आए हो या फ्रेंडशिप करने आए हो? खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है ना उसको भाई ये पेपर एट है याद रखो ये पेपर एट है जो इधर तक टिक गया ना सी ए फाइनल में तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि ये एंड पेपर तक आपका जोश एकदम हाई होना चाहिए और एक बात याद रखो एवरी पेपर गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू पास टू स्कोर टू गेट इनटू नेक्स्ट लेवल एवरी पेपर एंड ये लास्ट पेपर की खासियत क्या है में इसी वक्त आपके डिस्टरबेंसेस चालू हो जाते हैं हम लोग पास्ट में तो कभी रहते ही नहीं फ्यूचर में ही रहते हैं हम लोग और फ्यूचर हमारे लिए क्या रहता है अरे लास्ट पेपर कहाँ मिलना है पेपर पाँच बजे खत्म होगा छ बजे कहाँ मिलना है उसके मैसेजेस कब चल रहे पेपर के एक दिन पहले मतलब सोचो कितनी वाट लगा रहे अपन लोग खुद से अपनी है ना और फिर पेपर हुआ नहीं है एंड और अपन पेपर के बाद की प्लानिंग कर रहे तो वो पेपर तो खराब ही जाने वाला है ना तो पूरा फोकस आपका पेपर पे होना चाहिए और उस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि पेपर एट पांच बजे जब खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद ना आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो कितना टाइम कहाँ हो क्या कर रहे हो किसके साथ हो क्यों नहीं आए हो घर पे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो लाइब्रेरी में बैठे हो क्या कोई नहीं पूछेगा आपको इस पेपर के बाद तो इस पेपर तक आपको आपके पेशेंस लेवल आपका हार्ड वर्क आपका डेडिकेशन जो जो ढासू वर्ड्स आपको आते हैं ना वो सब मेंटेन करना है आपको और ये पेपर अगर अच्छा गया ना बिलीव मी बिली, ये पेपर अगर अच्छा गया ना तो आपका ग्रुप टू पूरा पास हो जाएगा अच्छे मार्क्स से और ये पेपर अगर आपने बराबर ध्यान नहीं दिया ना तो शायद आपका एग्रीगेट में प्रॉब्लम आ सकता है सिटिंग मेनी ऑफ ऑफ यू 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 आर आर इन इन फ्यू फाइनल विल कि ये पेपर ऐसा पेपर है जो आपको एग्जामिशन दिला सकता है ये पेपर ऐसा है जो आपको एग्जामिशन दिलाएगा और मैं बोलता हूँ कि क्यों ये तुम चालीस और पचास के आंकड़ों में फंसे हो यार फोर्टी एंड फिफ्टी ये फिगर्स तो अपने दिमाग में ऐसे बैठे बचपन में कभी पैंतीस सोचा था क्या थर्टी फाइव पे पासिंग है ओ माई गॉड कभी नहीं सोचा था फिर यहां सीए में आके ऐसा क्या हो जाता है जो चालीस 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 एग्रीगेट पचास 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 इतना ज्यादा दिमाग में बैठ जाता है आज से तीन दिन पहले इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें एग्रीगेट पासिंग जो है वो सिक्सटी परसेंट हो चुका है और सब्जेक्ट वाइज पासिंग पचास परसेंट हो चुका है ऐसा सोचो हुआ नहीं है <laughs> जितने सीरियसली तुमने लिया था उतने ही सीरियसली लेना है और यही सोचना है कि इंस्टीट्यूट ने अपने नॉर्म्स चेंज कर दिए सब्जेक्ट वाइज पासिंग पचास परसेंट है एग्रीगेट पासिंग की हिम्मत है एग्जामेशन तक yes, अरे तुम ही थे जो टेंथ में ट्वेल्थ में ये स्कोर्स लाए हो ये कैटेगरी के स्कोर्स लाए हो जिसको कोई बिलीव नहीं कर पाएगा कि तुम्हारे स्कोर है आज तुम्हारी शक्ल तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और तुम्हारे टेंथ ट्वेल्थ के मार्क्स का वास्तविक जीवन में कोई संबंध नहीं है ऐसा हो गया है मानो मैं आपको जो जो रिलेटिव्स आपको कुछ साल बाद मिलेंगे चार साल तीन साल बाद वो बोलेंगे अरे कितना डर लग रहा है तू क्या हो गया तुझे पहले तो इतना ब्रिलियंट रहता था खुश रहता था हाँ मैसे ये कर रहा हूं गाइज इन ऑल इट्स वेरी सिंपल जब कोई स्टूडेंट 35 पे फोकस करता है तो वो 35-40 के आसपास रहता है अनफॉर्चुनेटली आप लोग फोकस कर रहे हो फिफ्टी और फोर्टी के तो ऑब्वियसली उसके ही आसपास रहोगे मैं बोल रहा हूँ आपको कि पासिंग फिफ्टी है एग्रीगेट सिक्सटी है और एग्जामिशन एटी पर है अगर आप ये सोचोगे तो आपका फोकस वहां पर जाएगा देर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉस्टिंग में मार्जिन ऑफ सेफ्टी यू नो दिस फिर कुछ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो यार इतना कॉन्सेप्ट आप सीखते हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके केस में तो जीरो है क्योंकि आप सोचते ही चालीस पचास आते अड़तीस नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो कैसे होगा योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी शुड बी देर योर प्रिपरेशन लेवल शुड बी सच दैट आपको लगना चाहिए कि आप सच में कुछ अच्छा एग्जाम दे रहे हो एंड बिलीव मी मैं आपको सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ बट येस फ्रैंकली ये स्कोर्स आते हैं और आप सोच रहे होंगे सर आप बहुत स्टूडियोस हो आपके आते हैं सर हमारे नहीं आते आई एम श्योर यहाँ बैठा एक भी स्टूडेंट का स्कोर मेरे टेंथ के साथ मैच नहीं होता मेरे टेंथ के स्कोर के साथ आपका एक का भी स्कोर मैच नहीं होगा आई एम वेरी श्योर कॉन्फिडेंट अबाउट इट एक खादा मेरी कैटेगरी का रहा तो रहेगा यहाँ पर बस एक खादा जानना चाहोगे कितना है सेवेंटी परसेंट सेवन जीरो सेवेंटी परसेंट टेंथ स्टैंडर्ड का स्कोर है मेरा आई एम श्योर आपको एटी एटी फाइव नाइनटी 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 टू लिटरली दो दो स्टूडेंट्स के पासिंग के मार्क्स लेके पास हुए आप अकेले एंड आई पास विथ 70 परसेंट क्यों डरना क्यों है अगर 70 परसेंट से मैं पास होकर सीए बन सकता हूं तो आप तो बन ही सकते हो ना सो डोंट बी अंडर एनी इंप्रेशन कि यहां जनरली क्या होता है ना यहां जो आता है आपको लगता है भाई इसकी आधी बातें तो डिस्काउंट कर दो डिस्काउंट कर दो समझता है ना एफ में जैसे अपन डिस्काउंटिंग करते बड़े नंबर को प्रेजेंट वैल्यू पर के लिए छोटा नंबर बनाते हैं हाँ सर कितना बोले बारह घंटे आपने लिए आठ ठीक है है ना? मतलब अपन हर बार अपने कंफर्ट जोन को कभी छोड़ते ही नहीं है तो वो मत होने दो आप एक बात याद रखो आज शायद हम मिले तो उसका एक पर्पज है और वो पर्पज ये कि आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट चेंज करना है और पर्पज ये कि आपको जल्द से जल्द में सीए फाइनल में मिलना चाहूंगा मिलोगे ना yes. पहुंचोगे ना वहां तक yes, तो उसके लिए आपको बस एटीट्यूड चेंज करना है द मोमेंट यू चेंज योर एटीट्यूड 50% ऑफ योर वर्क इज डन एंड रिमेनिंग फिफ्टी इज नथिंग बट स्टडी 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 और वो जो एक एटीट्यूड होता है ना वो सिंपल होता है कि कुछ भी कर लो मुझे सी ए फाइनल तक पहुंचना है मुझे सी ए फाइनल तक पहुंचना है और काफी बातें डिटर्मिनेशन या डेडिकेशन ऐसे वर्ड आपको बहुत अच्छे आते हैं मुझे मान में बहुत अच्छे आते हैं आपको और बार बार आप चाहते हो कि आप डिटरमाइंड रहो आप मोटिवेटेड रहो बट सर वो क्या होता है ना दो दिन बाद वापस डिप्रेशन आ जाता है सर बैक टू नॉर्मल बिकॉज आप टेम्पररी गेंद सोच रहे हो आप लॉन्ग टर्म गेंद सोच ही नहीं रहे हो आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप इंडिया का एक ऐसा कोर्स कर रहे हो जो एक्चुअल में इंडिया का वन ऑफ द चीपेस्ट कोर्स है इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कोर्स है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर आप फाइनेंस की भाषा में आपको बोलूं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थाउजेंड परसेंट के ऊपर जाएगा आपका आप सबको बताए इंडस्ट्री एवरेज पैकेज क्या है अभी

आपका पूरा स्पेंडिंग अगर आप देख लोगे ऑन एजुकेशन ऑफ कोर्स नॉट ऑन स्टे एंड एवरीथिंग ऑन एजुकेशन इज थ्री लैक्स से कम वेर एज योर एनुअल पैकेज विल बी एनल्व लैक्स वो भी मैं आज का एक्सपेंडिचर और आज का सैलरी बोल रहा हूं आप जब सी ए बनोगे तो ऑफकोर्स आपको ट्वेल्व का पैकेज नहीं मिलेगा इन्फ्लेशन होता है तो आपको ट्वेल्व के ऊपर का ही पैकेज मिलेगा मगर मैं आज के कैश फ्लो की बात करूं तो आज आपका इन्वेस्टमेंट इतना है और आपका रिटर्न सी है अब आप बताइए थ्री मंथ्स की सैलरी जितना आपका टोटल थ्री थ्री फोर ईयर्स का इन्वेस्टमेंट है वॉट मोर यू वॉन्ट बस सर होता ऐसा है कि काफी लोग फेल होते हैं हमको लगता है कि हम पास होने वाले या नहीं पता नहीं बैक टू नॉर्मल आपका नाम क्या है ऐश्वर्या ऐश्वर्या आपके टेंथ स्टैंडर्ड में या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में कोई ऐसा एवरेज स्टूडेंट था क्या एवरेज मतलब मैं क्लैरिफाई करता हूँ मेरे जितने मैं एवरेज को फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट पकड़ता हूँ मैं होशियार था, था थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट था क्या कोई ऐसा फिफ्टी सिक्सटी परसेंट वाला रहेगा ना एक दो हर क्लास में होते नहीं थे थे या नहीं थे एक्चुअल में पूछ रहा हूँ मैं आपको आपके टेंथ ट्वेल्थ में ऐसा कोई आपके क्लास में कोई तो स्टूडेंट रहेगा जो फिफ्टी सिक्सटी परसेंट के आसपास रहेगा था आपका स्कोर क्या था हम्म में एटी नाइन दो लेवल आगे गई दो परसेंट नीचे सिर्फ अभी आपने कभी उस वक्त में उस फिफ्टी परसेंट वाले से कंपेयर किया था खुद को खुद को कंपेयर भी किया था क्या उस वक्त एक्चुअली ऑनेस्टली बोलो नहीं किया ना फिर यहां सीए में आने के बाद हम सब एक दूसरे के साथ कंपैरिजन क्यों करते क्यों नहीं सोचते कि वो अपने लेवल पे अपन अपने लेवल पर है सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपने कोर्स में कंपैरिजन करना डोंट कंपेयर योरसेल्फ यू आर डिफरेंट बी यू बी डिफरेंट बी स्ट्रांग कंपैरिजन जिस वक्त करोगे ना उस वक्त आधा गेम वैसे भी खत्म है क्योंकि तुम में से काफी लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के पढ़ते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो रात देर रात तक पढ़ते हैं मगर प्रॉब्लम अपना ऐसा है कि जब अपन एक साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं या कुछ करते हैं और अच्छा तू सुबह चार पांच बजे उठता है फिर ये रात वाला पता नहीं इसके अंदर क्या जाग जाता है वो भी सोचता है कि मैं कल सुबह चार बजे उठूंगा कभी आज तक उठा नहीं है ना उसको मालूम है कि वो उठ सकता है मगर उसका डिटर्मिनेशन सोते वक्त रहता क्या कल सुबह चार बजे उठेगा और उस बहाने वो क्या करता है एक दिन पहले दस बजे सोने की नाकामयाब कोशिश करता है और जब वो सोने जाता है तो नींद नहीं आती है और जब वो नींद ही नहीं आएगी तो अगले दिन चार बजे कैसे उठेगा अलार्म लगाया सब स्नूज 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 सुबह वापस आठ बजे उठे हो माय गॉड आज भी पढ़े नहीं हो सिंपल है मेरा फ्रेंड अगर सुबह पढ़ता है तो जरूरी नहीं कि मैंने सुबह पढ़ना चाहिए मेरा जब फिजिबल टाइम है तब मैंने पढ़ना चाहिए मैं रात का खिलाड़ी हूं मैं रात में पढ़ूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा ब्रेन सबसे एक्टिव रात में होता है मेरा एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ का यह सीनारी होता कि मैं कभी सुबह नहीं उठ सकता था मैं आठ बजे के पहले उठता ही नहीं था अंटिल अनलेस क्लास होता था और हमारा क्लास छ बजे हुआ करता था सुबह और मैंने क्लास एक बार भी बंक नहीं किया है सुबह छह का क्लास टीचर इतने स्ट्रिक्ट थे कि छह बज के एक मिनट को आए तो वो डोर के बाहर एक मिनट बोल रहा हूं मैं आपको एक मिनट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं था हमारे पास हम पौने छ बजे क्लास के अंदर रहते थे दो मैं कभी स्टूडेंट लाइफ में अपने सेल्फ स्टडी के लिए आठ बजे के पहले नहीं उठाऊ फिर भी जैसी क्लासेस खत्म सेल्फ स्टडी शुरू बैक टू रूटीन और बैक टू रूटीन के अंदर रात में पढ़ाई करता था मैं रीजन बहुत सिंपल था मेरा सबसे एक्टिव पीरियड रात में था तो मैं दोपहर में सो जाता था एक घंटा मगर रात में पढ़ता था दो तीन घंटे एक्स्ट्रा और रात में मैं पढ़ता था दो बजे तक मेरे फ्रेंड थे जो सुबह चार पांच बजे उठ के पढ़ते थे बट वो उनका स्टाइल और ये मेरा स्टाइल है मैं क्यों कंपेयर करूं उनका एक्टिवनेस कब है सुबह मेरा कब है रात में इट्स ओके अल्टीमेटली प्रोडक्टिव आवर्स मेरे जाने चाहिए जितने उतने मेरे जा रहे हैं क्या दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड उस वजह से मैंने कभी किसी और को कॉपी नहीं किया अपने अपने रास्ते पे खुद चला एंड बराबर पास हुआ फाउंडेशन यस फाउंडेशन आई एम श्योर कि तुम लोग सब फर्स्ट अटैम्प पास होंगे है ना एक हाथ दो चार छोड़ के कितने लोग फर्स्ट अटैम्प पास नहीं है फर्स्ट अटैम्प फाउंडेशन पास नहीं है कितने लोग हाथ ऊपर करो एक दो सिर्फ दो लोग सेम पिंच मै फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प फेल मैं यस यू नो वट वॉज माई स्कोर इन सी ए फाउंडेशन फर्स्ट एग्जाम टू हंड्रेड वॉज पासिंग बिकॉज सीपीटी नहीं था उस वक्त फाउंडेशन ही था चारों पेपर राइटिंग में थे टू हंड्रेड वॉज पासिंग ईच सब्जेक्ट फोर्टी परसेंट चारो पेपर लिख कर सॉल्व करने होते माई स्कोर वॉज टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट मैथ्स Thirty-four, and you know what is the result? Fail. C A. Come again. Hena. a foundation though. But you know twelfth was score kya tha? Ranker I was in twelfth standard. I was first in Latur board in economics. I was tenth in Latur board, and I was first in Nanded district. विथ दिस रैंक्स इन ट्वेल्थ आई फेल्ड इन फाउंडेशन तुम्हें मेरा स्कोर देखकर लग रहा है क्या मैंने पढ़ाई नहीं की रहेगी ऐसा लग वो पढ़ाई नहीं की रहेगी और उस वक्त मेरे रिलेटिव बोले कि अरे यार पुणे जाके पुणे की हवा लग गई क्या अरे पढ़ाई क्यों नहीं किया तू फेल हो गया अरे तेरा तो रैंक था ना पहले इतना होशियार रहकर तू फेल हो गया अब आप बताओ किस किस को जवाब दे कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है ऐसा कुछ काम करो कि रिजल्ट जवाब देना चाहिए अगले एग्जाम में ऑल इंडिया इलेवंथ रैंक सेम एग्जाम ऑल इंडिया फर्स्ट इन इकोनॉमिक्स आई गॉट द बेस्ट पेपर अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स राइटिंग में पेपर था ना तो इकोनॉमिक्स में बेस्ट पेपर अवार्ड मिला था मुझे आई एम जस्ट शोइंग यू आई एम नॉट शोइंग यू हाउ ग्रेट आई एम ऑफकोर्स आई एम शोइंग यू कि हर डिफिकल्टी के बाद एक सॉल्यूशन होता है आगे बट वो सॉल्यूशन को देखने का बस तुम्हारे पास नजरिया होना चाहिए जो स्टूडेंट फाउंडेशन में फेल होता है रैंक के बाद ट्वेल्थ में उसका क्या मेंटल स्टेट रहेगा आप सोच सकते हो मगर बावजूद इसके अगले एग्जाम में वो ऑल इंडिया रैंक इलेवन पास होता है यू कैन जस्ट इमेजिन कि मतलब डिटर्मिनेशन एंड तक टिकाना होता है और एंड तक टिकाने के लिए अपना स्टाइल कभी नहीं छोड़ने का अपने को खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करने का ये तो कुछ नहीं है आई स्टिल रिमेंबर माई सी ए फाइनल सी ए फाइनल आर्टिकलशिप के बाद लीव मिला था चार महीने का लीव मिलता था हमारे वक्त दोनों ग्रुप जो अपियर कर रहे हैं उनको टोटल फोर मंथ्स का लीव फर्स्ट डे ऑफ माई लाइब्रेरी वेन आई वॉज सिटिंग लाइक यू गाइज कम हियर फॉर लाइब्रेरी सो आई फर्स्ट डे आई केम टू लाइब्रेरी एंड दैट टाइम ऐसा सिनेरियो होता कि हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के ही क्लास करते थे थियोरेटिकल सब्जेक्ट लॉ ऑडिट डी टी आई डी टी ऑल्सो वी यूज टू सेल्फ स्टडी अभी मैं महेश सर को वही बात कर रहा था महेश सर ने भी वैसे ही पास किया है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के ही क्लासेस किए हैं और हमारे वक्त सिनेरियो वही था आई एम क्वालिफाइड इन 2006 बाय सिक्स द वे एंड उस वक्त इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के क्लास करने के बाद थियोरटिकल सब्जेक्ट पूरे नए ऐसा समझ लो कि मार्केट से बुक नई नई लाके खरीदा था फर्स्ट डे चलो अभी पढ़ाई करते हैं नया बुक होता है इंडेक्स पे नाम लिखना अच्छा लगता है तो वो काम कर रहा था मैं लाइब्रेरी का पहला दिन बस इंडेक्स पे नाम लिख के ऐसे बैठ रहा था यहां पे लिख रहा हूँ और बाजू में मेरा एक फ्रेंड आता है और बोलता है अरे प्रशांत क्या बात है तू इधर इस लाइब्रेरी में पढ़ रहा है मैंने बोला हाँ यार आज से ज्वाइन किया अच्छा वो मुझे पूछता है कि इसके पहले कौन से लाइब्रेरी में था मैंने बोला कोई नहीं यार मेरा फर्स्ट डे आज क्योंकि कल लीव मिला मुझे आर्टिकलशिप से कल लीव मिलेगा तो मैं आज ही आऊंगा ना चार महीने का लीव होता है तो आज फर्स्ट डे आज मैं आ गया और मेरे पास कुछ ऐसे बुक्स है जिस पर मैं नाम लिख रहा हूँ नए नए बुक खरीदे हुए आई बांगर नाम की एक बुक थी जो तुम ई आई एस बोलते हो उस वक्त फाइनल में था इसका उस वक्त डी एस जॉली के एस जॉली नाम का बुक था वो खरीदा था जस्ट दो चार नए नए बुक खरीदे थे और ये बंदा बिल्कुल बाजू में आके मेरे को ऐसा बात करता है मैंने वाला नहीं यार आज फर्स्ट डे और वो बोलता क्या बात कर रहे तेरा पहला दिन है आज लाइब्रेरी का मतलब इसके पहले तू पढ़ाई नहीं किया मैंने वाला नहीं किया कभी बोले मेरा फर्स्ट रीडिंग खत्म है से, सेकेंड टाइम मैं पढ़ रहा हूँ वो भी मतलब रिविजन फर्स्ट रिविजन शुरू है मेरा फर्स्ट रीडिंग हो चुका है एंड रिविजन शुरू है मेरा मैंने बोला बढ़िया यार तो वो बोलता है आप पाँच मिनट बाहर बात करते हैं अभी क्या बोलेंगे इसको मैंने बोला ठीक है बाहर गया तो मुझे बोलता है अरे तू पागल है तू अभी ज्वाइन किया है तू डमी आर्टिकलशिप क्यों नहीं किया तू ये क्यों नहीं किया वो क्यों नहीं और वो मुझे ज्ञान दे रहा है अरे मैं बोल रहा हूँ ठीक है भाई ठीक है दो मिनट बाद मैंने बोला मैं जाता हूँ मेरे प्लेस पे मेरे को पढ़ाई करने दे प्लेस पे गया पाँच दस मिनट तो दिमाग खराब था क्योंकि जिस वक्त मैं पढ़ने के लिए पॉजिटिवली बैठा था उस दिन वो बोल रहा है कि मेरी पढ़ाई ऑलरेडी हो चुकी है और उसके हाथ में जो किताब थी वो किताब आपको पता है ना दोस्त की पढ़ाई कितनी हुई है कैसे चेक करते हाँ साइड से बुक काली दिखती है ना उतने चैप्टर वो पढ़ चुका है तो उसकी पूरी बुक काली थी मतलब वो फेंक भी नहीं रहा था सबसे ज्यादा डिमोटिवेटिंग वो था अब जब ये सब हो गया तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं तो गया क्योंकि ऐसा कोई बात करेगा तो यही सोचेंगे अपन दो से पांच मिनट के अंदर मैंने खुद के माइंड को एक सिंपल सी चीज समझाइए इससे दूर रहे इससे दूर रहे भाई ये इतना नेगेटिविटी बढ़ देगा तेरे अंदर कि तू कुछ भी नहीं कर पाएगा अगले चार महीने ऐसे ही चले जाएंगे उससे अच्छा इससे बात ही मत कर फिर ये आता था जब जब मैं इसको बोलता था नहीं यार मेरा पढ़ाई चल रहा है ये वो ब्रेक मैं नहीं लूंगा अभी बाद में लूंगा तेरा क्या तू पहले से पढ़ रहा है मेरे को पढ़ने दे और जब ये डाउट लेके आता था मेरे पास मुझे बोलता था अरे प्रशांत ये पढ़ के हो गया क्या वो पढ़ के हो गया क्या इसके डाउट सॉल्व करना मतलब अपन तो मैंने बोला नहीं यार मेरे को नहीं आता है वह आता था तो भी मैं उसको एंटरटेन नहीं करता था क्योंकि फर्स्ट डे आई डिसाइडेड कि मुझे इससे दूर रहना है दोनों ने एग्जाम दी दोनों का रिजल्ट आया एंड रिजल्ट मानो में क्या था मैं पास ये तो आपको पता मुझ पर भरोसा रहेगा वो सातवें अटैम्प्ट में पास हुआ उसका जब पूरा सिलेबस मेरा पढ़कर हो गया था एक बार मैं पढ़ प, प, मतलब पढ़ा था सिलेबस को एक बार रिवीजन किया था और डायरेक्टली एग्जाम के एक दिन पहले एक बार इस कैटेगरी का मैं हूँ यहां पे कोई चार रिवीजन पांच रिवीजन वाले तो बस मैं वो कैटेगरी का नहीं हूं मगर मेरा वो दोस्त जो था उसके सात रिविजन हुए थे वन रीडिंग टाइम्स एंड अटेम्प्ट के बाद पास दिस इज फैक्ट आई एम नॉट एक्टिंग और मैं फर्स्ट टाइम रीडिंग फर्स्ट टाइम रिविजन एंड एक दिन पहले एग्जाम के एक बार पढ़ के हुआ था और फर्स्ट गो में पास ऐसा कैसे हुआ था बहुत होशियार था क्या मैं इसलिए हुआ क्या ऐसा वो बहुत डम था इसलिए ऐसा हुआ क्या कुछ नहीं मैंने थ्रूआउट मेरे करियर में मैंने किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया इसलिए मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड थी तो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर फ्रेंड इज डिफरेंट यू आर डिफरेंट यू माइट बी बेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स दो भाई अलग होते तो दो फ्रेंड्स कैसे सेम हो सकते हैं फर्स्ट चीज़ अपने अंदर चेंज लाओ कंपैरिजन छोड़ दो दूसरी चीज अपने अंदर चेंज ला वो टेंथ और ट्वेल्थ का अपने अंदर का एक इंसान जगाओ जो उस वक्त बहुत एंबिशियस था उस वक्त उसकी इच्छा थी कि अपन तोड़ स्कोर से पास होंगे कुछ तो ऐसा करेंगे जो सच में करके दिखाने लायक है और आपका जो आजकल एक गोल ही एकदम लो लेवल पे सेट हुआ है ना कि आपको बस पास होना है सीए में पास होना है सीए में ये निकालो दिमाग से और डालो ऐसा कुछ जो सच में आप कर पाओ और चौथी चीज बस उस काम पर लग जाओ सोचो ही मत दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपके लाइफ में आज है तो वो वो मोबाइल है सर ये बहुत बार सुन चुके हैं मानूम में मगर फिर भी आप उससे ओवरकम नहीं कर रहे हो पढ़ते वक्त कितने लोगों का फोन साइलेंट पे होता है बैग में होता है साइलेंट एज वेल एज बैग में बताओ कितने लोगों का होता है यहां पे एक भी नहीं एक ऐसा ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कभी रखते है, ऐसा होता है क्या होता है श्योर एवरी डे और पीछे तुम्हारा भी होता है ना लास्ट बेंच बीच में वेरी गुड ये चेंज लाओ पहला सर इससे क्या होता है सर हम यूज ही नहीं करते सर यूज नहीं करते मगर जब वो एक बार ब्लिंक होता है ना तो आपको लगता है आप देश के प्रधानमंत्री हो और देश में कुछ तो बाहर ऐसा हो रहा है जो आपकी कंट्रोल की जिम्मेदारी है

मगर जस्ट वो एक मैसेज आ गया और आपने डिसाइड कर दिया कि नहीं यार आर, आर, आर। है ना होता है या नहीं होता है अपने साथ ये सब जस्ट बिकॉज उस दिन फोन साइलेंट पे नहीं था बैग में नहीं था इसलिए आपने वो मैसेज को देखा मैसेज को देखा मन पलटा और चीजें चेंज उस दिन अगर वो फोन बैग में होता साइलेंट पे होता तो आप उस फ्रेंड को बोलते कि मैं तेरा मैसेज रात को दस बजे देखाऊ कोई बात नहीं एग्जाम के बाद जाते हैं और अगले दिन भी साइलेंट पे रहना चाहिए ताकि वो अगले बार भी कांटेक्ट करे तो भी अपन यही जवाब देंगे बर्थडे <coughs> के दिन अपन बोलते ना थैंक यू फॉर योर विशेष कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट बस वैसे ही एक मैसेज कॉपी करके रख देना चाहिए आपने वो है आई वॉज इन लाइब्रेरी सॉ योर मैसेज नाउ ओके टॉक टू यू लेटर एंड लेटर मतलब क्या मे के बाद जून ऐसा महीना रहेगा जहां पे आप जी लो अपनी जिंदगी वाला महीना रहेगा जून मे एंड में एग्जाम खत्म है तीस तारीख को मेरा पेपर है तीस तारीख को इकतीस मे को आप आपकी जिंदगी जी लो तीस मे को शाम पांच बजे के बाद आपके सब अरमान पूरे कर लो मगर उसके पहले कंट्रोल कंट्रोल उदे कंट्रोल बहुत जरूरी होता है ये फैक्टर्स मैं आपको जितने लाइटली आप सोच रहे हो उतने लाइटली नहीं होते है। इंस्टाग्राम है वहां पे फेसबुक है वहां पे स्नैपचैट है जिसके फुल टाइम एम्प्लॉय एम्प्लियो आप हर दिन खोल के देखते हो हर बार देखते रहते हो कुछ आया क्या क्या आया वो स्नैपचैट तो कसम से नहीं लगता तुमको कि तुमको वो एम्प्लॉय बना कर रखे वो क्या बोलते हो उसको स्ट्रिक 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 में क्या कर रहे हो आप डेली फोटो भेज रहे हो इतना ओबीडियंटली तो एम्प्लॉयर के लिए काम करोगे ना आपकी एक साल में प्रमोशन हो जाएगी डेली फोटो भेजते आप अरे वो स्ट्रिक क्या टूट जाता है क्या होता है ब्रेक ना स्ट्रिक ब्रेक हो जाता है ऐसा कुछ भाई साहब फोन में स्नैपचैट नहीं है मेरे खुश हुए दिस इज नॉट जनरेशन गैप दिस इज लर्निंग गैप जस्ट अंडरस्टैंड द वे यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू दिस ऑल थिंग्स हाउ विल यू गेट द इंपोर्टेंस यू ऑलवेज सी फॉलोअर्स यू ऑलवेज सी फ्रेंड्स ऑन फेसबुक फॉलोअर्स ऑन यू दिस थिंग व्हाट यू से इंस्टा वगैरह अरे भाई फॉलोअर्स तब बढ़ते जब आप कुछ हासिल कियो करने लायक और वो भी मुझे पता वर्चुअल फॉलोअर्स एक्चुअल में फर्क गिरता है क्या तुमको भी पता है वो वर्चुअल फॉलोअर्स अगर सपोज मेरे इंस्टा पे आज पांच हजार लोग एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं तो क्या पांच हजार मेरे लिए एक बार आवाज देने पे खड़े होंगे बस पांच अच्छे दोस्त चाहिए जो खड़े हो जाएंगे दैट्स मोर इंपॉर्टेंट बट अपने अंदर इतना इंपॉर्टेंस अपन देते ना उन चीजों को और पांच अच्छे दोस्त वो नहीं होते जो एग्जाम के बीच में आपको बोलेंगे चल आर 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 और अपन बोलेंगे सर आपने बोला था पांच दोस्तों को संभालना है अगर अच्छे दोस्त है ना तो वो एग्जाम के बीच में आपको बोलेंगे नहीं कुछ चुपके से आर आर जाके आएंगे मगर आपको नहीं बोलेंगे सिंपल और वो अगर आपको बोल भी रहे तो कोई बात नहीं यार इट्स ओके okay. ऐसे बहुत मूवीज आएंगे बहुत चीजें हो सकती है बाद में ये टाइम वापस बाय नहीं कर सकते आप आपको पता है ये जो चार्ट बुक मैंने बनाई है ना इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है हर चीज को मेहनत लगती है मानो मैं जब वो आउटपुट सामने आता है ना तब मजा आता है आज आपके सामने जो आउटपुट है वो इतना सिंपल है कि उसमें एफ के पूरे उसमें एफ एम के पूरे कॉन्सेप्ट इनफैक्ट कुछ कुछ चैप्टर्स जो आपको शायद टफ चैप्टर्स लगते हैं उसके सिंपल सिंपल टेक्निक्स है उसमें और आई एम वेरी श्योर कि एग्जाम के एक दिन पहले क्या करने का क्या करने का जो आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है तो ये आंसर है आपके सामने एंड एग्जाम के एक दिन पहले एक्चुअल में क्या करने का इस जो एग्जाम के प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपने जिन जिन चीजों को मार्क किया था एल डी आर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लास्ट डे रिविजन लास्ट डे रिविजन एल डी आर तो एल डी आर वाला पार्ट वापस से देखो जाके रिविजिट करो उस एल डी आर वाले पार्ट को एक बार देखो वहां पर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऐसा कौन सा था जिसकी वजह से आपने मार्क किया उसको एल डी आर और दूसरी चीज आपने ये जो चार्ट बुक मिला है इसके थ्रू पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है तीसरी चीज आपने अगर खुद का फॉर्मूला बुक बनाया रहेगा वेरी गुड नहीं बनाया रहेगा कोई बात नहीं अब थोड़ा टाइम कम है एक महीना ही एग्जाम को तो आप ये बुक रेफर कर सकते हो कि इसकी इसमें सब फॉर्मुलेस दिए हैं एग्जाम के एक दिन पहले क्या करने का इज वेरी सिंपल आपने जहां जहां से पढ़ाई की थी वहां वहां जो जो इंपॉर्टेंट मार्क किया था ना उसको पढ़ना है आपको वापस और एक काम जरूर करना हर चैप्टर का एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना एक बेसिक क्वेश्चन समझता उस चैप्टर का क्रक्स जिसमें है ये चैप्टर किस किस फॉर्मेट में सॉल्व होता है वगैरह वो मैं सिर्फ एफएम के अंदर बात कर रहा हूं आपको इकोनॉमिक्स और फाइनेंस जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है एक्चुअली क्योंकि चालीस मार्क का वेटेज है इसमें से कितना थ्योरटिकल पार्ट मैक्सिमम मार्क के लिए एक क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आता है मैक्सिमम तीन जनरली मार्क्स का वेटेज कैसा होता है दो तीन दो तीन हर थ्योरी क्वेश्चन सिर्फ दो मैक्सिमम तीन मार्क के लिए आता है सर हमने पांच मार्क का भी क्वेश्चन देखा था वो प्रैक्टिकल था प्रैक्टिकल जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल वो थे पांच मार्क के अब आपको नहीं लगता कि अगर आपको सिर्फ दो मार्क के लिए या सिर्फ तीन मार्क के लिए आंसर लिखना है तो टू द पॉइंट दो तीन पॉइंट लिख दिए आपका आंसर डन है बस डरने की बात क्या है? फिर तो स्कोर वैसे भी होने वाला है अगर वही क्वेश्चन फुल प्लेज वाला क्वेश्चन आठ मार्क वाला रहता तो नो no डाउट आपका स्कोर बहुत बुरी तरीके से हैम्पर होता क्योंकि कोई भी पेपर चेकर के एंगल से सोचो कि अगर आपको आठ मार्क का क्वेश्चन चेक करने के लिए दिया है स्टूडेंट्स ने कितना भी बेस्ट लिखा रहेगा तो आप उसको पांच या छह दोगे बहुत मन पे आ गया तो सेवन एक मार्क तो कट गया ना ऐसे हर एक क्वेश्चन के एक एक मार्क कट होते रहेंगे यहां पर दो या तीन मार्क के क्वेश्चन है उसने टू द पॉइंट दो या तीन मार्क का दो तीन पॉइंट लिखा है एज अ पेपर चेकर सोचो आप क्यों मार्क्स कट कर करोगे आप दो, दो दो में से दो दोगे तीन में से तीन दोगे कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है EFF में इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में थर्टीन टू फिफ्टीन मार्क्सन टू फिफ्टीन मार्क्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन और बाकी जो दो तीन मार्क दो तीन मार्क के सब थ्योरी क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में इंस्टीट्यूट ने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया मान में वेटेज देखा आपने वेटेज कितने चैप्टर्स है आपके ई में चार वेटेज क्या बोला दस 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 खतरनाक गाइडेंस किस पे ध्यान दे सबका इक्वल वेट है तो क्या करने का फिर सब पे इक्वल ध्यान देने का चैप्टर, चैप्टर वन भी इंपॉर्टेंट है फोर सबसे कम इंपॉर्टेंट है मैं बोलूंगा फोर बहुत बड़ा चैप्टर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस डोंट सिलेक्ट जो डोंट गो विथ चैप्टर फोर डायरेक्टली चैप्टर फोर पे पूरी मेहनत कर रहे हो कर रहे हो कर जा रहे हो अरे वो चैप्टर का वेटेज दस मार्क हार्ड ली है उसमें भी तुम्हारे पांच यूनिट्स है उसके उतना बड़ा चैप्टर करोगे उससे अच्छा तो फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर इतना श्योरली करो कि फोर्थ चैप्टर की वजह से जरूरत भी ना गिरे और फोर्थ चैप्टर ये चार्ट बुक से करो ना चार्ट बुक में वो फोर्थ चैप्टर के हार्डली पंद्रह पेज है दस से पंद्रह पेज के अंदर फोर्थ चैप्टर खत्म है वहां पर तो वो कर लो वैसे भी कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में को आंसर लिखना है दो से तीन मार्क तो जितना शॉर्ट में आप लिखने वाले वो तो ऑलरेडी चार्ट बुक में दे रखा है समझे हो कुछ आई वॉन्ट यू गाइस टू थरोली रीड चैप्टर वन टू थ्री बट चैप्टर फोर जो रहेगा वो आप चार्ट बुक से भी करोगे तो भी सफिशियंट रहेगा दैट्स माई प्लानिंग फॉर यू फॉर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस चालीस मार्क कवेटेज एंड एक बात याद रखो इको और एफ में इको बहुत स्कोरिंग है बहुत स्कोरिंग है क्योंकि दो तीन मार्क दो तीन मार्क के आंसर लिखने हैं और डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तीन मार्क से पांच मार्क के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे माइक बारह से पंद्रह मार्क का वेटेज रहेगा टोटल इजीली मैनेजेबल रहेगा सो दैट विल बी द माय माय गाइडेंस टू यू फॉर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस एंड फॉर एफ एम डू यू थिंक विच चैप्टर इज लाइक चैप्टर फोर ऑफ ई एग्जैक्टली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट साइज देखा है उसका उसके नंबर ऑफ यूनिट्स देखे आपने बहुत बड़े बहुत ज्यादा है सो इसलिए आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पर बहुत 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 मेहनत करते जाओ बट येस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर बहुत ईजीजी कॉन्सेप्ट है मगर सिलेबस बहुत बड़ा है और अगर सिलेबस इतना बड़ा है ना तो डोंट फोकस ऑन दैट वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट टू मच यू शुड फोकस मोर ऑन लाइक लेवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल बजटिंग डिविडेंट डिसीजन रेशियो सबसे फेवरेट आईसीआई आई का लेवरेज भी पता नहीं बहुत फेवरेट बनते जा रहा है हर बार लेवरेज पे आ रहा है हर बार लेवरेज पे दस दस मार्क के क्वेश्चन आ रहे है इतना ईजी चैप्टर है आज सब कर लेंगे डोन्ट वरी आज क्या करेंगे ये जो लेस इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं ना हम लोग इसके ऊपर टच भी नहीं करेंगे ये चार्ट बुक दिया है आप खुद कर लो लेस इंपॉर्टेंट बड़े जो पार्ट है वो आप खुद मैनेज करने का ट्राई कर लेना मैं आपको वर्किंग कैपिटल के हद तक concept बता दूंगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो भी रहेंगे मगर जो चैप्टर्स हमने अभी बात किए थे हाई वेल्टेज वाले जो बार बार इंस्टीट्यूट पूछता है उस पर हम थरो रिविजन करेंगे इतना थरो करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहिए उसका रिविजन बहुत अच्छे से हो जाएगा क्लियर एवरीबडी पेपर कैसे लिखते हो आप पेपर लिखते वक्त थोड़ा क्या हो जाता है ऐसे ऐसे कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन है एग्जाम के पहले आता था एग्जाम हॉल से बाहर जाने के बाद में भी आता है मगर एग्जाम हॉल में पता नहीं क्या हो जाता है कि वो क्वेश्चन का आंसर नहीं जमता है बी ऑनेस्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आठ है मतलब कम से कम सोलह रहेंगे बाकी सब लोग ऐसे नीचे वाई दिस हैपन्स बट कभी सोचा है आपने क्यों ऐसा होता है राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा और हाँ ah. ये रीजन मेन था ऑडिटिंग करते आप आंसर्स का ऑडिटिंग समझता ऑडिटिंग क्या होता है क्वेश्चन लिया आंसर लिया क्वेश्चन पढ़ रहे हो और देख रहे हो कि आंसर वैसे ही सॉल्व होना चाहिए क्या और कैसी पर सॉल्व कर रहे हो ट्वेल्व थाउजेंड प्लस फोर्टीन थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स हाँ आया क्या ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड टिक आगे हाँ चलो माइनस टेन थाउजेंड आया सिक्सटीन थाउजेंड फाइनल आंसर सिक्सटीन है क्या हाँ चलो ये हो गया मेरा क्वेश्चन बाहर आके बोलते एक घंटे में लिवरेज खत्म है ना और वहां एग्जाम में जाने के बाद में दस मार्क का इजी क्वेश्चन लिवरेज का आपको नहीं जमता आप स्टार्टिंग में ब्लैंक हो जाते हो मतलब पेपर सामने आया वो क्वेश्चन सॉल्व किया पढ़ा अरे 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 ये क्वेश्चन पढ़ा है अभी पढ़ा है और जब क्वेश्चन नंबर थ्री ए और लिखने को शुरू किए तो फॉर्मेट ही याद नहीं आ रहा है फॉर्मेट याद नहीं आना मतलब ये हुआ कि आपने कभी स्टडी लीव में अकेले में बैठकर पढ़ाई की नहीं फॉर्मेट ड्रॉ किया ही नहीं अब आप सोच रहे होंगे सर फॉर्मेट ड्रॉ कर करके सॉल्व करेंगे तो सब सिलेबस कब होगा सर टेल मी फर्स्ट टेल मी पूरे सिलेबस का मतलब क्या ये पढ़ाई ना, एग्जाम ही ना फिर पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करके सॉल्व करो ना ठीक है आई एम नॉट टेलिंग यू पर्टिकुलर रूपीज ऐसा लिखो मगर एटलीस्ट एक कॉलम ड्रॉ करो रूपीज वाला कॉलम पर्टिकुलर्स मत लिखो और पर्टिकुलर साइड जो चीज़ें लिखनी चाहिए आपने वो लिखो राइट हैंड साइड अमाउंट लिखो ठीक है वेरिएबल कॉस्ट पूरा मत लिखो वीसी लिखो फिक्स कॉस्ट मत लिखो एफ सी लिखो ईबीआईटी तो वैसे भी अलाउड रहता है लिखना छोटी छोटी चीजें आप राइटिंग प्रैक्टिस जितना ज्यादा रखोगे लिख कर जितना सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा ऑडिटिंग अगर आप करोगे ना तो आप पेपर में ब्लैंक हो जाओगे सो डोंट फॉलो दैट ऑडिटिंग प्रैक्टिस अरे सर काश आप पहले बोलते मैं दो महीने यही कर रहा था कर भी रहे होंगे दो महीने लास्ट का वन मंथ कैन ऑल्सो चेंज द गेम नी थिंग एंड दूसरी बात एग्जाम के पहले टेस्ट सीरीज दिया नहीं टेस्ट ही सॉल्व नहीं किए सर वो क्या है सिलेबस ही नहीं होता तो टेस्ट कब दे बहुत सिंपल है ड्रामा डांस जब जब स्टेज परफॉर्मेंस था अपना ने ऐसे स्टेजेस पे प्रैक्टिस किया है तब जाके ऑडियंस के सामने अच्छा परफॉर्मेंस आया है यहां पे अपना सबसे बड़ा परफॉर्मेंस है मे में जिसका मॉक जिसका प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हो आई एम नॉट इंसिस्टिंग कि तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो मतलब बाहर का कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी नहीं है भाई कोई जरूरी नहीं है आपको कि आप बाहर का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो आप इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो आप वो भी नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं आप इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट के पेपर्स डाउनलोड करो और एक साथ तीन घंटा बैठकर ईमानदारी से उसको सॉल्व करो और उसके मॉडल आंसर के साथ उसको कंपेयर कर लो इट्स दैट सिंपल कैन बी एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू इतना सिंपल सा एफर्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या खुद से यस और नो कॉर्डलेस माइक है क्या आप इधर सेटअप कर लो मैं आपको आई देता हूँ इसमें नहीं अपन आईपैड पे कर लेंगे। हेलो, सो so, ये सब चीजें जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था ये आपको मैं कुछ अभी स्टार्टिंग में देने वाला था कुछ एंड में देने वाला था बट अभी हमारा सेटअप चल रहा है तो कोई बात नहीं मैंने स्टार्टिंग में बता दिया लास्ट पार्ट मैं आपको कवर करना चाहूंगा हाउ टू राइट द पेपर डू यू नो हाउ टू राइट द पेपर डू यू रियली नो हाउ टू राइट द पेपर సార్ రిటర్న్ బట్ డోంట్ రైట్ చెక్ హలో सो हाउ टू राइट द पेपर इज वेरी वेरी सिंपल ट्रिक बट वी डू एग्जैक्टली द अपोजिट आपके एग्जाम में हर क्वेश्चन आपको आता है ऐसा होता है क्या नहीं आता है डू यू एग्री दैट कुछ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के होते हैं और कुछ क्वेश्चन अपने होते हैं आर यू इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि कौन से अपने और कौन से उनके आर यू इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड यस और नो यस कुछ क्वेश्चन बहुत ढांसू होते हैं वो किसके आई और बाकी क्वेश्चन ईजी ईजी होते हैं। जो आपने काफी बार देखे भी है एग्जाम के पहले वो किसके अपने हैं। मगर अपने को घुसना उनके टेरिटरी में रहता है ना जैसे कि जंग है आईसीआई के साथ जो चीज़ प्यार से हो उस चीज को जंग से क्यों हासिल कर रहे हो कुछ लोग बोलते फाड़ के आएंगे फोड़ के आएंगे इंस्टीट्यूट से लड़ के आएंगे दिखाएंगे आएंगे अरे कुछ नहीं है भाई यही है जो आपको मेंबरशिप देगा यही है जो आपको लाइफ टाइम रिकॉग्निशन देगा इनके साथ डर के मतलब झगड़ के क्यों रहना है आपको प्यार से रहो ना इंस्टीट्यूट को बोलो सौ मार्क का पेपर आपने सेट किया है कितना ऑनेस्टली बोलो कितना उनका रहता है कितना उनका क्वेश्चन रहते हैं दस से पंद्रह और कंजर्वेटिव बनो बीस बीस से ऊपर नहीं ना अच्छा लास्ट एग्जाम में डीटी का पेपर हार्ड था इनकम टैक्स का कितना उनका क्वेश्चन था मुझे ऑनेस्टली बोलो अगर रीजनेबली तुमने बाद में पेपर देखा रहेगा तो ऑनेस्टली बताओ कि एक्चुअल में कितना पेपर आपके लेवल का था और कितना उनके लेवल का था क्या ना इसे सिक्सटी फोर्टी सिक्सटी फोर्टी बोल रहा हूं मैं आपको फोर्टी उनका सिर्फ सिक्सटी आपका था या नहीं था आप कितना भी कम पढ़े कर लो आप अभी भी ओपन करके देख लो डी का पेपर जिसकी वजह से पूरा इंडिया ऐसा डर गया था आप देख लो खोल के सिक्सटी मार्क्स का पेपर उस वक्त भी आपका ही था सिर्फ चालीस मार्क का पेटेज जैसा रहेगा जो हटकर था, था शायद आपने कभी नहीं देखा और नॉर्मली दस से पंद्रह मार्क मैक्सिमम बीस मार्क का ऐसा होता है जो उनका होता है और 80 मार्क का अपना होता है मैं आपको उस वक्त क्या करना चाहिए वो जो ट्वेंटी मार्क्स का सिलेबस है ना जो पेपर है ना उसको बोलने का आईसीआई का चढ़ावा क्या बोलने का आईसीआई का चढ़ावा भगवान के पास जाते हो प्रसाद रखते हो ना एक नारियल फोड़ा पूरा घर लेके आते हो क्या थोड़ा उधर रखते हो बचा हुआ घर ले आते हो बराबर है ना तो ये आईसीआई का चढ़ावा था और जो बचा हुआ एटी बड़ा नारियल का पार्ट है ना वो अपना है वो अस्सी पे पहले फोकस कर वॉट यू नो सॉल्व दैट वॉट यू डोंट नो इज आईसीआई का चढ़ावा डोंट फोकस ऑन दैट पहले अस्सी मार्क का पूरा पेपर शिद्दत से सॉल्व करो आई एम श्योर कि आपको सॉल्विंग का एक रूल पता है थ्री से फाइव पे जंप कर सकते क्या आप क्वेश्चन नंबर थ्री से क्वेश्चन नंबर फाइव डायरेक्टली यस और नो यस थ्री ए थ्री बी फोर ए फोर बी तो थ्री ए के बाद फोर ए सॉल्व किया और फिर थ्री बी सॉल्व किया ये अलाउड है क्या yes. नहीं अलाउड है आई एम श्योर आपको रूल समझ गए ठीक है तो यू कैन जम्प द क्वेश्चन बट यू कैनॉट जम्प द सब बिट सब क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करने का अच्छा थ्री बी पहले सॉल्व कर सकते और फिर थ्री ए यस yes, मगर क्यों तुम सामने वाले को फ्रस्ट्रेट करने के पीछे पड़े हो पेपर चेकर कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा अगर थ्री ए सर हमको थ्री बी आता था सर तो कोई बात नहीं थ्री ए के लिए जगह छोड़ थ्री बी लिख समझा और बाद में थ्री ए देखेंगे तो इस तरीके से हो सके उतना ए और बी का सीक्वेंस मत चेंज करो ए की जगह ए रखो बी की जगह बी रखो समझ गए उसको जितना तुम कंफर्ट कंफर्टेबल पिलाओगे ना उतना अच्छे से वो पेपर चेक कर पाएगा ही इज मोस्ट कंफर्टेबल वन के बाद तुम फाइव सॉल्व करो फिर थ्री सॉल्व करो इट्स ओके बट वो भी मैं बोलता हूं क्यों करना है वन के बाद में आपको फाइव सॉल्व करके फिर थ्री सॉल्व करने की क्या जरूरत थी उससे अच्छा आप वन से थ्री सॉल्व करके फिर फाइव पे जाते थे ना छोटे छोटे दिमाग में पॉइंट्स फिक्स कर लो कि क्या करना है नंबर वन एटी मार्क्स का अपना क्वेश्चंस आईसीआर का चढ़ावा बीस मार्क का फोकस पूरा एटी पर दूसरी बात सब बीट्स चेंज मत करो तीसरी बात क्वेश्चन जंप कर सकते हो मगर सिक्वेंशियली जंप किया तो बेटर है सजेस्टेड है वो एंड सबसे मेन बात आपको अस्सी मार्क का आता था आपको पूरे अस्सी मार्क लिखने के लिए कितना टाइम लगता है टू आर टू आर थर्टी मिनट्स लास्ट के थर्टी मिनट्स बचेंगे कि नहीं बचेंगे बचेंगे तब क्या करना है आपको आईसीआर का चढ़ा हुआ था ना वो चढ़ावा भी तो वापस मांगो अभी अरे मंदिर में जो अपन आधा नारियल छोड़ते हैं वो आधा नारियल दूसरे को प्रसाद के तौर पे देते ना ऐसे तो अपन वो भी आएंगे ना फिर दो दो थोड़ा तो दे दो अरे लास्ट के आधे घंटे में आप जब लास्ट के बीस मार्क पे फोकस करोगे ना मैं आपको यकीन नहीं ये बात बोल सकता हूं कि आपको उस बीस मार्क में से कम से कम दस मार्क मिलेंगे कम से कम दस मार्क मिलेंगे सर कैसे मिलेंगे बिकॉज तुमने अस्सी मार्क का ऑलरेडी पेपर लिख दिया है तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है नंबर टू वो लिखते लिखते वो जो बीस मार्क का कुछ क्वेश्चन रहेगा उसका कुछ लिंकिंग वाला पार्ट रहेगा वो क्लिक होता है नंबर थ्री अब जब सिर्फ तीस मार्क है और खोने के लिए कुछ नहीं है तो तुम अपना बेस्ट देते हो समझे ये मेंटेलिटी का गेम है और लास्ट के आधे घंटे में वो बीस मार्क में से दस मार्क मिलते हैं अगर मैं एग्जैक्टली exactly इसका रिवर्स सोचू कि सर वो पहले बीस मार्क अगर ले लिए तो क्या तो बहुत सिंपल सी बात है उस बीस में से आपको अभी भी दस ही मिलते हैं मगर रिमेनिंग पेपर जो अस्सी मार्क का था ना उसमें से आपको हार्डली चालीस मिलते हैं क्योंकि इसका प्रेशर आपने रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर पे डाल दिया अच्छा एक सबसे बड़ी गलत फैमी बोलूं मैं आपको दो गलत है लोगों को सर क्वेश्चन नंबर वन कंपल्सरी होता है तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर वन नहीं आया तो भी सॉल्व किया पहले सॉल्व किया सर क्योंकि वो क्वेश्चन होता है ना क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट सॉल्व करना जरूरी होता है क्या पहले ये बताओ नहीं होता है दूसरी बात सर क्वेश्चन नंबर कंपल्सरी इसलिए मैंने उसको छोड़ा ही नहीं मैंने कहीं नहीं तो कहीं उसको सॉल्व किया मगर किया मुझे बोलो अगर मैं रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व नहीं करता एलिजिबल टू पास ऑफकोर्स यस तो क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी का जो तुम्हारे अंदर एक भयंकर ख्वाफ है ना उसको निकाल के फेंको क्योंकि वैसे भी अपन क्या बोल रहे फर्स्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है ट्वेंटी मार्क्स के लिए आता है ना आईसीए का चढ़ावा कितना है ट्वेंटी है ना तो वो अपने शेयर की बात मांग रहे हैं वो खुद के शेयर के आगे कुछ मांगा क्या उन्होंने बीस मार्क तो उनके ही थे उन्होंने वो टफ पार्ट क्वेश्चन नंबर वन में डाला हो या क्वेश्चन नंबर लास्ट में डाला हो आपको क्या लेना देना है आप बस ये याद रखो जो क्वेश्चन उनके दूर से प्रणाम जो क्वेश्चन आपने बस शिद्दत से सॉल्व करो वर्किंग नोट्स बराबर लिख दिखाओ नोट्स आजमिशंस प्रॉपरली लिखो ताकि आपका स्कोर एकदम मस्त आए आई होप सबको समझा रहेगा हाउ टू राइट द पेपर ठीक है शेल वी स्टार्ट लेट्स बिगिन विथ एफ एम का चार्ट बुक फर्स्ट ऑल ऑफ यू सो दिस इज विजिबल स्क्रीन सबको विजिबल है लास्ट बेंच तक वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन मेनली ऑन लेवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल बजटिंग रेशियो एनालिसिस जिसको यहाँ पर लिखा है फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक है डिविडेंट डिस ठीक है एवरी वन एंड लास्ट पार्ट कनेक्टेड विद द कैपिटल बजटिंग पार्ट इज रिस्क एनालिस इन कैपिटल बजटिंग द लीस्ट इंपॉर्टेंट विल बी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बिकॉज इट्स वास्ट ठीक है ऑल दी चैप्टर्स आर कनेक्टेड हियर कवर्ड हियर ओके ये मेरे इंडेक्स पे जनरली मैं ऐसे जो अच्छे स्कोरर्स या रैंकर्स होते हैं उनका नाम लिखता हूँ आई एम श्योर कि तुम में से कुछ रहेंगे जिनका नाम यहाँ पर आ सकता है और ये सपना देखने की आप हिम्मत रख सकते हो ठीक है लेट्स बिगिन फ्रेंड्स सबसे पहले हम जाएंगे लेवरेज पर ऑल ऑफ यू कम टू लेवरेज टेल मी पेज नंबर फोर न यस गाइस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेवरेजेस आर देर थ्री टाइप्स ऑफ लेवरेजेस पहला ऑपरेटिंग लेवरेज दूसरा फाइनेंशियल लेवरेज लास्ट कंबाइंड लेवरेज वेरी गुड तो सबसे पहले बात करेंगे लेवरेज की और लेवरेज के अंदर हम बात करेंगे डी ओ एल क्या ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ये क्या लेवरेज से अलग होता है लेवरेज और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या फर्क है कोई फर्क नहीं है ठीक है अब जब हम बोलते हैं लेवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज तो ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर और डी के अंदर कोई फर्क नहीं है ऑपरेटिंग लेवरेज में ऑपरेटिंग पार्ट पता है सबको आपको मार्जिनल कॉस्टिंग पता है मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट पता है कहां से शुरू होता है सेल्स कहां तक आता है प्रॉफिट प्रॉफिट तक वो लोग उधर प्रॉफिट बुलाते हैं उसको राइट right? तो वही सेम फॉर्मेट यहां पर भी यूज होता है DOL में DOL का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, 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 क्या माइनस होगा फिक्स कॉस्ट क्या मिलेगा ईबीआईटी को क्या बोलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बोलते बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या ये आपके चार्ट बुक में दे रखा है फॉर्मेट यस और नो यस yes, ये मास्टर चार्ट आप देखोगे तो आपको मिलेगा मास्टर चार्ट मतलब मेन चार्ट ठीक है यहां पे देखो सेल्स माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट मिला कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस किया फिक्स कॉस्ट मिला ई क्या लिखा है यहां पर लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है ऑपरेटिंग पार्ट ओके नाउ वॉट यू वॉन्ट टू डू यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर सेल्स बाय 10% सपोज यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर सेल्स बाई टेन एंड बाय मोर इंक्रीज इन डैश मोर इंक्रीज इन ईबीआईटी ईबीआईटी इंक्रीजेस बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट सपोज पॉसिबल है क्या सेल्स इंक्रीज हो रहा है दस परसेंट से ईबीआईटी इंक्रीज हो रहा है ट्वेंटी फाइव परसेंट से पॉसिबल है क्या यस इट्स पॉसिबल वाई बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट वेरी गुड बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट जब सेल्स बढ़ाओगे दस परसेंट से वेरिएबल कॉस्ट दस परसेंट से बढ़ेगा नाम से समझता है वेरिएबल है मगर फिर कॉन्ट्रीब्यूशन भी सिर्फ दस परसेंट से ही बढ़ेगा आर यू अंडरस्टैंडिंग मगर फिर फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम तो इसलिए फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा नहीं और अगर फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका ईबीआईटी ज्यादा परसेंट से बढ़ेगा कॉमन सेंस समझा क्या नाउ टेल मी अगर सेल्स बढ़ रहा है दस परसेंट से ईबीआईटी बढ़ रहा है ट्वेंटी फाइव परसेंट से तो आपको कितने गुना फायदा हुआ आर यू गेटिंग बेनिफिट ईयर बच्चों आपको बेनिफिट मिल रहा है कि इधर येस कितने टाइम्स का बेनिफिट मिल रहा है 2.5 टाइम्स का बेनिफिट मिल रहा है हर एक परसेंट चेंज इन सेल्स के लिए आपका ईबीआईटी 2.5 परसेंट से चेंज हो रहा है करेक्ट है क्या तो फिर आपका डीओएल का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स मेरे एग्जाम्पल में कितना था ये? 25 by 10 है ट्वेंटी फाइव परसेंट बाई इन परसेंट जिसका आंसर गाइस विथ मी समझ रहा है क्या यहां तक yes, अच्छे से yes, सबका ध्यान है yes, सब आंसर्स दे रहे हैं yes, ओके okay. ऐसा क्यों हुआ बोला आपने फिक्स कॉस्ट की वजह से हुआ तो एक काम करते डायरेक्टली फिक्स कॉस्ट का मेजर इंपैक्ट मेजर करने का किसी भी चीज़ का इंपैक्ट मेजर करने के लिए क्या करते उस चीज के पहले वाली चीज को देखते और उसके बाद वाली चीज से उसे कंपेयर करते पहले वाला चीज और बाद वाला चीज अगर कंपेयर करेंगे तो बीच वाली चीज का इंपैक्ट समझेगा ना करेक्ट है कि नहीं तो फिर मेरा डी ओ एल का दूसरा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए उसके पहले वाली चीज को उसके बाद वाली चीज से कंपेयर कर रहा हूं मैं इट विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई टी एवरीबडी तो ये दो फॉर्मुले दो फॉर्मुलेज आपके डी ओ एल के एनी डाउट विद डीओल फॉर्मूला तो यह दोनों फॉर्मुलेज आपके चार्टुक में मिल जाएंगे आपको ठीक है वॉट डीओ एल ऑफ टू पॉइंट फाइव टाइम्स इंडिकेट डीओ एल ऑफ टू पॉइंट फाइव इंडिकेट बोलो लास्ट बेंच एवरी वन परसेंट इंक्रीज इन सेल्स विल इंक्रीज द EBIT by 2.5 percent. Are you getting advantage? Yes. yes. What about decrease? What about decrease? अगर sales decrease होते हैं 10 percent से, तो EBIT क्या 25 percent से decrease होगा? Yes. Of course, yes. तो इसका मतलब क्योंकि fixed cost वहाँ पर भी तो same ही रहेगा ना? Sales decrease हुआ 10 percent से, variable cost decrease होगा 10 percent से, contribution decrease होगा 10 percent से, मगर fixed cost तो उतना ही है. तो ज्यादा डिक्रीज होगा ना फिर yes. ज़िपिंग yes. समझ रहे हैं yes. तो फिर इसका मतलब क्या हुआ लिवरेज एडवांटेज है तो लिवरेज रिस्क भी है लिवरेज इज एडवांटेज एज वेल एज रिस्क यहां तक का पार्ट समझा yes. अब फर्स्ट यहां पर डीएल लिखा है तो यहां पर डीएल का नोटबुक लाए हो क्या आप एक चलो फटाफट फॉर्मुले -फड़ लिखना स्टार्ट करते हैं नोटबुक में हैंडराइटिंग की तरफ ध्यान मत दो जैसे हैंडराइटिंग आई आने दो आपकी हेंडराइटिंग आपको तो समझती है ठीक है लिखो लिवरेज चैप्टर का हेडिंग दे दो पहले लिवरेज और लिवरेज में लिख दो डी ओ एल और वहां पर फर्स्ट फॉर्मूला लिखो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी e अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स परसेंटेज चेंज इन ई बी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स प्लीज स्क्रीन की तरफ देखकर मत लिखो हमने डिस्कस किया है फॉर्मूले दूसरा फॉर्मूला बताओ वेरी गुड कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बी आई टी नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल लिवरेज डीएफएल फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंशियल पार्ट पता है क्या आपको कहां से शुरू होता है फाइनेंशियल पार्ट जहां ऑपरेटिंग एंड होता है वहीं से शुरू हो जाता है मतलब कहां से शुरू होगा ईबीआईटी से शुरू होगा ईबीआईटी में से पहले क्या लेस होगा इंटरेस्ट क्या मिलेगा ईबीटी ईबीआईटी का आय चला गया तो ईबीटी बचा इसमें से क्या लेस होगा टैक्स क्योंकि ईबीटी पर कैलकुलेट होता है टैक्स ईबीटी पर कैलकुलेट होता है टैक्स तो क्या मिलेगा EAT मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स अगर प्रेफरेंस डिविडेंट नहीं है तो इसी को मैं बुलाऊंगा नेट इनकम क्या होता है सर इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर सो नेट इनकम इज ऑलवेज ई एटी करेक्ट और इनकरेक्ट इन करेक्ट क्यों इनकरेक्ट प्रेफरेंस डिविडेंट रहेगा तो उसके बाद वाले इनकम को नेट इनकम बोलना पड़ेगा तो फिलहाल प्रेफरेंस डिविडेंट नहीं है तो ई ए टी विल बिकम एनआई समझ रहा है क्या सबको आप बताइए एन आई अगर अवेलेबल टू ऑल शेयर होल्डर है और मुझे पर शेयर अर्निंग चाहिए तो ईपीएस इज इक्वल टू एन आई या ई टी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ठीक है तो ये मिल गया आपको अर्निंग पर शेयर यहां तक का पार्ट क्लियर है अब आप ईबीआईटी को बढ़ाओगे 25 परसेंट से एग्जाम्पल और उससे आपका ईपीएस 75 परसेंट से बढ़ेगा पॉसिबल yes, ऐसे कैसे पॉसिबल है सर इंटरेस्ट की वजह से पॉसिबल है क्योंकि दोस्तों जब आपका ईबीआईटी बढ़ता है मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो आप डिबेंचर होल्डर्स को या बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट दोगे क्या कैन आई कॉल इंटरेस्ट एज ए फिक्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जैसे ऑपरेटिंग का फिक्स कॉस्ट रेंट होता है वैसे फाइनेंस का फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट हो सकता है ना आर यू जिपिंग तो फिर उस केस में इंटरेस्ट विल बिकम माय फिक्स कॉस्ट तो इंटरेस्ट को गोल करने का जैसे ऊपर गोल किया था अपन ने फिक्स कॉस्ट को आप बताइए 25 परसेंट से आप ईबीआईटी बढ़ा रहे थे 25 परसेंट से और उससे आपका ईपीएस बढ़ रहा है 75 परसेंट से आर यू गेटिंग एडवांटेज यस हाउ मेनी टाइम्स थ्री टाइम्स व्हाट शुड बी द फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन पी एस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ई सेल्स नहीं ई करेक्ट तो यहां पे जाइए और यहां पे लिखिए पहला परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ई बाय परसेंटेज चेंज इन ई अपने एग्जांपल में 75 बाय 25 करके आंसर थ्री टाइम्स आएगा 75 परसेंट चेंज इन पी एस एग्जाम्पल यहां पे था ना सेवेंटी फाइव परसेंट चेंज इन ईपीएसेंट सॉरी ट्वेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट चेंज इन तो बाय करके आंसर टाइम्स आएगा इसी का दूसरा कैसे आंसर आना चाहिए फॉर्मूला कैसे आना चाहिए ये सब किसकी वजह से हुआ इंटरेस्ट की वजह से हुआ तो इंटरेस्ट का इंपैक्ट मेजर कर सकते हो क्या आप कैसे करोगे yes, इंटरेस्ट के पहले और इंटरेस्ट के बाद फॉर्मूला बोलो ई बी आई टी अपॉन बी टी करेक्ट ई बी आई टी अपॉन ई बी टी तो लिखो दूसरा फॉर्मूलाई टी अपॉन ई बी टी पार्ट क्लियर है यहां तक yes. समझा सबको अब बात करेंगे कंबाइंड लेवरेज की नाम से समझ रहे हैं आपको कंबाइंड कंबाइंड इज डीसी जिसको डी टी एल भी बोलते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज नाउ गाइस टेल मी डीटीएल मतलब क्या होगा में आपको सेल्स से कहानी शुरू होगी और कहां तक जाएगी ईपीएस तक जाएगी मतलब मैं ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों कंबाइन कर रहा हूं ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों कंबाइन कर रहा हूं मैं तो अगर दोनों कंबाइन करेंगे अगर हम लोग तो उस केस में सेल्स कितने से बढ़ाया था हमने टेन परसेंट से बढ़ाया था उससे रिजल्टेंटली ईपीएस कितने से बढ़ा था सेवेंटी फाइव परसेंट से बढ़ा था तो फिर आंसर क्या आना चाहिए 75 by 10, that is 7.5 times. Can you tell me the formula? What is the formula? Percentage change in EPS upon percentage change in sales. Licko. Percentage change in EPS upon percentage change in sales. Or. दूसरा फॉर्मुला सोचते अभी आप दो जगह सर्कलिंग कर रहे हो अभी ऊपर के फिक्स कॉस्ट पे भी सर्कल है इमेजिन करो कर क्योंकि एग्जाम में इमेजिन करना पड़ेगा हर बार थोड़ा ना लिखते बैठोगे तो आप ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों कंबाइंड ऐसा सोचो ऊपर एक सर्कल है किधर फिक्स कॉस्ट पर नीचे एक सर्कल है किधर इंटरेस्ट कॉस्ट पर तो फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों में से ऊपर कौन सा है नहीं नहीं फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों में से ऊपर कौन सा है फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के पहले क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों के नीचे क्या है मतलब इंटरेस्ट के नीचे क्या है ईबीटी तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी तो फॉर्मूला आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस मुझे लगता नहीं कि इससे और डिटेल में बताने की जरूरत है राइट एंड नाउ द थर्ड फॉर्मूला फॉर दिस विल बी सिंस इट्स अ कंबाइंड लिवरेज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सो इसलिए दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कंबाइंड लिवरेज मिल जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कंबाइंड लिवरेज मिल जाएगा इसका भी मैथमेटिकल प्रूफ होता है अगर रेगुलर बैच होता तो मैं आपको दिखा देता था बट एनी आपको पता है कि अगर आप दोनों का फॉर्मूला रखोगे आजू बाजू दोनों में मल्टीप्लिकेशन साइन रखोगे तो चीजें कैंसिल होकर ऊपर के फॉर्मुलेज बनेंगे ओके okay, एवरीवन हमें फॉर्मुलेज इन ऑल वी एफ सीन टिल ऑपरेटिंग के दो फाइनेंशियल के तीन कंबाइन के सब हमने साथ में बनाया अभी डिराइव किए साथ में आपने बोलो मुझे पूरा कंबाइन का फॉर्मेट एक बार सेल्स माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा कंट्रीब्यूशन माइनस होगा फिक्स कॉस्ट मिलेगा ईबीआईटी माइनस होगा इंटरेस्ट मिलेगा ईबीटी माइनस होगा टैक्स मिलेगा ई आई विल बी कॉल एज Of will give you EPS. EPS. Sales से लेकर ईबीआईटी वाला पार्ट ऑपरेटिंग पार्ट ईबीआईटी से ईपीएस वाला पार्ट फाइनेंशियल okay. पार्ट दोनों को मिला है तो कंबाइंड पार्ट नाउ फ्रेंड्स कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर सर प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो क्या कॉमन सेंस यूज करो और मुझे बताओ कि प्रेफरेंस शेयर अगर रहेंगे दोस्तों प्रेफरेंस अगर रहेंगे ओके okay? तो उस केस में ऑपरेटिंग वाला पार्ट हिलेगा क्या नहीं हिलेगा तो इसका मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं, नहीं है आंसर चेंज होगा क्या नहीं फाइनेंशियल पार्ट चेंज होगा क्या यस फाइनेंशियल पार्ट में चेंज होगा क्या चेंज होगा चलो स्टार्ट करते फाइनेंशियल पार्ट स्टार्ट विथ ईबीआईटी माइनस क्या करते इंटरेस्ट यहां माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पहले ईबीटी फिर भर दो टैक्स फिर आएगा ईएटी अब माइनस करो फिर उससे निकलेगा ईपीएस ईपीएस विल बी नथिंग बट दिस एनआई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहां तक का पार्ट क्लियर yes. अब आप बताइए पहला फॉर्मूला जो था वो था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी तो अगर बीच में मैं कुछ भी डाल दूं तो उसका इंपैक्ट ईपीएस पे आ चुका है यस और नो यस तो फिर मुझे फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है मेरा फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा बोलो क्या रहेगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। नी नो नीड टू चेंज द फॉर्मूला विल द आंसर चेंज विल द आंसर चेंज एक एक जगह प्रेफरेंस डिवेंट लिया दूसरी जगह नहीं लिया आंसर ऑटोमेटिकली चेंजेस बिकॉज वॉट विल चेंज EPS विल चेंज ईपीएस चेंज होने से आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा आपको फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है समझे क्या सो so, जैसे इंटरेस्ट आपका एक फिक्स कॉस्ट था वैसे ही सेम प्रेफरेंस डिविडेंड भी आपका एक फिक्स कॉस्ट है डू यू अग्री बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट से प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है तो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट अगर फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट कॉस्ट जैसा वो भी एक फिक्स कॉस्ट ही हो गया Do you agree? तो फिर हमारा जो डीओ का फॉर्मूला था वो था बी आई टी अपॉन ई बी था ना यस yes, ये ओरिजिनल फॉर्मूला था ठीक है अब बताइए ईबीटी की जगह ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिखू तो कुछ फर्क गिरेगा क्या ईबीटी लिखा क्या या ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिखा क्या कोई फर्क गिरा क्या मैंने अभी तक फॉर्मूला नहीं change किया, formula चेंज किया है फॉर्मूला लिखने का स्टाइल चेंज किया है ठीक है अब इंटरेस्ट आप माइनस कर रहे हो बिकॉज इंटरेस्ट इज अ अस्ट कॉस्ट वैसे आपको माइनस करना चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड क्योंकि वो भी एक फिक्स कॉस्ट ही है आप ज्यादा ईबीआईटी अर्न करोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट दोगे क्या यस और नो नो आप कम ईबीआईटी अर्न करोगे तो कम इंटरेस्ट दोगे क्या नो no. no. वैसे सेम लॉजिक आपका प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ भी रहेगा आप ज्यादा अर्न करोगे तो ज्यादा पीडी पे करोगे क्या नहीं अरे के आगे लिखा प्रेफरेंसेंट पीडी सेवन परसेंट प्रेफरेंस शेयर लिखा रहता है ना तो इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट भी फिक्स ही है और अगर उनका रेट भी फिक्सड ही है तो इसका मतलब जैसे इंटरेस्ट माइनस कर रहे हो वैसे पीडी भी माइनस करना पड़ेगा आपको मगर इंटरेस्ट और पीडी में एक बहुत बड़ा अंतर है टैक्स का एक जगह टैक्सेशन के पहले आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो दूसरी जगह आप पीडी के पहले इंटरेस्ट पे करके पीढ़ी बाद में पे कर रहे हो तो अगर पीडी पे करना है तो पीडी के पहले क्या पे करना पड़ता है टैक्स तो पीड़ी को डिवाइडेड बाय वन माइनस टैक्स करना पड़ता है सर ये क्या है वन माइनस टैक्स रिमेंबर एनी थिंग इंटू वन माइनस टैक्स इज आफ्टर टैक्स एनी थिंग इंटू वन माइनस टैक्स इज आफ्टर टैक्स एनी थिंग डिवाइडेड बाय वन माइनस टैक्स विल गिव यू फोर टैक्स सिंपल लॉजिक अब यह मैराथन है इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं समझ रहा हूं नहीं तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल लेकर आपको प्रूव करा देता था एज ऑफ नाउ इतना समझ लो किसी भी चीज को इन टू वन माइनस टैक्स करोगे तो आफ्टर टैक्स हो जाएगा किसी भी चीज को डिवाइडेड बाई वन माइनस टैक्स करोगे तो बिफोर टैक्स हो जाएगा लिखो अपने मेमोरी पे विश्वास मत करो लिखो एनीथिंग इन टू वन माइनस टैक्स Gives you after tax. Anything into 1 minus tax gives you after tax. Anything divided by 1 minus tax is before tax. Anything divided by 1 minus tax is before tax. तो बताओ हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा फिर ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन वन माइनस टैक्स सर उसको ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस पीडी अपॉन वन माइनस टैक्स लिख सकते क्या इस पोर्शन की जगह ईबीटी e लिख सकते हो क्या मैं यस yes, लिख सकते हैं मगर नॉर्मली ये फॉर्मूला याद रखो ऐसे ही क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है DFL दिया रहता है दिया रहता है क्वेश्चन में इंटरेस्ट का अमाउंट दिया रहता है प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट दिया रहता है टैक्स का रेट दिया रहता है और ढूंढना होता है ई समझे कि नहीं तब आपको यह फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सब कुछ दिया है क्या मिसिंग है ई मिसिंग है तो ईबीआईटी को ढूंढना पड़ेगा आपको यही फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा फिर तो आप मेन फॉर्मूले के इसमें चले जाओ और इधर यहां पर लिखोगे इफ प्रेफरेंस डिविडेंट इज गिवन इफ प्रेफरेंस डिविडेंट इज गिवन डी एफ एल इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंट अपॉन वन माइनस टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंट अपॉन वन माइनस टैक्स इज दिस क्लियर गाइज ऑल ऑफ यू एनी डाउट कितने फॉर्मूलेस देख लिए हमने अब तक आठ छ सात पहले वाले थे और ये एक नया फॉर्मूला देखा आपने ठीक है डू यू थिंक आपका डी एफ एल का फॉर्मूला यहां तक चेंज होकर खत्म हो गया अभी डी सी एल पे जाते डी सी एल डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज चेंज होगा क्या प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से कंबाइंड लेवरेज चेंज होगा क्या यस yes. yes होगा क्यों होगा yes. क्योंकि कंबाइंड में फाइनेंशियल पार्ट आता है और फाइनेंशियल चेंज हुआ तो ऑब्वियसली अब कंबाइंड भी चेंज होना ही चाहिए तो फिर कंबाइंड लेवरेज में कहानी कहां से शुरू होती है सेल्स एंड कहां होती है ई पी एस जस्ट इमेजिन की प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया बोलो कंबाइंड लेवरेज का पहला फॉर्मूला क्या था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स आपने पीडी को उस ई पी एस के पहले ही डाला है उस पी की वजह से ईपीएस बदला है फॉर्मूला बदलने की जरूरत है क्या नहीं, नहीं। फॉर्मूला नहीं बदलेगा आंसर बदलेगा फॉर्मूला क्या रहेगा बोलो फिर कंबाइंड लिवरेज का परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स क्योंकि आपने पीडी बीच में डाला है तो पीडी की वजह से ईपीएस ईपीएस बदलेगा EPS बदलेगा तो आपका आंसर ऑटोमेटिक बदलेगा फॉर्मुला चेंज क्यों कर रहे हो मगर कंबाइंड लिवरेज का दूसरा फॉर्मूला भी था कॉन्ट्रीब्यूशन बाईटी कॉन्ट्रीब्यूशन ईबीटी था ना देख लो एक बार डीसीएल इज इक्वल टू फॉर्मूला वॉज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ई था ना अब अभी अभी अपन ने फाइनेंशियल लिवरेज वाले फॉर्मूले को वैसे ही चेंज किया था वहां पर क्या था फॉर्मूलाई टी अपॉन ईबीटी था यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी डू यू अंडरस्टैंड दोनों का डिनोमीटर सेम था तो डू यू अंडरस्टैंड कि उधर के डिनोमीटर में जो चेंज हुआ था वो इधर के डिनोमीटर में भी होगा तो बोलो इसको क्या करूं मैं न्यूमोमीटर चेंज करूं क्या नहीं डिनोमिनेटर में क्या होगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन वन माइनस टैक्स जीपा तो फिर फॉर्मूला बनेगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पी डी अपॉन वन माइनस टैक्स कैन दिस बी रिटर्न एज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस पी डी अपन वन माइनस टैक्स यस नो प्रॉब्लम इसके जगह आप इबीटी लिखोगे तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या मिसिंग है कितवा फॉर्मूला था ये हमारा नाइन्थ फार्मूला था एट फॉर्मुलेस ऑलरेडी हो गए अभी ये नाइन्थ फार्मूला था टेंथ फॉर्मूला चेंज करने सॉरी पहला वाला फॉर्मुला डीसीएल का क्या था एक और फॉर्मूला था तीन फॉर्मुलेज थे ना डीओ एल इंटू प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से ये फॉर्मूला बदलेगा क्या नहीं बदलेगा क्यों नहीं बदलेगा क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड से ऑलरेडी डीएफएल बदल चुका है उस डीएफएल बदल चुका है इसलिए फॉर्मूला बदलने की जरूरत नहीं है आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा अगर एक क्वेश्चन है जिसमें पीढ़ी है और एक क्वेश्चन है जिसमें पीढ़ी नहीं है डीओएल बदला क्या नहीं डीएफएल बदला क्या यस तो डीसीएल बदल जाएगा क्या यस क्या फॉर्मूला है डीओ एल डीएफएल तो DFL चेंज हो चुका है ड्यू टू प्रेफरेंस तो ऑटोमेटिकली DCL भी चेंज हो जाएगा आपको फॉर्मूला बदलने की जरूरत नहीं है इसका मतलब लेवरेज में कुल मिलाकर लेवरेज के कितने फॉर्मुलेज हैं सिर्फ नौ नौ फॉर्मुलेज समझ गए दो ऑपरेटिंग लेवरेज के दो ओरिजिनल कंबाइंड फाइनेंशियल लेवरेज के थे एक फाइनेंशियल लेवरेज का नया फॉर्मूला कब आया था जब प्रेफरेंस डिविडेंड था ओरिजिनली तीन कंबाइंड लेवरेज के थे और एक और कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला कब आया जब प्रेफरेंस डिविडेंड था मतलब ओरिजिनल सात वाले फॉर्मुलेस ओरिजिनल सात फॉर्मुलेस प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से डीएफएल का नया फॉर्मूला एंड डीसीएल का नया फॉर्मूला टोटल नाइन फॉर्मुलेस है बस याद हो गए क्या आप सबको एवरीबडी चलिए तो यहां पर वही लिखा है जो आपने अभी अभी डिस्कस किया है पूरा अब डू यू नो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेवरेजिस आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ लेवरेजेस डू यू नो दिस डीओएल कैसा होना चाहिए डीओएल कम होना चाहिए डीएफएल कैसा होना चाहिए फेवरेबल रहेगा तो हाई होना चाहिए अनफेवरेबल रहेगा तो लो रहना चाहिए सर ये क्या है सर फेवरेबल क्या है अनफेवरेबल क्या है देखिए पहली बात तो अपन डीओ एल की बात करते डीओ एल शुड ऑलवेज बी लो प्रेफर्ड लिख दो उधर डी ओ एल शुड ऑलवेज बी लो प्रेफर्ड डीओल शुड ऑलवेज बी लो प्रेफर्ड बिकॉज इफ डी ओ एल इज हाई उल्टा सोचते इफ डी ओ एल इज हाई वॉट विल हैपन गज डी ओ एल अगर ज्यादा है तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा ऑपरेटिंग का रिस्क बढ़ेगा ना फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा फिक्स कॉस्ट अगर ज्यादा है मतलब क्या सर फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही होता है सर फिक्स कॉस्ट ज्यादा का मतलब जानते हो मैंने ये छोटा सा हॉल रेंट पे लिया तो इसका फिक्स कॉस्ट कम रहेगा मैंने वो नीचे वाला बड़ा हॉल रेंट पे लिया तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा ना यस और नो तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो सकता है फ्रॉम दैट एंगल आर यू गेटिंग डे टू डे ऑपरेशन में फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता मगर फिक्स कॉस्ट कित का बर्डन कितना लेना है ये तो फर्म के हाथ में रहता है ना सो so, फिक्स कॉस्ट हाई हो जाएगा अगर डी ओएल हाई रहेगा तो इसका मतलब दोस्तों बहुत सिंपल है जितना फिक्स कॉस्ट ज़्यादा आता है डी ओएल भी उतना ज़्यादा आता है अगर ड्यूएल ज्यादा है तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा है ठीक है अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो टोटल कॉस्ट क्या होगा ज्यादा होगा ना बिकॉज टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ाओगे तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा टोटल कॉस्ट बढ़ेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा बढ़ेगा ना ऊपर के लेवल पे जाएगा व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट यू नो नो प्रॉफिट नो लॉस वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट तो जस्ट इमेजिन की टोटल कॉस्ट ही बढ़ गया तो उसको इक्वल करने के लिए रेवेन्यू भी बढ़ेगा ना एट ब्रेक इवन पॉइंट देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस ठीक है तो फिर ब्रेक इवन पॉइंट अगर बढ़ेगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा दोस्तों कम हो जाएगा वेरी गुड कॉस्टिंग आता है तो ये जो लिखा है ये समझ जाएगा आपको फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ये जीरो सेल्स है ये ब्रेक इवन सेल्स है ये एक्चुअल सेल्स है ठीक है तो ये दोनों के गैप को क्या बुलाते मार्जिन ऑफ सेफ्टी बुलाते वेरी गुड एवरीबडी नाउ जस्ट इमेजिन कि फिक्स कॉस्ट ज्यादा रखा है तो टोटल कॉस्ट बढ़ गया तो ब्रेक पॉइंट पे क्या होता है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है बराबर तो ये टोटल कॉस्ट ही अगर बढ़ गया तो ब्रेक यून पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा नया ब्रेक यून पॉइंट बीपी वन आ जाएगा ब्रेक यून पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा समझा क्या मीनिंग और अगर ब्रेक पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो अब मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी वन क्या हो गया कम हो गया इज इट गुड फॉर मी नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाना इज नॉट गुड मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा रहेगा प्रॉफिट भी उतना ज्यादा रहेगा कोई भी फर्म क्या ट्राई करेगा इसका मतलब बोलिए मैडम फर्म क्या ट्राई करेगा हर वक्त शुड बी डैश लो इफ डीओल इज नॉट लो इट इज हाई दिस विल हैपन समझे लिखा ये सब ने ओके okay. तो ये था आपका डीओ का लॉजिक व्हाट अबाउट डीएफएल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का लॉजिक क्या है आपका फाइनेंशियल लिवरेज हाई होना चाहिए या लो वो डिपेंड करता है कि ये फेवरेबल है या ये एडवर्स है ये फेवरेबल कब होता है और ये एडवर्स कब होता है डीएफएल इज सेट टू बी फेवरेबल वेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट ऑन डेट अगर मैं आपसे लोन लू नौ परसेंट से और बिजनेस में इन्वेस्ट करूफ्टीन परसेंट से गुड और बैड गुड मैंने एक करोड़ रुपए लिए रहेंगे तो प्रॉफिट तो और बढ़ेगा करेक्ट है कि नहीं yeah. मेरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने के. और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है नाइन परसेंट का है जितना ज्यादा लोन लूंगा उतना अच्छा है ये और नो स दैट इज कॉल्ड एज फेवरेबल डीएफएल और जब जब डीएफएल फेवरेबल होता है डीएफएल शुड बी हाई डीएफएल हाई कब होना चाहिए जब डीएफएल फेवरेबल है अनफेवरेबल मतलब एडवर्स कब होगा एडवर्स कब होगा आर ओ आई इज लेस देन इंटरेस्ट रेट मुझे बोलो लोन डुबाते क्यों है लोग बैंक करप्ट क्यों हो जाते हैं लोग क्योंकि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट नाइन परसेंट था और इनकी कंपनी लॉस में रेट ऑफ इंटरेस्ट नाइन परसेंट था और इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइव परसेंट है फोर परसेंट है जीरो परसेंट निगेटिव है उस वक्त लोन लेकर फायदा हो रहा है क्या नहीं तो उस वक्त लोन कम लेना चाहिए कि ज्यादा कम तो उस वक्त डीएफएल कैसा होना चाहिए लो तो इसका मतलब जब जब डीएफएल एडवर्स है तो लो रखो जब जब DFL फेवरेबल है तो हाई रखो DFL फेवरेबल कब बनता है दोस्तों आर वाई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट यू नो वट आर वाई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या बोलते हैं बोलो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एफ एम में दस मार्क का थ्योरी क्वेश्चन भी आता है मानो मैं आपको एफ एम में साठ में से दस मार्क का थ्योरी क्वेश्चन भी आता है तो आई एम गिविंग यू थ्योरी क्वेश्चन के लिए भी लॉजिक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब आपको बस वो समझाना है सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्यों बोलते सर क्योंकि इसका हैं नौ परसेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ा मगर रिटर्न कितना कमाया 15 का तो वो जो एक्स्ट्रा रिटर्न था आफ्टर टैक्स किसको मिलेगा कंपनी के रियल ओनर्स को मिलेगा कंपनी का रियल ओनर कौन है शेयर होल्डर है समझे कि नहीं सब लोग एवरीवन इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बाय द वे डीएफएल इज सेट टू बी फेयर वेदर फ्रेंड क्या बोलते हैं डीएफएल को फेयर वेदर फ्रेंड यस जब तेरा टाइम अच्छा चल रहा है ना मैं तेरा दोस्त है बहुत सिंपल बात जब तेरा टाइम अच्छा चल रहा है मैं तेरा दोस्त है दैट इज कॉल्ड एज फेयर वेदर फ्रेंड डीएफएल इज फेयर वेदर फ्रेंड डू यू अग्री ये ऊपर का सब देख के समझ रहा है डीएफएल फेयर वेदर फ्रेंड क्यों है क्योंकि तेरा टाइम अच्छा चल रहा है आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट तो बॉस तुझे फायदा होगा मगर अगर तेरा टाइम खराब चल रहा है तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट नाइन परसेंट है और तू कमा रहा है फाइव परसेंट तो मैं तेरा फ्रेंड नहीं है दुश्मन है समझे यहां तक का पार्ट समझा तो ये दो थ्योरी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं आपके मे ट्वेंटी में अब अगर दोनों लेवरेजेस लो लो रखे तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज भी लो है फाइनेंशियल लेवरेज भी लो है तो उस कंपनी को मैं बुलाऊंगा कॉशियस एंड कंजर्वेटिव कंपनी क्योंकि कंपनी रिस्क नहीं ले रहा है रिस्क नहीं ले रहा है ऑपरेटिंग रिस्क भी लो रखा है फाइनेंशियल रिस्क भी लो रखा है ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है आप एफ कर लो क्योंकि यह कंपनी रिस्क नहीं ले रहा है तो यह ग्रो नहीं होगा समझा क्या सबको बट अगर दोनों लेवरेजेस हाई हाई रखेंगे तो रिस्क कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा ऑपरेटिंग रिस्क भी ज्यादा है फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा है तो कंबाइंड रिस्क और बढ़ेगा ना ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क अभी अभी डीएफएल कितना था डीएफएल 7.5 टाइम्स था और नहीं 7.5 नहीं था थ्री टाइम्स था ऑपरेटिंग 2.5 था दोनों को मल्टीप्लाई करो 7.5 टाइम्स आए यू नो सेवन टाइम्स का मतलब क्या है एक परसेंट से सेल गिरा ना तो तेरा ईपीएस 7.5 परसेंट से नीचे जाएगा डेंजर है ना अगर जस्ट इमेजिन करो डीसीएल इज 30 परसेंट कंबाइंड लेवरेज कितना है 30 टाइम्स सॉरी परसेंट नहीं 30 टाइम्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 30 टाइम्स डीसीएल? सी एक परसेंट से सेल गिरा तेरा कम ई से नीचे जाएगा रिस्क यू नो वट तेरा सेल चार परसेंट से नीचे जाएगा ना चार सिर्फ चार परसेंट से negative. तो तेरा कंपनी लॉस में है मतलब ईपीएस नेगेटिव में जाएगा क्यों नेगेटिव में जाएगा चार इंटू तीस एक सौ बीस परसेंट से ईपीएस नीचे जाएगा एक सौ बीस परसेंट से ईपीएस कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, वो नंबर एक सौ बीस परसेंट से नीचे आ रहा है मतलब लॉस हो गया ना चलो ईपीएस पी दस रुपए का फिगर एक सौ बीस परसेंट से चेंज करो मतलब बारह रुपए से चेंज करो तो दस रुपए का फिगर अगर बारह रुपए से नीचे आ रहा है मतलब माइनस टू का ईपीएसर yes, तो नहीं जा रहा है ना yes, पक्का yes, तो फिर ऐसी कंपनी बहुत ही रिस्की कंपनी है क्योंकि इस कंपनी ने क्या किया फाइनेंशियल रिस्क एज वेल एज कंबाइन ऑपरेटिंग रिस्क दोनों हाई रखा है ऐसा नहीं चलेगा हमने क्या बोला था डीओएल क्या रखो लो बराबर ना बोला था ना देर शुड बी सफिशियंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी डीएफएल शुड भी डीओ एल शुड बी लो डीएफएल अगर फेवरेबल है तो हाई रखो तो ये हाई कब रहेगा जब वो फेवरेबल रहेगा तो उधर लिख दो फेवरेबल अज्यूमिंग फेवरेबल चार्ट बुक में लिखो अज्यूमिंग फेवरेबल अज्यूमिंग फेवरेबल तो अगर डीएफएल आपका फेवरेबल है तो डीएफएल हाई होना चाहिए और अगर ये दोनों लेवरेजेस इस तरीके से रखेंगे तो इसको बोलते हैं प्रेफरेबल मतलब मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए ओके okay. और अगर इसका एग्जैक्टली exactly उल्टा हुआ तो डीओएल लो रहना चाहिए था आपने रखा हाई डीओएल कैसा चाहिए था लो आपने कैसा रखा हाई डीओ डीएफएल हाई रहा तो चलेगा मगर आपने कैसा रखा लो तो इस कंपनी को बोलते हैं केयरफुल कंपनी इस कंपनी को क्या बोलते हैं केयरफुल क्यों बोलते हैं केयरफुल मालूम मैं आपको क्योंकि ये कंपनी ने ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ गया था इसलिए फाइनेंशियल रिस्क को केयरफुल रहकर कम किया है समझा कि नहीं सबको ऑपरेटिंग रिस्क हाई हो चुका था डीओएल ऑलरेडी ज्यादा है तो डीएफएल अपन फेवरेबल रखकर ज्यादा रखेंगे तो दोनों हाई हाई हो जाएगा फिर फर्स्ट कैटेगरी में चल जाएंगे अपन चाहिए क्या वैसा अपने को नहीं तो डीओ एल ऑलरेडी हाई था तो डीएफएल क्या कर दिया इन्होंने कम कर दिया ताकि रिस्क बैलेंस हो जाए इसलिए उस कंपनी को क्या बोलते हैं केयरफुल वहां पर आप लिख दो फॉर बैलेंसिंग रिस्क केयरफुल के वहां पर लिख दो फॉर बैलेंसिंग रिस्क फॉर बैलेंसिंग रिस्क फ्रेंड्स यहां तक कोई डाउट है किसी को तो ये था आपका लेवरेज वाला पार्ट फॉर्मुलस के साथ हमने सब कुछ रिवाइज किया हमने ये भी देखा कि फाइनेंशियल ऑपरेटिंग हमनेटिंग कैसे रहना चाहिए थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन भी हमने कवर किए ठीक है अब एग्जाम में सर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो समझते नहीं है सर सॉल्व ही नहीं करने आते पर्टिकुलरली ये टॉपिक की बात कर रहा हूं लेवरेज लास्ट पर्टिकुलर अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं उसमें लेवरेज का क्वेश्चन आया था आपको सबको एग्जाम के वक्त क्वेश्चन टफ गया रहेगा जिन्होंने दिया रहेगा ऑफकोर्स एग्जाम कितने लोगों को ऑनेस्टली बोलो टफ गया था एग्जाम के दिन वेरी गुड यू आर ऑनेस्ट अब ध्यान से सुनो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने पेपर के दो दिन बाद वीडियो डाला है उस पेपर का एनालिसिस डाला है मैंने उस एनालिसिस वीडियो में मैंने पर्टिकुलरली लिवरेज का क्वेश्चन सॉल्व किया है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर क्वेश्चन अलग आया अलग आया अलग आया मैंने सॉल्व करके दिखाया बिलीव मी क्वेश्चन बहुत ईजी था सिर्फ फर्क क्या था मानो मैं आपको वैसा क्वेश्चन कहीं नहीं था बस दैट्स दैट वाज द ओनली थिंग जो आज मैंने मैराथन लिया ना आप भी जो मैंने बोला ना आपको पिछले 45 फाइव मिनट्स में बस यही चीज अगर आपने अगर याद रखी रहती थी वो क्वेश्चन से डरे नहीं रहते थे तो आपको वो लिवरेज का क्वेश्चन ईजीली आ जाता था ज हाँ, का क्वेश्चन हटकर कौन सा आता है में क्या ये जो लास्ट एग्जाम में आया था यह हटके नहीं था नवंबर 22 का नंबर नवंबर 21 का क्वेश्चन हटके नहीं था सच में सिर्फ फर्क क्या था वैसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं है बस हटकर क्वेश्चन में किसको बोलना चाहूंगा मान में क्या लेवरेज में एक टिपिकल क्वेश्चन आता है जहां पर ये लोग आपको इंटरेस्ट का अमाउंट देते और डीएफएल भी देते वो हटकर होता है क्योंकि उस क्वेश्चन में अगर आप नॉर्मली ईबीआईटी अपन ईबीटी वाला लॉजिक लगाओगे तो आपका डीएफएल मैच ही नहीं होता है जो क्वेश्चन में दे रखा है इसका मीनिंग क्या होता है उस क्वेश्चन में और कोई इंटरेस्ट का फिगर है जो आपको दिया नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो ऐसे क्वेश्चन आरटीपी में कवर है ठीक है क्या क्वेश्चन है जिसमें इंटरेस्ट अमाउंट दिया है ईबीआईटी दिया है ईबीटी दिया है मतलब और आपको डी एफ एल अमाउंट भी डी एफ एल का आंसर भी दे रखा है मगर अगर आप ई बी आई टी अप ई बी टी करके देखो ई बी टी नहीं दिया रहता है एक्चुअली ये देखो उस क्वेश्चन में आपको ई बी आई टी दे रखा रहता है इंटरेस्ट का अमाउंट भी दे रखा रहता है मगर ई बी टी नहीं देते वो लोग ठीक है और डी एफ एल देते वो लोग अब आप क्या सोचते कि ई बी आई टी में से इंटरेस्ट माइनस कर दो ई बी टी मिल जाएगा फिर ई बी आई टी अपॉन ई बी टी कर लो आपको डी एफ एल मैच होना चाहिए डीएफएल मैच होता ही नहीं है उस तरीके से इसका मतलब क्या हुआ और कोई इंटरेस्ट है जो आपको पता नहीं, नहीं है मतलब ये इंटरेस्ट एक डिवेंचर पर का दिया रहेगा और एक डिवेंचर के और कोई इंटरेस्ट रह सकता है जो आपको मिसिंग है इस क्वेश्चन में उसको सॉल्व करना यह थोड़ा हटकर क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लो आपको समझ जाएगा इजीली मेरे पास अगर इसमें रहेगा और हमारे पास टाइम रहेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे डोंट वरी बहुत ईजी होता है बट ऐसे क्वेश्चन हटकर होते जो आपको दिख के जाने चाहिए वो जो लास्ट अटेम्प वाला क्वेश्चन था एक्चुअली बहुत ईजी था सिर्फ अलग क्वेश्चन था क्योंकि आपके मॉड्यूल में कहीं नहीं है आपके नोट्स में कहीं नहीं है हाँ अब ऐसा होगा कि मेरा अगला बैच जब रहेगा तो मैं वो क्वेश्चन डाल दूंगा मेरे नोट्स में यही प्रोसेस होता है ऑफ कोर्स मैं डाल दूंगा नोट्स में फिर वो क्वेश्चन अगले एग्जाम्स वालों के लिए देखा हुआ क्वेश्चन रहेगा और वो बोलेंगे अरे हाँ ये तो क्लास में सॉल्व किया था इजी था एकदम ज इज वेरी इजी टॉपिक दस मार्क आपके हाथ के प्लीज ये अंडरस्टैंडिंग में रहो कि उसको सॉल्व करना बहुत आसान है ये क्वेश्चन जो मैंने बोला अभी अभी ये देखो आप मे 2020 ट्वेंटी आरटीपी का क्वेश्चन है जहां तक कि मेरी याददाश्त है लिखना है तो लिख लो मे 2020 ट्वेंटी आरटीपी का क्वेश्चन रहेगा ठीक है तो एक बार जरूर देख लेना एक बार ठीक है चलो कैपिटल स्ट्रक्चर पे जाते हैं दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर में डायरेक्टली मैं प्रैक्टिकल पार्ट पे चले जाऊँ थ्योरोटिकल पार्ट तो आप खुद ही कर लोगे कि दस मार्क का है वैसे भी थ्योरोटिकल पार्ट एफ में थ्योरी पार्ट पूरा दस मार्क का है मैं प्रैक्टिकल पार्ट पर डायरेक्टली जा रहा हूँ इस कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको चार थ्योरीज है मानू में आपको कौन से चार थ्योरीज है बोलो एन आए एन ओ आए एम एम ट्रेडिशनल कितने बोलो चार बोलो फिर से एक बार एन आए एनओ आए एम एम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल तो इसमें से सबसे पहले एन आई अप्रोच की बात करेंगे हम लोग तो एनआई अप्रोच हो या कोई भी अप्रोच हो जाने के पहले आपको बहुत सिंपल इनके जनरल एजम्शंस समझने बहुत जरूरी है मिला क्या जनरल एजम्शंस पेज नंबर एट पर है पेज नंबर एट पर है जनरल एजम्पन्स फॉर ऑल थ्योरीज उसमें जनरल अजमशन फॉर ऑल थ्योरीज है मतलब चारों थ्योरीज है जिसमें एनआई बी कवर रहेगा एनओ आई भी रहेगा एमएम रहे भी रहेगा ट्रेडिशनल भी रहेगा ये फर्स्ट एजम्शन क्या बोलता है देर आर ओनली टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कौन से दो सोर्सेस है इक्विटी एंड डेट मतलब क्या नहीं है दोस्तों प्रेफरेंस नहीं नहीं है नहीं है ठीक है इस चैप्टर की बात नहीं चल रही है इस चैप्टर के अंदर तीन पार्ट है एक्चुअली फर्स्ट पार्ट इज थ्योरी जिसमें चार थ्योरीज है दूसरा पार्ट इस कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन और तीसरा पार्ट है अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इन डिफरेंस पॉइंट एक काम करो इस चैप्टर का समरी लिखो ताकि आपको यह चैप्टर कवर करने अच्छे से आना चाहिए चैप्टर में कैपिटल स्ट्रक्चर में तीन पार्ट रहेंगे फर्स्ट पार्ट रहेगा थ्योरीज जिसमें चार थ्योरीज है उसके अजमशन की बात चल रही है दूसरा पार्ट रहेगा इसका कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन जिसमें एक्सपांशन करना है अपने को फंड रेजिंग करना है अपने को ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक्सपांशन फंड रेजिंग ऐसे क्वेश्चन आते हैं और तीसरा पार्ट इस चैप्टर में आता है अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसमें दो कॉन्सेप्ट है एक फाइनेंशियल ब्रेक यून पॉइंट फाइनेंशियल ब्रेक यून पॉइंट एंड दूसरा इनडिफरेंस पॉइंट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इन डिफरेंस पॉइंट मेरी हैंडराइटिंग शायद खराब होगी आप चिंता मत करो आपको स्क्रीन पे देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए मेरे साथ साथ लिखते जाओ बस ठीक है थ्योरीज कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बस इस चैप्टर में इतना सा पार्ट है जो आपको अच्छे से कवर करना होता है अब बात करेंगे अपन जनरल एजम्पन्स की देर आर ओनली टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस दूसरा अजम्पन और क्या है नो चेंज इन कैपिटल एम्प्लॉयड यू नो मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है टोटल ऑफ ऑल द लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेस है इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर रिजर्व एंड सरप्लस डिबेंचर्स मतलब इन शॉर्ट पूरा लैबिलिटी साइड एक आइटम को छोड़कर करंट लैबिलिटी तो कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया टोटल लाइब्रिटी साइड माइनस करंट लाइब्रिटी विल गिव यू कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है तो नो चेंज इन कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल स्ट्रक्चर कैन कैन बी चेंज कैपिटल स्ट्रक्चर समझता क्या मिक्स और कॉम्पोजिशन ऑफ फंड्स. सपोज 80% परसेंट इक्विटी से आया 20% परसेंट डेट से आया इसको आप चेंज कर सकते इसको 50 50 कर सकते 30 70 कर सकते ये करना आपको अलाउड है मगर वो जो हंड्रेड परसेंट अमाउंट है ना उसको नहीं चेंज कर सकते आप जीपा नेक्स्ट इज नो रिटेन अर्निंग मतलब क्या समझा क्या फुल ईपीएस इज डीपीएस अर्निंग पर शेयर जितना कमाया उतना ही डिविडेंड पर शेयर दे दिया और रिटेनशन ऑफ प्रॉफिट कंपनी ने कुछ नहीं किया दैट इज कॉल्ड एज नो रिटेन अर्निंग फिर नेक्स्ट इज नो लॉसेस मतलब कंपनी सिर्फ प्रॉफिट कमाता है बांटता है प्रॉफिट कमाता है बांटता है लॉस होता ही नहीं है ये यहन है नेक्स्ट नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन क्योंकि हम कौन सा कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर तो ऑपरेटिंग क्यों चेंज करेंगे ना फाइनेंशियल चेंज करना है अपने को कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब मिक्स और कॉम्पोजिशन ऑफ फंड्स तो आप फाइनेंस चेंज करो ना आप ऑपरेटिंग क्यों चेंज कर रहे हो तो नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन नेक्स्ट नो टैक्सेस पर्सनल टैक्स भी नहीं है कॉरपोरेट टैक्स भी नहीं है इन्वेस्टर्स को भी टैक्स नहीं लगेगा कंपनी को भी टैक्स नहीं लगेगा लास्ट नो डिफरेंस इन इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन हर इन्वेस्टर सेम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है कोई इन्वेस्टर ज्यादा रेट एक्सपेक्ट नहीं करेगा कोई इन्वेस्टर कम रेट एक्सपेक्ट नहीं करेगा ऑल इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग सेम रेट ऑफ योर रिटर्न ये क्यों लिखा है माने में आपको क्योंकि केई केई होता है ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो सेम होना चाहिए अगर ये इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा तुम इन्वेस्टर कम एक्सपेक्ट करोगे तो मैं कैसे करूं केई दोनों का अलग अलग आएगा सो so, इसलिए यहां पर बोला गया है ऑल इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन आर सेम लिख दो चाहिए तो फॉर केई वो एजम्शन क्यों लिखा गया है फॉर केई कैसे लिखते मानो है ना के और छोटा ही केई के स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी Now friends, let's talk about income approach, net income approach of Durand. This was given by Durand, इसलिए लिखा जाता है NI approach of Durand. इसकी assumptions में बोला गया है KD is cost of debt, मानो मैं अपने को KE is cost of equity, मानो मैं अपने को Then they are saying KD is always less than KE. Cost of debt कभी भी cost of equity से कम होता है ये तो fact है दो reason है इसके इक्विटी इन्वेस्टर्स के रिटर्न के एक्सपेक्टेशन ज्यादा होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं। के 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 डेट होते, होते है। बोल दिया दस परसेंट इंटरेस्ट देगा तो वो दस परसेंट ही एक्सपेक्ट करते समझे और दूसरा रीजन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो इक्विटी इन्वेस्टर्स को हम क्या पे करते हैं डिविडेंट डिविडेंट अप्रोप्रिएशन हम डेट वालों को क्या पे करते इंटरेस्ट वो कहां डेबिट होता है पीएनएल अकाउंट इंटरेस्ट पर मिलता है टैक्स शील्ड और इक्विटी डिविडेंड पर टैक्स शील्ड नहीं मिलता तो दो रीजन से जिसकी वजह से डेट का कॉस्ट कम है और इक्विटी का कॉस्ट ज्यादा है पहला रीजन हाइयर एक्सपेक्टेशन दूसरा रीजन नो टैक्स शील्ड ऑन इक्विटी समझ गए के डी एंड के रिमेन्स कॉन्स्टेंट इसको स्टार मार्क करो केडी एंड के रिमेन्स कॉन्स्टेंट को स्टारमार्क करो ये एक आजमिशन की वजह से थ्योरी में बहुत बदलाव आता है इंपैक्ट आता है फॉर चेंज इन डेट इक्विटी मिक्स देर विल बी नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ डेट देर विल बी नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब मैं मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड में 10% परसेंट डेट रखू 90% परसेंट इक्विटी रखू और बैंक बोलेगा परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके okay. मैं डेट 50 परसेंट रखू और इक्विटी 50 परसेंट रखू तो भी बैंक बोलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 परसेंट ही मतलब मैं डेट ज्यादा लूं या डेट कम लूं रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है मैं इक्विटी कम रखूं या इक्विटी ज्यादा रखूं के ही भी सेम है केड़ी भी सेम है डेट इक्विटी चेंज करने से केड़ी के ही चेंज नहीं होता ये अजम्पन है और ये एजम्पन की वजह से यहां पर दिख रहा है कि आपको केड़ी कॉन्स्टेंट है यहां पे दिख रहा है आपको के ही कॉन्स्टेंट है यस और नो यस केड़ी के ही आर कॉन्स्टेंट एक और बात नोटिस किया रहेगा आपने डायग्राम में तो के ही ऊपर है और केड़ी नीचे है में लिखा था ना कॉस्ट ऑफ डेट कम होता है इसलिए वैसा किया है अब आप सोचो कि यहां पर डेट इक्विटी मिक्स है जीरो लेवल पर जीरो डेट है तो इक्विटी कितना हुआ हंड्रेड परसेंट इक्विटी हो गया जीरो लेवल पर डेट जीरो है इक्विटी हंड्रेड परसेंट है और जैसे जैसे हम एक्स एक्सेस पर आगे जाएंगे डेट को बढ़ाकर इक्विटी को हम कम करेंगे सर डेट को बढ़ाया मगर इक्विटी को कम क्यों किया क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज करना अलाउड नहीं है अगर मैं सिर्फ डेट बढ़ाऊंगा तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा ना तो मैं जब जब डेट बढ़ाऊंगा मुझे इक्विटी को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड सेम रहेगा और मेरा आजमिशन मैच होगा कैन ए चेंज कैपिटल स्ट्रक्चर डेट इक्विटी का मिक्स चेंज करना अलाउड है क्या यस yes. मगर कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज करना अलाउड है क्या नो no. अब बोलिए मुझे डेट और इक्विटी में सस्ता क्या है डेट सस्ता है और यहां पर आप एक्स एक एक्सिस पर आगे बढ़ रहे हो डेट को बढ़ा रहे हो कि कम कर रहे हो बढ़ा रहे, बढ़ा रहे अगर डेट को कंटिन्यूसली बढ़ाओगे तो सस्ता कैपिटल बढ़ रहा है और इक्विटी को आप क्या कर रहे हो कम कर रहे हो उससे महंगा कैपिटल कम हो रहा है क्या होगा आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम 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 होते जाएगा ना जेपा की नहीं मेरे राइट हैंड साइड वाले लोगों ने मुझे सस्ता कैपिटल दिया लेफ्ट हैंड साइड वाले लोगों ने महंगा रेट ऑफ कैपिटल दिया मैंने इनके पास का पैसा कम किया आपके पास से पैसे ले लेकर सपोज मैंने आपसे बीस रुपए बोरो किए थे इनसे एट्टी बोरो किए थे अब मैं देख रहा हूं कि ये लोगों ने तो मुझे टेन से दिया आपने मुझे फाइव से दिया मैंने आपसे फाइव परसेंट वाले पैसे और लिए थर्टी रुपीस और इनको पे कर दिए मेरा ओवरऑल पैसों का कॉस्ट कम हो जाएगा मैंने और थर्टी आपसे लिए इनको पे कर दिए मेरा ओवरऑल पैसों का कॉस्ट और भी कम हो जाएगा समझे कि नहीं ये लोग इक्विटी वाले लोग थे आप डेट वाले लोग थे मेरे एग्जाम्पल में ये महंगा कैपिटल दे रहे थे मुझे आप सस्ता दे रहे हो तो आपसे पैसा लेकर मैं क्या कर रहा हूँ इनका पैसा रीपे कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पर आगे जाने के बाद डेट बढ़ाकर इक्विटी को कम करना मतलब नया डिबेंचर इश्यू करने का और बाय ऑफ शेयर करने का जेपिंग क्या बर्डन तो नहीं हो रहा ना कुछ समझ रहे ना अच्छे से और अगर रिवर्स होता सपोज इक्विटी से पैसा लेकर हम डेट को देते तो फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी रीपेमेंट ऑफ डेट बोलते अपन उल्टा होता तो समझे अभी क्या हो रहा है न्यू डिवेंचर इशूड फंड टेकन फ्रॉम डेट यूज फॉर बाय बैक ऑफ इक्विटी इसको रिडम्शन ऑफ इक्विटी नहीं बोलते बाय बैक ऑफ इक्विटी बोलते क्योंकि इनका पैसा रिडीम नहीं होता है बाय बैक ऑफ शेयर होते हैं समझे yes. अब हम लोग एन आई अप्रोच के स्टेप्स देखेंगे कोई भी अप्रोच में स्टेप्स डिसाइड करते वक्त ध्यान से सुनो और लिखो मेरे साथ साथ स्टेप्स फॉर एन आई अप्रोच कोई भी अप्रोच में स्टेप्स डिसाइड करते वक्त ये बात याद रखिए कि आपका लास्ट स्टेप वो आएगा जो डायग्राम में चेंज हो रहा है जो डायग्राम में चेंज हो रहा है मेरे डायग्राम में अभी अभी के डी नीचे कांस्टेंट था ऊपर के ही कांस्टेंट था क्या चेंज हो रहा था के ओ अच्छे से देखो यहाँ पर के ओ आपको कम 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 नजर आते हुए दिख रहा है क्या? ये देखो के नीचे, नीचे 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 आ रहा है ना तो क्या चेंज हो रहा है के हमारा लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए फाइंडिंग क्यू और जो चीज कांस्टेंट है वो गिवन है वो गिवन है मतलब हम स्टेप्स में उसको यूज कर सकते हैं समझे तो सबसे पहले हमारी शुरुआत होगी ईबीआईटी से क्यू एग्जैक्टली exactly, हम फाइनेंशियल पार्ट चेंज कर रहे हैं हम ऑपरेटिंग पार्ट को छेड़ भी नहीं रहे हैं। डेट इक्विटी चेंज करने से फाइनेंस चेंज होता है ओके okay, तो ईबीआईटी तक का पार्ट चेंज नहीं होगा इसलिए स्टार्टिंग विल भी ई बी आई नेक्स्ट विल बी ईबीटी जिसको मैं यहां बुलाऊंगा एन आई इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट सर एन आई क्यों बुलाया नो टैक्स एंड नो प्रेफरेंस डिविडेंट नो टैक्स नो प्रेफरेंस डिविडेंट इसलिए उसको क्या बुलाया एन आई एनआई किस को बिलोंग करता है शेयर बापरे एन आई किसको बिलोंग करता है इक्विटी शेयर होल्डर्स किसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है तो फिर हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दोस्तों मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को सिंबोलिकली एस बोलते हैं एस इज इक्वल टू एन आई अपॉन के एनआई अपॉन के का लॉजिक क्या है वो हम स्टेप फोर से देखेंगे स्टेप फोर पे पहले जाना पड़ेगा आप लिखो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एस इज इक्वल टू एन आई अपॉन के फोर्थ स्टेप मार्केट वैल्यू ऑफ डेट सिंबोलिकली इसको डी बोलते हैं इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट अपॉन के इसका फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट अपॉन केडी क्या लॉजिक है इसका इंटरेस्ट इज इस इस इक्वल टू बोलो इंटरेस्ट कैसे निकालते अपन डेट इनटू इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट केडी रेट ऑफ इंटरेस्ट समझा कि नहीं डेट इनटू के डी करोगे तो इंटरेस्ट अमाउंट आएगा इसी को मॉडिफाई करके डेट इज इक्वल टू बनाया मैंने जीपा नाउ वट एवर लॉजिक वी हैव इन स्टेप स्टेप लेट्स अप्लाई ऑन तो इक्विटी था यहाँ पे डेट है इक्विटी वालों की कॉस्ट को क्या बोलते के डेट वालों की कॉस्ट को क्या बोलते केड़ी तो केड़ी यहाँ पे डिनोमीटर में है तो यहां पे के में आना चाहिए राइट डेट वालों को क्या पे करते इंटरेस्ट तो नियोमीटर में आया इक्विटी वालों को क्या पे करते हैं डिविडेंट बट ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड पड़ा ना आजमिशन में okay. तो फिर यहाँ क्या पे हो रहा है उनको पूरा का पूरा नेट इनकम पे हो रहा है ना एवरीबडी समझ रहा है क्या लॉजिक सबको तो फिर फॉर्मूला क्या बनना चाहिए एस इज इक्वल टू मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू एन आई अपॉन के क्योंकि स्टेप फोर में जो लिखा है वो डेट के लिए था उसको स्टेप थ्री में अपन ने इक्विटी के लिए अप्लाई कर दिया गॉट इट अब फर्म के पास कितने कैपिटल है दो ही कैपिटल डेट एंड इक्विटी दोनों का वैल्यू रेडी है तो कहने से फर्म का वैल्यू रेडी हो गया तो फिर फिफ्थ स्टेप में अपन बोलेंगे वैल्यू ऑफ फर्म जिसको सिंबोलिकली बोलते हैं इज इज इक्वल टू इक्विटी का वैल्यू व्हाट इज डी डेट का वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो फर्म का वैल्यू मिलेगा बिकॉज फर्म के पास तीसरा सोर्स ही नहीं है सर प्रेफरेंस रह सकता है सर आजमशन में लिखा था नो no प्रेफर समझ गए यहां तक का पार्ट सबको समझाए हम स्टेप फाइव तक पहुंच गए ये हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप है अब इसके बाद बस लास्ट स्टेप आना बाकी है और वो रहेगा बोलो क्या रहेगा अरे बोला ना जो चीज डायग्राम में चेंज होती है वो लास्ट स्टेप होती है के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इज नथिंग बट ई बी आई टी सॉरी ठीक है ई बी आई टी अपॉन म इन टू हंड्रेड इी एटी दैट इज स्टेप नंबर वन वैल्यू ऑफ फर्म दैट इज स्टेप नंबर फाइव इन टू हंड्रेड क्या लॉजिक है इसका हम क्या निकाल रहे बोलो फर्म का ओवरऑल कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट मतलब कितने टाइप के कैपिटल का कॉस्ट है दो कौन से दो कैपिटल है दोनों को डिनोमेटर में डालो और दोनों के कैपिटल के कॉस्ट को न्यूमिरेटर में डालो और इंटू हंड्रेड कर दो परसेंटेज कॉस्ट मिल जाएगा दोनों के कैपिटल को डिनोमीटर में डालो मतलब किसको एस और डी को डालो दो ही कैपिटल दोनों को डिनोमीटर में डालो एस और डी को में डालो एस प्लस डी को बोलते हैं वी। अब एनआई एनआई यहां पर क्या है ई बी टी एनआई यहां पर क्या है ई बी टी स्टेप टू देखो ना yes, बराबर है कि नहीं तो इक्विटी वालों का कॉस्ट क्या है इक्विटी वालों को पे होता है एनआई एनआई यहां पर क्या है ईबीटी है और प्लस डेट वालों का कॉस्ट क्या है इंटरेस्ट है तो फिर न्यूमीटर क्या बनना चाहिए ईबीआईटी लास्ट में इन टू हंड्रेड क्यों किया क्योंकि ओ परसेंटेज में होता है समझा क्या सबको आर यू अंडरस्टैंडिंग मुझे पता है मैराथन में मैंने सिर्फ आपको सिर्फ लॉजिक नहीं बतानी चाहिए फॉर्मुले बता के आगे बढ़ने चाहिए बट मेरा वो फितरत ही नहीं है कि मैं फॉर्मूला डायरेक्ट बता सकता हूं वो मुझे भी नहीं आदत ही नहीं है ऐसी आप ये समझोगे तो आपको कभी याद रखने की जरूरत नहीं गिरेगी बस लॉजिक याद रखो दोनों के कॉस्ट को दोनों के जो आपके कैपिटल है उसको डिनोमेटर में डाला उसके कॉस्ट को न्यूमेटर में डाला इन टू हंड्रेड किया परसेंटेज कॉस्ट आ गया तो फिर फॉर्मूला बन गया ई बी आई टी अपन वी इन टू हंड्रेड समझ गए नाउ दैट वॉज योर एनआई अप्रोच एन आई अप्रोच के छह स्टेप्स थे और वो पूरे के पूरे स्टेप्स हमने यहां पर कवर किए ये देखो ये छह स्टेप्स थे और ये छह स्टेप्स हमने अब भी डिस्कस किए ठीक है नाउ लेट्स मूव टू ओ आई वॉट इज एन ओ आई नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कोई भी अप्रोच को समझने के लिए ना पहले उसके अजम्सन को समझना जरूरी होता है नेक्स्ट पेज पे एनआई अप्रोच है उसके अंदर लिखा है पहला अजम्पशन जो है ना वो लिखा है केडी इज ऑलवेज लेस देन के और वो तो पहले से बोल रहे अपन दूसरा बोलता है केडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ डेट इक्विटी मिक्स वो भी पहले से मालूम था और वैसे ही एनआई अप्रोच में पढ़ा था अपन ने तीसरा अजम्पशन जो है ना वो स्टार मार्क करोगे आप क्या लिखा है इंक्रीजेस एज डेट कंटेंट इंक्रीज मतलब जब कंपनी और डेट लेती जा रही है लेती जा रही है लेती जा रही है तो इक्विटी वालों को लगेगा कि कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है तो कंपनी रिस्की बन रही है तो उनके रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कंपनी कभी भी डूब सकता है अपना पैसा निकालो समझे कि नहीं तो इसलिए जब जब कंपनी ज्यादा डेट लेगा के क्या होगा बढ़ेगा 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 डायग्राम में देख सकते हो कि नीचे नीचे केड़ी कॉन्स्टेंट है मगर ऊपर केई बढ़, बढ़ रहा है कब बढ़ रहा है केई जब हम एक्स एक्सिस पर आगे जा रहे हैं एक्स एक्सिस पर आगे जाते हैं तो डेट को क्या करते हैं बढ़ाते हैं और इक्विटी को क्या करते हैं कम करते हैं जीरो लेवल पर क्या होता है डेट जीरो, जीरो परसेंट डेट होता है हंड्रेड परसेंट इक्विटी होता है जेपिंग क्या सबको तो फिर जैसे जैसे डेट बढ़ाए जा रहे हैं बढ़ाए जा रहे बढ़ाए जा रहे हैं इक्विटी इन्वेस्टर्स को लग रहा है कंपनी पागल हो रहा है कंपनी का कमिटमेंट कितना बढ़ रहा है और उनका पैसा खतरे में है तो वो अपना रिटर्न ज्यादा मांगेंगे क्योंकि उनका पैसा निकालना है उनको उनका रिटर्न मतलब कंपनी का तो कॉस्ट हो गया ना उनका रिटर्न कंपनी का क्या है कॉस्ट तो के बढ़ेगा 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 अंडरस्टूड और अंडरस्टंडो जो है वो कॉन्स्टेंट है क्यों जो है वो कॉन्स्टेंट है दोस्तों सिंपल लॉजिक है केव कॉन्स्टेंट का ज्यादा डीप में नहीं जाते हो ये सोचेंगे कि एक तरफ आप डेड बढ़ा रहे हो सस्ता कैपिटल आप ऐड कर रहे हो ओवरऑल कॉस्ट क्या होना चाहिए कम केव कम होना चाहिए बट दूसरी तरफ जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है केई क्या हो रहा है बढ़ रहा है ओवरऑल कॉस्ट क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए क्योंकि केई इज अ पार्ट ऑफ के हो ना तो केई अगर बढ़ रहा है तो के क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए पहला रीजन में आपने बोला के कम होना चाहिए दूसरे रीजन में आप बोल रहे हो क्यों बढ़ना चाहिए ये दोनों रीजन एक दूसरे को एग्जैक्ट कॉम्पनसेट करेंगे और ना क्यों बढ़ेगा ना क्यों कम होगा ये दोनों इफेक्ट नलीफाई होकर क्यों? रहेगा। पहला रीजन क्या बोला मैंने सस्ता कैपिटल एड कर रही हो क्यों? क्यों कम होना चाहिए दूसरा रीजन मैंने क्या बोला केई बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ना चाहिए ना कि बढ़ेगा ना क्यों घटेगा एक दूसरे को ये दोनों इफेक्ट्स कॉम्पनसेट करके क्यों कॉन्स्टेंट रहेंगे थ्रू आउट ये किसी बुक में नहीं लिखा है ये लॉजिक से आ, बुक में क्या लिखा है वो पढ़ लो रास्ट अजम्शन आपको वियर्ड लगेगा बट पढ़ लो मार्केट कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ फर्म एज अ होल विदाउट गिविंग इंपॉर्टेंस टू डेट इक्विटी मिक्स मतलब फर्म जो है फर्म आप फर्म को देखते हो फर्म के डेट इक्विटी को नहीं देखते इसलिए फर्म का क्यों कॉन्स्टेंट रहता है इससे क्या समझा आपको कुछ भी नहीं समझा एक्चुअली फर्म के इन्वेस्टर्स डेट इक्विटी फर्म को देखते फर्म के डेट इक्विटी को नहीं देखते इसलिए के ओ कॉन्स्टेंट रहता है इसका रियलिस्टिक रीजन ये है जो हमने अभी डिस्कस किया दो रीजन थे दोनों रीजन एक दूसरे को क्या किए कॉम्पनसेट किए और केव कॉन्स्टेंट हो गया अब आप ये डायग्राम को बताकर देख कर बताओगे इससे दो बातें होगी आपको एनओ आई भी समझेगा और मुझे समझेगा कि आपको पिछला थ्योरी एन आई थ्योरी कितना समझाए ठीक है रेडियो के सब लोग मुझे बताओ इस डायग्राम को देखकर कि इस थ्योरी का लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए फाइंडिंग वेरी गुड अब आप बताओगे क्या यूज कर सकते हम लोग और, केड़ी केड़ी और केड़ी केड़ी यूज कर सकते क्योंकि वो constant है मतलब वो गिवन रहेंगे ठीक है स्टार्टिंग स्टेप क्या रहेगा प्लीज चार्ट बुक में मत देखो मुझे बताओ स्टार्टिंग स्टेप क्या रहेगा ईबीआईटी रहेगा श्योर sure? क्योंकि हम ऑपरेटिंग पार्ट चेंज नहीं करते तो हर वक्त इस पूरे चैप्टर में इस पूरे चैप्टर में इवन आंसर्स की शुरुआत भी ई से होगी ठीक है तो ई बी आई टी फिर सेकेंड स्टेप चेंज करने की जरूरत है क्या ईबीटी और एन आई इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मेरे साथ साथ लिखते जाओ और मुझे बोलते जाओ हम ये क्या लिख रहे हैं स्टेप्स फॉर NOI approach Steps for NOI approach EBIT and EBT or NI इज़ इक्वल क्वल टूबीआईटी माइनस इंटरेस्ट थर्ड स्टेप सेम रख सकते क्या हम लोग थर्ड स्टेप क्या था वहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी एस इज इक्वल टू एन आई बाई के नहीं कर सकते क्यों क्योंकि तो तो क्या दिया केड़ी तो दिया ही था के ओ दिया ठीक e तो है केक्विटी का वैल्यू निकालते के ओ दिया है तो वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल लो ना समझा कि नहीं तो हम थर्ड स्टेप में डायरेक्टली बोलेंगे वैल्यू ऑफ फर्म सिंबोलिकली क्या बोलते हैं इसको वी इज इक्वल टू अब जरा पिछले थ्योरी के स्टेप लास्ट स्टेप को यूज करो और बताओ कि हम वैल्यू ऑफ फर्म वी इज इक्वल टू निकाल सकते हैं क्या वेरी गुड ई वी आई टी अपॉन के समझेगी नहीं कैसे निकाला सर ये बिकॉज पिछले थ्योरी का लास्ट स्टेप था इक्वल टू बी आई टी अपॉन वी इन टू हंड्रेड तो सर इंटू हंड्रेड सर अरे मैथ्स के दुश्मन हो वो क्यों है वो परसेंटेज में रहेगा ना तो उसमें वो हंड्रेड परसेंट एडजस्ट हो जाएगा ना यस समझे यहाँ तक अब बोलिए फोर्थ स्टेप क्या था वैल्यू ऑफ डेट क्या फॉर्मूला था इंटरेस्ट अपॉन केडी चेंज करने की जरूरत है क्या नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी केडी गिवन है तो फिर फॉर्मूला रहेगा वैल्यू ऑफ डेट सिंबॉलिकली डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट बाय केडी इंटरेस्ट बाय केडी अब आप सोचिए पूरे फर्म की वैल्यू मेरे पास रेडी है और उसमें मेरे पास डेट वालों की वैल्यू रेडी है तो पूरे फर्म के वैल्यू में से मैं अगर आपकी वैल्यू निकाल दूं डेट वालों की तो मुझे क्या मिलेगा इक्विटी वालों की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर फॉर्मूला क्या रहेगा फिफ्थ स्टेप क्या रहेगा वैल्यू ऑफ इक्विटी जिसको सिंबोलिकली एस बोलते हैं इज नथिंग बट v माइनस डी वाई वी माइनस डी बिकॉज वी इज इक्वल टू एस प्लस डी ये पिछले थ्योरी में देखा था ना आपने यस yes. आप स्टेप फाइव तक आ गए लास्ट स्टेप निकालना है आपने को लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए के ई के ई निकालने के लिए सॉरी के ई ना हाँ के ई e. निकालने के लिए आपके पास इक्विटी वाले का क्या रेडी है वैल्यू रेडी है वैल्यू वैल्यू रेडी है ना और इक्विटी वालों का एनआई भी रेडी है इक्विटी वालों का एन आई और इक्विटी वालों का वैल्यू भी रेडी हो गया अब जरा पिछले थ्योरी का थर्ड स्टेप देखिए और बताइए के इज इक्वल टू क्या करूं मैं एनआई अपॉन एस इन टू हंड्रेड वैल्यू ऑफ इक्विटी एनआई अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी इन टू हंड्रेड ये कैसे आया क्योंकि पिछले थ्योरी में थर्ड स्टेप में एस इज इक्वल टू एन आई अपॉन केई किया था अपन ने तो सर इन टू हंड्रेड कैसे आया बिकॉज केई परसेंटेज में होता है समझ गए एवरीबडी एनओ आई अप्रोच के स्टेप समझे क्या yes, तो लेट स्टार्ट विथ एनआई अप्रोच फर्स्ट बोलो एन आई अप्रोच का स्टेप वन EBIT less लेस किया इंटरेस्ट मिला EBT also called as कॉल्ड एज step, ये थर्ड स्टेप सोचने का कि NI किसको belong बिलोंग करता इक्विटी वालों को तो वैल्यू ऑफ इक्विटी S is equal to NI upon अपॉन Fourth step, फोर्थ स्टेप वैल्यू ऑफ डेट equal to interest upon इंटरेस्ट अपॉन आपके पास क्या क्या आ गया फर्म का वैल्यू निकल सकता है क्या Yes, क्योंकि डेट का वैल्यू आ गया इक्विटी वैल्यू भी आ गया तो डेट प्लस इक्विटी मतलब एस प्लस डी इज इक्वल टू वी स्टेप नंबर फाइव आ गया समझे कि नहीं अब क्या होगा क्यों ओवरऑल कॉस्ट निकल सकता है ओवरऑल कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप ईबीआईटी अपॉन फिफ्थ स्टेप इन टू हंड्रेड करना है मतलब क्या करना है बोलो ईबीआईटी अपॉन वी इन टू हंड्रेड याद आ रहा है सबको सब कुछ वेरी गुड एनोआई अप्रोच में क्या बदलाव है लास्ट स्टेप क्यों नहीं है लास्ट स्टेप के ही है क्योंकि के ही इंक्रीजिंग है करेक्ट और गिवन के ही नहीं था गिवन केओ है ठीक है फर्स्ट स्टेप सेम सेकंड स्टेप सेम थर्ड स्टेप सेम नहीं हो सकता क्योंकि के ही नहीं है मगर केओ है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं निकल सकता मगर वैल्यू ऑफ फर्म निकलेगा v इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन केओ पिछले थ्योरी का सिक्स्थ स्टेप चेंज किया ओके okay? फोर्थ स्टेप चेंज करने की जरूरत नहीं है वॉट इज फोर्थ स्टेप वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन के डी करेक्ट फिफ्थ स्टेप आपके पास पूरे फर्म की वैल्यू रेडी है और डेट वालों की वैल्यू रेडी है इक्विटी वालों की वैल्यू आ जाएगी कैसे वी इज इक्वल वी माइनस डी इज इक्वल टू एस आ जाएगा लास्ट स्टेप के ओ सॉरी के इज इक्वल टू एन आई अपॉन इक्विटी का वैल्यू इन टू हंड्रेड कि नहीं एन आई अपॉन एस इन टू हंड्रेड तो ये था आपका एन आई थ्योरी ये था आपका एन ओ थ्योरी यहां तक के पार्ट सब कुछ क्लियर है अब बात करेंगे हम लोग एम एम अप्रोच इसमें दो टाइप्स होते एक विदाउट टैक्स और एक विथ टैक्स पहले हम देखेंगे विदाउट टैक्स एम एम अप्रोच विदाउट टैक्स गाइज एम एम अप्रोच इज नथिंग बट फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स कॉपी ऑफ एन ओ आई अप्रोच विच सेज नीचे केड़ी कॉन्स्टेंट है ऊपर के ओ कॉन्स्टेंट है और के ही राइजिंग है ठीक है इसका मतलब पूरे स्टेप वगैरह सब कुछ एन आई अप्रोच एन आई अप्रोच के ही रहेंगे ठीक है मगर इन्होंने दो प्रपोजिशंस दिए एडिशनल प्रपोजिशन एडिशनल सुझाव बोलो जो भी बोलो उसका इन कंक्लूजन इनके मुताबिक अगर दो कंपनीज जिनका होमोजेनस रिस्क क्लास है जिनका मोजिनियस रिस्क क्लास है तो उन दोनों कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर भी सेम होगा अब सर होमोजीनियस रिस्क क्लास मतलब क्या सेम ईबीआईटी होना चाहिए और सेम कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए दो कंपनी जिनका कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है जिनका ईबीआईटी सेम है तो उनको क्या हैं होमोजिनियस रिस्क क्लास तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच उन दोनों कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर भी सेम होगा प्रपोजिशन नंबर वन है प्रपोजिशन नंबर टू बोलता है अगर कोई मोमेंट पर वो सेम नहीं है सपोज एक का दाम होना चाहिए दो दूसरे का दाम भी दो मगर ये 2.4 पे चला गया तो फिर मार्केट मतलब आप लोग बायर्स एंड सेलर्स विल मेक इट सेम व्हाट एज अ बायर यू विल डू दो रुपए दो रुपए होना चाहिए ये 2.4 पे तो जिन जिन लोगों के पास ये शेयर्स थे 2.4 पॉइंट फोर वाले ये वो अपने शेयर्स बेचेंगे और टू वाले शेयर्स खरीदेंगे क्योंकि जो जो चीज़ टू की होनी चाहिए वो टू पॉइंट फोर की है तो जो चीज़ ज़्यादा रेट में है उसको बेच और जो चीज़ कम रेट में है उसे खरीद तो इससे क्या होगा टू पॉइंट टू वाला जो वैल्यू है वो ऊपर जाएगा और टू पॉइंट फोर वाला वैल्यू जो है वो नीचे आएगा क्योंकि आप इसको बेच रहे हो तो ये नीचे आएगा आप इसे खरीद रहे हो टू वाले को तो वो ये बढ़ेगा और ये तब तक चलेगा जब तक ये सेम नहीं हो जाता तब तक समझे क्या सो दिस इज कॉल्ड एज एम एम अप्रोच विदाउट टैक्स इट हैज टू प्रोपोजिशन बोलो कौन से दो प्रोपोजिशन है दो कंपनी जिसका क्लास है उनका मार्केट प्राइस पर शेयर भी सेम होगा प्रोपोजिशन नंबर वन प्रपोजिशन टू बोलता है अगर कोई मोमेंट पर वो सेम नहीं है तो मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स विल मेक इट सेम समझे क्या लिखते हैं एक बार इधर

Same capital employed. Same EBIT, same capital employed. Same EBIT, same capital employed. Then MPS of both the companies will be same.

आर्बिट्रेज प्रोसेस इंटू ब्रैकेट बाइंग एंड सेलिंग विल मेक इट सेम समझे यहां तक दो कंपनीज जिनका रिस्क क्लास है जिनका कैपिटल इंप्लॉयटी सेम है उनका मार्केट प्राइस पर शेयर भी सेम होना चाहिए अगर कोई मोमेंट पर वो सेम नहीं है तो मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स विल मेक इट सेम बायर्स बाय करेंगे उस शेयर को जो कम दाम पे सेलर सेल sell करेंगे उस शेयर को जो ज्यादा दाम पे ऑटोमेटिकली ज्यादा दाम वाला शेयर नीचे आएगा और कम दाम वाला शेयर ऊपर जाएगा और वो सेम हो जाएगा करेक्ट आर्बिट्रेज प्रोसेस तब जाकर रुकेगा बाइंग सेलिंग रुक जाएगा कब रुकेगा जब वो दोनों का प्राइस सेम हो जाता है दिस इज कॉल्ड एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स विथ टैक्स वाले केस में क्या होता है लिख दो नीचे विथ टैक्स विथ टैक्स वाले केस में क्या होता है दोस्तों वैल्यू ऑफ लिवरेज फर्म वैल्यू ऑफ अनलिवरेज फर्म पिक्चर में आता है व्हाट इज लिवरेज फर्म जिसके पास डेट है और जिसके पास डेट नहीं है अनलिवरेज फर्म किसका वैल्यू ज्यादा होता है जिसके पास डेट है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि जिसके पास डेट है वो इन्वेस्टर्स को क्या पे करेगा इंटरेस्ट और उस पर उसको क्या मिलेगा टैक्स शील्ड जो अनलिवरेज फर्म को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा समझा कि नहीं दिस इज द बेस ऑफ विथ टैक्स तो ये बोलता है वैल्यू ऑफ लिवरेज फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवरेज फर्म प्लस वैल्यू ऑफ अनलिवरेज फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट तो फ्यूचर में मिल रहे है. तो उन टैक्स सेविंग्स जो फ्यूचर में मिलने वाले उनका प्रेजेंट वैल्यू तो फिर फॉर्मूला होना चाहिए प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड फ्रेंड्स लिवर्ड फर्म अनलिवर्ड फर्म लिवर्ड फर्म का वैल्यू ज्यादा अनलिवर्ड फर्म का वैल्यू कम अनलिवर्ड फर्म का जो भी वैल्यू रहेगा उसमें अगर मैं टैक्स शील्ड का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लू और एड कर दू तो मुझे मिल जाएगा लिवर्ड फर्म का वैल्यू हाउ टू कैलकुलेट बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्सशील्ड हाउ टू कैलक्युलेट सीधा सीधा पी ऑफ इंटरेस्ट टैक्सशील्ड सिंपल सा फॉर्मूला विल बी डेट इनटू टैक्स रेट डेट इनटू टैक्स का रेट डेट इनटू टैक्स का रेट इज माय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, ये एक्चुअली फाइनल फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कैसा डिराइव हुआ है इज वेरी सिंपल आपको पी वी इज इक्वल टू ए बाय आर मानूम है पी वी इज इक्वल टू ए बाय आर वॉट इज दिस इन्फानेट एन्योरिटी का प्रेजेंट वैल्यू है फॉर्मूला पता है ना प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए बाय आर तो जो फर्म लिवर्ड फर्म है वो इंफाइनइट ईयर्स के लिए लिवर्ड ही रहेगी मतलब डेट कंटिन्यू यूज करेगी ठीक है और उस पर उसको हर साल मिलेगा शील्ड तो डेट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम केडी बोले डेट इनटू केडी डेट इनटू केडी से क्या हो गया इंटरेस्ट आ गया और इस इंटरेस्ट पर मिलेगा टैक्स बेनिफिट इसलिए मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट किया तो ये मिल गया मेरा एन्यूटी एन्यूटी डिवाइडेड बाय आर करना है आर इज नी अब ये फॉर्मूले में क्या हो रहा है केडी केडी कैंसिल हो जाएगा और जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा ये बन गया समझा कि नहीं सबको ये सब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग डिटेल में समझ सकते थे अगर ये रेगुलर बैच होता तो बट फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम फॉर्मुले में कंसेप्चुअली बताऊँ इसलिए मैं ये डेरिवेशन भी बता रहा हूँ आपको हर साल कंपनी जो भी डेट पर इंटरेस्ट पे करती है उसको बोलेंगे एन्यूटी और उस पर बचता है टैक्स वो मेरा हर साल का टैक्स सेविंग है वो मेरा एन्य उसको डिवाइडेड बाई अगर आर कर दू तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि इंफानाइट एन्यूटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मुला है ए बाई आर आर यहां पर के है केड़ी केड़ी कैंसिल होकर मेरा शॉर्टकट फॉर्मूला बन रहा है डेट इंटू टैक्स का रेट तो बस क्वेश्चन में अगर टैक्स रेट है और डेट का वैल्यू ट्वेंटी लैक्स है तो ट्वेंटी का थर्टी परसेंट करने का जो भी आंसर आया दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड और उसको हम किस में ऐड कर लेंगे अनलिवर्ड फर्म के वैल्यू में ऐड कर लेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा लिवर्ड फर्म का वैल्यू मिल जाएगा आर यू क्लियर तो ये था एमएम अप्रोच एमएम अप्रोच में मेनली स्विचिंग वाले क्वेश्चन याद है क्या आपको स्विचिंग वाले क्वेश्चन मॉड्यूल में बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, लीवर्ड टू अनलिवर्ड अनलिवर्ड टू लीवर्ड एक बात याद रखो उसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है आप अगर अनलिवर्ड फॉर्म में थे या लेट से आप लीवर्ड फॉर्म में थे फॉर्म कौन सी थी आपकी लीवर्ड फॉर्म तो आपके पास डेट फॉर्म के पास था कि नहीं था था इस फर्म के पास डेट था।, था और आप यहां से जा रहे हो अनलिवर्ड फर्म पर स्विच कहां हो रहे हो आप अनलिवर्ड फर्म पर मतलब कौन से शेयर्स बेच रहे हो लिवर्ड फर्म के कौन से खरीद रहे हो अनलिवर्ड फर्म के तो इसके पास डेट है क्या नहीं है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा इस फर्म से इस फर्म में जाने के लिए पर्सनल बोरिंग करके जाना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा बोलो पर्सनल बोरिंग करना पड़ेगा और फिर स्विच होना पड़ेगा और अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है कि आप अनलिवर्ड फॉर्म में हो और आपको लीवर्ड फॉर्म में जाना है तो इधर डेट नहीं था मगर जहां जा रहे हो वहां डेट है तो यहां से यहां स्विच होते वक्त आप पैसा लेंड करोगे उस कंपनी को जिस कंपनी में आप स्विच हो रहे हो मतलब यहां पर आप क्या कर रहे हो बोरो एंड स्विच यहां आप क्या करोगे लैंड एंड स्विच ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर आप ये कॉन्सेप्ट को उस मॉड्यूल के क्वेश्चंस के साथ देखोगे तो आपको परफेक्टली समझ जाएगा हम क्या कर रहे हैं बोरो एंड स्विच लिखा है ऊपर नीचे लिखा है लैंड एंड स्विच लेंडिंग में क्या होता है मानो मैं ना आप कंपनी को पैसा लेंड कर रहे हो मतलब कंपनी के आप डिबेंचर्स बाय कर रहे हो ये अगर रिविजन बैच भी होता ना तो भी मैं आपको एक दो क्वेश्चंस इस पर सॉल्व करा देता बट अगर मैं एक दो क्वेश्चंस इस पर ले लू

स्विचिंग स्विचिंग के वक्त बोरो कब करना है, है? समझा क्या अगर आप पर्सनली बोरो करोगे तो इंटरेस्ट कौन भरोगे आप खुद ही भरोगे लेंड अगर आप करोगे तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा आपको खुद को मिलेगा तो इसका मतलब जब फर्स्ट वाला केस है तब आप पर्सनल बोरिंग पे इंटरेस्ट पे करोगे सेकेंड वाला केस जो है नीचे वाला उस केस में आप जो लेंड कर रहे हो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा याद रखो ये कॉन्सेप्ट को तो दिस वॉज एम एम अप्रोच नाउ कमिंग टू लास्ट अप्रोच विच इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच में मानो में क्या होता है एक्स एंड एक्सिस ट्रेडिशनल अप्रोच की खासियत क्या है इस पर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच में तीनों चीजें चेंज होती है केडी के एंड क्यों एन आई अप्रोच ने क्या किया था दोनों को कॉन्स्टेंट अज्यूम किया एनओआई ने क्या किया केडी को कॉन्स्टेंट अज्यूम किया केई को चेंज किया इंक्रीजिंग रखा ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कर रहा है दोनों को चेंज कर रहा है केडी को भी केई को भी तो उससे तो चेंज होने ही वाला है ना राइट right? तो फॉर्मूला इसमें डायग्राम कैसे दिखेगा ये आपका केडीए एक एक्सटेंड तक कांस्टेंट है बाद में चेंजिंग है ऊपर आपका केई इंक्रीजिंग है इस थ्योरी को तीन स्टेजेस में डिवाइड करने का फेज वन फेज टू फेज थ्री एवरी वन प्लीज पे अटेंशन इफ यू वॉन्ट यू कैन ड्रॉ द डायग्राम डायल्सो बट प्लीज पे अटेंशन आई एम केड़ी क्या दिख रहा है आपको एक एक्सटेंड तक कॉन्स्टेंट है क्यों क्योंकि एक एक्सटेंड तक बैंक आपको लोन इजीली देने को तैयार है सपोज बैंक को आप बोल रहे हो 20 परसेंट लोन दो 80 परसेंट हम खुद का फाइनेंस डालेंगे मैं बैंक को मैं बोलूंगा ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है नाइन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है ले लो अगर आप बोल रहे हो बैंक एक काम करो ना फिफ्टी परसेंट आप पैसा दो फिफ्टी हमारा रहेगा मतलब आपने आपका स्टेक कम कर कर बैंक का पैसा बढ़ाया yes no? yes. तो यस और मैं ठीक है यहां तक भी चलो ठीक है चलो ये भी ठीक है कि फिफ्टी परसेंट मेरा है फिफ्टी आपका है आप बोल रहे बैंक एक काम करो ना अस्सी परसेंट आप लोन दो ट्वेंटी परसेंट हमारा रहेगा बैंक बोलेगा बॉस इधर बैंक बोलेगा रिस्क हमारा बढ़ रहा है तुम्हारा बहुत कम हो रहा है और बैंक उस केस में उनका रिस्क बढ़ रहा है इसलिए उनका रिटर्न बढ़ाएगा बैंक का रिटर्न क्या होता है इंटरेस्ट रेट केड़ी और केड़ी फिर बढ़ चालू हो गया समझे कि नहीं एक एक्सटेंड तक वो कॉन्स्टेंट क्यों है और बाद में क्यों बढ़ा मैंने दोनों चीज समझाई आपको ऊपर के ही क्यों बढ़ रहा है वो तो आपको ऑलरेडी पता है जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है कंपनी इन्वेस्टर्स सोच रहे इक्विटी इन्वेस्टर्स की कंपनी पागल हो गई कंपनी के रिस्क बढ़ रहे और कंपनी से एग्जिट होना है अभी जल्द से जल्द मैक्सिमम पैसा निकालने की कोशिश करो इसलिए उनके रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे और मेरा कॉस्ट बढ़ेगा के समझ गए अब सिर्फ फर्स्ट स्टेज पे करके देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है नीचे केड़ी है ऊपर कई भी कांस्टेंट है ऐसा कहीं हुआ था क्या दोनों कहां थे एनआई अप्रोच में थे तो फिर उस केस में क्यों वहां पर फॉल हुआ था ना तो यहां पर भी फॉल होगा क्यों समझे क्या सेकेंड स्टेज सिर्फ सेकेंड स्टेज अच्छे से देखो ऊपर के ही बढ़ रहा है नीचे केड़ी कांस्टेंट है ऐसा कहीं हुआ था यस yes. तो फर्स्ट स्टेज कौन सा है एनआई अप्रोच वाला दिख रहा है सेकेंड स्टेज कौन सा दिख रहा है एनओ आई अप्रोच दिख रहा है एनओ आई में केव कांस्टेंट था तो अचानक गिरने वाला जो केव है वो अचानक कॉन्स्टेंट हो सकता है क्या नहीं ऐसा इमेजिन करो ना ऐसा डायरेक्ट कांस्टेंट कैसा वियर्ड लग रहा है ना गिरते गिरते अचानक कांस्टेंट हो गया ऐसा नहीं हो सकता वो क्या होगा फर्दर लेवल तक गिरेगा मिनिमम पर आएगा और फिर बढ़ेगा और कांस्टेंट किस एंगल से रहेगा जितना स्टार्ट ऑफ द स्टेज क्यों था उतना ही एंड ऑफ द स्टेज क्यों है उस एंगल से वो कॉन्स्टेंट रहेगा वो फर्दर फॉल हो के मिनिमम पॉइंट पर आके बढ़ेगा ये मिनिमम पॉइंट है यहां से बड़ा वो सर फर्दर फॉल क्यों हो रहा है वो क्योंकि नीचे अभी भी केड़ी कॉन्स्टेंट है और ऊपर केई बढ़ रहा है मगर इतने स्पीड से नहीं बढ़ रहा है समझे कि नहीं मगर बाद में वो ऊपर क्यों आया क्योंकि केई का स्पीड बढ़ गया झेपिंग क्या अब थर्ड स्टेज में तो देखो नीचे केड़ी बढ़ रहा है ऊपर केई बढ़ रहा है दोनों भी बढ़ रहा है तो केव क्या होगा बढ़ेगा और केव ऐसा जाएगा के ओ किसकी तरफ ज्यादा जा रहा है ई -E की तरफ क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टर्स आर रियल ओनर्स देयर एक्सपेक्टेशंस आर वेरी फास्ट राइजिंग उनके एक्सपेक्टेशंस फटाफट फटाफट बढ़ते हैं तो इसलिए बढ़ता है और वो भी मेनली किसकी वजह से बढ़ता है केई की वजह से बढ़ता है समझ गए तो के बढ़ रहा है थर्ड स्टेज में अब आपको क्या लग रहा है तीनों चीजें चेंज हो रही है तो ये लोग पूछेंगे क्या और देंगे क्या इसलिए इस पर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता इस पर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अगर मैं आपको पूछना कि भाई यहां पर अगर आपकी कंपनी का ये डायग्राम है तो आप कौन सा डेट इक्विटी मिक्स यूज करोगे यहां पर जीरो डेट है और इक्विटी हंड्रेड परसेंट है और जैसे जैसे एक्स एक्सेस पर आगे बढ़ रहे हो आप क्या कर रहे हो डेट बढ़ाकर इक्विटी को डेट बढ़ाकर इक्विटी को कम कर रहे हो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप कहां ऑपरेट करना चाहोगे डेट इक्विटी मिक्स कितना रखना चाहोगे आप थर्ड स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज सेकंड स्टेज सेकंड स्टेज में कहां पर एग्जैक्टली exactly, जो केओ जहां पर मिनिमम है वो अपने लिए सबसे बेस्ट है इसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम पॉइंट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर यहां पर जितना भी डेट इक्विटी रहेगा ना ये ये अपने लिए बेस्ट है क्यों बेस्ट है सर क्योंकि वहां पर के ओ सबसे कम है तो वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा रहेगी जहां के ओ सबसे कम होता है वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा होती है सर क्यों क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म तो का फॉर्मूला याद है क्या ईबीआईटी अपॉन आई के तो वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला है अगर ई बी आई टी के ओ तो जहां के ओ सबसे कम वहां वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा होगी ना इसलिए उसको बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर समझे सब लोग ये लॉजिक इसके साथ कनेक्ट करके लिख दो आपके चार्ट बुक में ये डायग्राम रेडी है ना यहाँ पर हमने चारों थ्योरीज कंप्लीट किए इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर जो तीन पार्ट है उसमें से एक पार्ट हो गया अब इसका सेकेंड पार्ट क्या था सिलेक्शन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब एक्सपानशन कर रही कंपनी कंपनी को फंड रेजिंग करना है एज अ फाइनेंशियल आपको पूछा जा रहा है कि कौन से सोर्स से पैसा लिया जाए डेट से या इक्विटी से या फिर हमारे पास तीन प्लान हो सकते हैं प्लान वन प्लान टू प्लान थ्री प्लान वन में 50 50 डेट इक्विटी हो सकता है प्लान टू में 70 30 हो सकता है प्लान थ्री में 80 20 हो सकता है समझे कि नहीं yes. इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स भी पिक्चर में आ जाएंगे क्योंकि ये चार थ्योरी वाले क्वेश्चन के बाहर वाला पार्ट है प्रेफरेंस शेयर्स भी पिक्चर में आ सकता है और तीन प्लान हो सकते हैं डेट इक्विटी प्रेफरेंस या प्लान वन प्लान टू प्लान थ्री विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेट इक्विटी प्रेफरेंस एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इज पॉसिबल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चार गोल्डन रूल्स यूज करो जैसे आपके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वैसे यहां पर मैंने अपने गोल्डन रूल्स बनाए हैं यह कोई बुक में लिखे हुए गोल्डन रूल नहीं है मगर यह एक ऐसे गोल्डन रूल है जिससे इजीली आंसर समझ जाएगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है लिखो वहां पर गोल्डन रूल्स फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन सिलेक्शन ऑफ प्लान फॉर एक्सपांशन फॉर फंड रेजिंग ठीक है सो so, पहला गोल्डन रूल रहेगा आप वो कैपिटल स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करो जहां पर आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ रहा है मतलब एमपीएस व्हाट इज एमपीएस पी मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमम आ रहा है वो प्लान आपके लिए बेस्ट है तो यहां पर हम लिखेंगे सिलेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर विच गिव्स मैक्सिमम डैश एमपीएस अब एमपीएस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों पता है आपने ये रेशो सुना है क्या पी रेशो बोलो पी रेशो का फॉर्मूला प्राइस अपॉन अर्निंग बोलो फॉर्मूला क्या होगा एम पी एस अपॉन ईपीएस कैन यू मॉडिफाई दिस फॉर्मूला एंड मेक इट एम पी एस इज इक्वल टू क्या होगा राइट देयर देयरफॉर फॉर एम पी एस इज इक्वल टू ईपीएस इनटू पी रेशो तो इसका मतलब सपोज मेरे पास तीन प्लान है प्लान वन प्लान टू प्लान थ्री मैं तीनों प्लान में पहले क्या निकालूंगा ईपीएस और क्वेश्चन में दिया रहेगा मेरे पास पी रेशो वो प्लान वाइज रखूंगा वहां पर दोनों का मल्टीप्लाई कर जो आंसर आएगा उसको मैं बुलाऊंगा एमपीएस जिस प्लान में मेरा एमपीएस सबसे ज्यादा रहेगा उसे सिलेक्ट करूंगा समझ गए एवरीबडी but 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 be careful when you solve the eps when solving eps your answer will start from ebit ebit na is chapter mein minus hoga interest interest minus करते वक्त पहले पढ़िए कि अगर आपकी कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है और आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स है और एक्सपेंशन के तीन प्लान हैं तो एग्जिस्टिंग डिबेंचर का इंटरेस्ट तीनों प्लान में आएगा क्या बोला जेपा अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डिबेंचर थे तो तीनों प्लान में ले लिए प्रपोज प्लान वन में डेट है टू में नहीं है थ्री में है तो प्रपोज डेट पर का इंटरेस्ट क्या बोला ध्यान से सुनो प्रपोज डेट पर का इंटरेस्ट प्लान वन में आएगा एंड प्लान थ्री में आएगा मगर प्लान टू में नहीं आएगा क्योंकि वहां पर तुमने डेट लिया ही नहीं है एग्जिस्टिंग डेट का इंटरेस्ट तीनों में आएगा समझे क्या एग्जिस्टिंग डेट का इंटरेस्ट तीनों में क्यों ले रहे हम क्योंकि ऑलरेडी डेट ले रखा था और एक्सपेंशन के बाद में भी वो एग्जिस्टिंग डेट तो कंटिन्यूड है प्रपोज डेट जो है मतलब मुझे एक्स्ट्रा सपोज वन करोड़ चाहिए प्लान वन में ट्वेंटी करोड़ ट्वेंटी लैक्स आई एम टेकिंग फ्रॉम डेट प्लान थ्री में एटी लैक्स आई एम टेकिंग फ्रॉम डेट तो प्लान वन में आप ट्वेंटी लैक्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो प्लान थ्री में आप 80 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो बट प्लान टू में अगर मैं डेट यूज ही नहीं कर रहा हूं तो आप प्लान टू में प्रपोज्ड डेट पर का इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो समझे क्या आप ऑफ इट फिर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस हुआ दोनों इंटरेस्ट लेस करो एक्सिस्टिंग डिवेंचर का भी और प्रपोज का भी फिर आपको ईबीटी मिलेगा उस पर आप कैलकुलेट करो टैक्स फिर मिलेगा ई फिर माइनस करोगे आप प्रेफरेंस डिविडेंट वहां पर भी केयरफुल रहना पड़ेगा आपको अगर एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो उस पर का प्रेफरेंस डिविडेंट कहां लेस होगा तीनों, तीनों में लेस होगा क्योंकि वो एग्जिस्टिंग है एंड प्रपोजें प्रपोज्ड प्रेफरेंस सपोज सिर्फ प्लान थ्री में तो सिर्फ प्लान थ्री में आप प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंट लोगे समझे और वो दोनों डिविडेंड्स लेस कर आपको मिलेगा आपका एनआई उसको आप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर कर ईपीएस निकालोगे मगर एनआई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स वहां पर भी आपको केयरफुल रहना है नंबर ऑफ शेयर्स पर भी क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स में भी ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास ऑलरेडी शेयर्स है तो तीनों प्लान में आएंगे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स और न्यू नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी प्लान में आएंगे जहां पर इक्विटी का फाइनेंसिंग हो रहा है अच्छा वहां पर भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जहां आप न्यू नंबर ऑफ शेयर्स लेते हो ना न्यू नंबर ऑफ शेयर्स सपोज प्लान वन में प्लान वन में आपके न्यू नंबर ऑफ शेयर्स है प्लान वन सपोज एटी आर टेकिंग फ्रॉम इक्विटी ठीक है और क्वेश्चन में ऊपर दिया था फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टेन रूपीज मार्केट प्राइस ट्वेंटी सिक्स रूपीज बोलो अब ऐसे केस में नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट होंगे मैं फंड रेज कर रहा हूं इक्विटी से कितना एटी लैक्स दैट शुड बी डिवाइडेड बाय वॉट मार्केट वैल्यू ट्वेंटी सिक्स या फेस वैल्यू टेन न्यू शेयर मैं किस पर इश्यू करूंगा फेस वैल्यू पर इश्यू करूंगा या मार्केट प्राइस पर मार्केट प्राइस पर से तो डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सिक्स होगा आर यू जेपिंग दिस एक्सीडेंट पॉइंट दो है एक एग्जिस्टिंग भूल जाते आप एग्जिस्टिंग भूल जाते किसकी बात करो मैं तीन जगह एग्जिस्टिंग आ सकता है एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट आ सकता है एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड आ सकता है एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर आ सकता है तीनों जगह बी केयरफुल एग्जिस्टिंग के लिए एंड दूसरा एक्सीडेंट पॉइंट आप जब प्रपोज नंबर ऑफ शेयर लेते हो न्यू नंबर ऑफ शेयर लेते हो तो आप फंड रेज थ्रू इक्विटी डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी लोगे हाँ अगर मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो फेस वैल्यू ले लो और नीचे नोट लिख दो इन द एब्सेंस ऑफ मार्केट प्राइस वी अज्यूम दैट न्यू शेयर वैल्यू जी और फिर आपको मिलेगा आपका नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करके ईपीएस एक बार ईपीएस मिल गया तो गिवन पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर आपको मिल जाएगा आपका एमपीएस यू नो विच इज दिस एमपीएस एक्सपेंशन के बाद वाला एमपीएस है जो ट्वेंटी सिक्स रूपीज मेरे एग्जांपल में मैंने बोला वो क्या था एक्सपेंशन के पहले वाला एमपीएस था आई होप सब पॉइंट क्लियर है सबको एकदम अच्छे से So ये था रूल नंबर वन मगर रूल नंबर वन कब फॉलो हो सकता है जब क्वेश्चन में पी रेशो गिवन है सपोज पी रेशो गिवन नहीं है तो यू कैन नॉट रीच एमपीएस इन दैट केस यू हैव टू स्टॉप टू ईपीएस फिर हमारा रूल नंबर टू आएगा इफ पी रेशो इज नॉट गिवन कॉमा सिलेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर विच गिव मैक्सिमम ईपीएस आप अगर नोटिस कर रहे हो तो सब डिसीजन मेकिंग मैं इक्विटी एंगल इक्विटी शोल्डर के एंगल से ले रहा हूं क्योंकि कंपनी उनकी है हाइएस्ट एमपीएस हाइएस्ट ईपीएस ओके अब ईपीएस का फॉर्मूला क्या रहेगा वेर ईपीएस इज इक्वल टू सेम बोलो ना एन आई अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल गिव यू ईपीएस राइट अगर नंबर ऑफ शेयर्स ही नहीं है थर्ड रूल पे आना पड़ेगा इफ नंबर ऑफ शेयर्स नॉट गिवन मा सिलेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर विच गिव्स सिलेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर विच गिव्स मैक्सिमम डैश आप सोचो एन आई कैसे हो सकता है अगर एन आई मैक्सिमम चाहिए आपको तो आप डेट जिसमें है प्रेफरेंस जिसमें है उसको रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि जिसमें डेट और प्रेफरेंस रहता है उसमें पी डी और इंटरेस्ट पे होता है तो फिर एन आई कम आता है और जिसमें इक्विटी इक्विटी भरा है उसमें कम इंटरेस्ट जाएगा या नहीं जाएगा कम प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा या नहीं जाएगा और एनआई ज्यादा आएगा इसका मतलब रूल नंबर थ्री में आप बोल रहे हो सिलेक्ट इक्विटी प्लान ऑलवेज रिटर्न ऑन इक्विटी देखना पड़ता है उसके इसमें क्या देखना पड़ता है सिलेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर विच गिव मैक्सिमम आर ओ ई आर ओ का फॉर्मूला क्या है दोस्तों वेर रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू किसी भी रिटर्न का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है दोस्तों किसी भी चीज का रिटर्न नहीं नहीं वेरी गुड वेरी गुड कोई भी कोई भी रिटर्न वाले का लॉजिक क्या होता है मानो मैं क्या डिनोमिनेटर में उस चीज का नाम लिखो जिसका आप रिटर्न निकाल रहे हो बोलो किसका रिटर्न निकाल रहे हो इक्विटी तो डिनोमिनेटर में डाल दो इक्विटी लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो हंड्रेड से क्योंकि वो रिटर्न है तो परसेंटेज में रहेगा और इक्विटी वालों को जो इनकम बिलोंग करता है वो न्यूमरेटर में डालो एनआई तो फॉर्मूला क्या बन गया एनआई अपॉन इक्विटी इन टू समझे क्या तो तीन गोल्डन रूल्स है हमारे पास कितने तीन जैसे अकाउंट्स में होते गोल्डन रूल्स वैसे यहां पर भी है गोल्डन रूल्स तीन सिलेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर विज ग्यूज मैक्सिमम MPS not possible because P ratio not given then EPS, EPS not possible number of shares not given then EPS. ROE समझ गए? Institute Hyderabad के क्वेश्चन पूछता है expansion वाले fundraising वाले in fact previous exam में भी था you should be just careful for excellent points ठीक है और एक बात याद रखो कुछ नहीं बोला तो EBIT is always same for all plants कुछ नहीं बोला तो EBIT is same for all plants because very simple logic कि आप डेट इक्विटी का मिक्स चेंज करने से ऑपरेटिंग पार्ट चेंज हो रहा है क्या नहीं, नहीं तो ई तो सब जगह सेम ही आएगा ना यस एंड ई कैसे मिलेगा ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा कुछ क्वेश्चन में वो बोलेंगे ई आफ्टर एक्सपेंशन इज अज्यूम टू बी एटी लैक्स या एक्सपेक्टेड वर्ड यूज करते वो लोग एक्सपेक्टेड मतलब क्या एक्सपेंशन के बाद तो ई वो एक्सपेक्टेड ई विल बी एटी लैक्स बोला इसका मतलब इट इज एटी लैक्स फॉर ऑल प्लान कभी कभी ये लोग बोलते हैं द कंपनी विल अर्न द सेम रेट ऑफ रिटर्न एज बिफोर एक्सपेंशन बिफोर एक्सपेंशन जो रेट अर्न करते थे वही आफ्टर एक्सपेंशन भी अर्न करेगी बिफोर एक्सपेंशन का आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा बिफोर एक्सपेंशन का ईबीआईटी निकालना पड़ेगा पहले बिफोर एक्सपेंशन का आर निकालना पड़ेगा और वही आर आफ्टर एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा एग्जाम्पल सपोज बिफोर एक्सपेंशन आपके पास ट्वेंटी लैक्स का इक्विटी है फिफ्टी लैक्स का डेट है टोटल पैसा कितना हो गया सेवेंटी लैक्स बिफोर एक्सपेंशन क्वेश्चन में दिया था ट्वेंटी लैक्स का ई बी आई टी है ठीक है तो ट्वेंटी लैक्स में क्या फॉर्मूला यूज कर रहा हूं ई बी आई टी बिफोर एक्सपेंशन अप ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिफोर एक्सपेंशन इंटू हंड्रेड किस का फॉर्मूला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो ना कैपिटल एम्प्लॉयड डिनामीटर में डाला उसका जो भी रिटर्न है वो न्यू में डाला लास्ट में इंटू हंड्रेड किया क्योंकि परसेंटेज रिटर्न चाहिए समझे तो ट्वेंटी लैक्स अपॉन सेवेंटी लैक्स इंटू हंड्रेड करेंगे तो कितना आएगा कैल नहीं आप घर से ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सेवन एग्जाम्पल है ये जस्ट फोकस एक्सपेंशन ट्वेंटी लैक्स का है टेल मी न्यू ई बी आई टी एक्सपेंशन 20 लैक्स का है टेल मी माय न्यू ईबीआईटी 20 लैक्स नहीं 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 एक्सपेंशन 20 लैक्स का है न्यू ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन चाहिए मुझे न्यू ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन शुड भी अच्छा करेक्ट 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 एक्सपेंशन थर्टी लैक्स का ले लो थर्टी लैक्स आई वॉज जस्ट अज्यूमिंग वन करोड़ हो गया एक्सपेंशन थर्टी लैक्स का अगर है तो योर न्यू विल बी हाउ मच कैसे ढूंढते सर एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है सेवनटी लैक्स एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिख रहा है सेवनटी लैक्स दिख रहा है ना प्लस नया एक्सपेंशन थर्टी का हो गया तो टोटल वन करोड़ वन करोड़ पे सेम रेट सेम रेट तो फिर क्या होगा वन करोड़ इंटू ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन फाइव इज फाइव सेवन इज ट्वेंटी एट फिफ्टी सेवन थाउजेंड ईबीआईटी आफ्टर एक्सपांशन ये लॉजिक ये मेथड कब यूज होगा कंपनी विल अर्न द सेम रेट ऑफ रिटर्न एज बिफोर एक्सपांशन तब यूज होगा कैसे यूज किया हमने ईबीआईटी बिफोर एक्सपेंशन लिया कैपिटल एम्प्लॉयड बिफोर एक्सपेंशन लिया मल्टीप्लाई किया हंड्रेड के साथ मिल गया हमको आर ओ सी बिफोर एक्सपानशन एक्सपेंशन के बाद ये सत्तर लाख का कैपिटल वैसे ही रहेगा प्लस थर्टी लाख और ले रहे हो आप कैपिटल एम्प्लॉयड विल बिकम करोड़ करोड़ पे सेम रेट अगर, अगर, अगर करेंगे ट्वेंटी तो ऑब्वियसली हमको ट्वेंटी एट लैखी सेवन थाउजेंड का न्यूबीआईटी आफ्टर एक्सपानशन मिलेगा समझे कि नहीं दैट विल बिकम योर स्टार्टिंग पॉइंट टू कैलकुलेट द डिफरेंट प्लान में या तो एम पी एस या तो ई पी एस या तो आर ओ ई जे पा एज गु एज वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन में पूरा डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ समझ रहा है कि नहीं मगर आपको सो रिटर्न वाले फॉर्मुलेस कितने भाई दबे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट कैपिटल एम्प्लॉयड विल कम इन डिनोमीटर में लास्ट में इन टू हंड्रेड होगा न्यूमिटर में आ जाएगा ई ये रहेगा बिफोर टैक्स के लिए किसके लिए बिफोर टैक्स के लिए सपोज आर ओ सी ई मुझे आफ्टर टैक्स चाहिए एक्जैक्टली exactly. फिर उस केस में डिनोमेटर में अभी भी कैपिटल एम्प्लॉयड ही रहेगा लास्ट में अभी भी इंटू हंड्रेड होगा मगर न्यूमरेटर में ई बी आई टी इंटू वन माइनस टैक्स वॉट इज इंटू वन माइनस टैक्स आफ्टर टैक्स ये हो जाएगा देन नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इक्विटी बोलो अभी अभी बोला ना अपन ने डिनोमीटर में इक्विटी लास्ट में इंटू हंड्रेड न्यूमिटर में एन आए सपोज रिटर्न ऑन नेटवर्थ चाहिए रिटर्न ऑन नेटवर्थ चाहिए डिनोमीटर में क्या net worth आएगा नेटवर्थ आएगा नेटवर्थ मतलब क्या मालूम है आपको नेटवर्थ इंक्लूड्स इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स मतलब इक्विटी वालों का पैसा एंड प्रेफरेंस वालों का पैसा उसको रिजर्व भी ऑफ कोर्स इक्विटी वालों का ही है ना वो भी तो रिजर्व भी आएगा ना इक्विटी वालों का पैसा मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड प्लस प्रेफरेंस वालों का पैसा मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना है तो लिखो नेटवर्थ इज नथिंग बट इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंसर प्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन तीनों को ऐड करेंगे तो नेटवर्थ मिलेगा अब मुझे बताइए इन तीनों में पार्टीज कितनी है कितने लोग इन्वॉल्व है दो एक इक्विटी वाले और एक प्रेफरेंस वाले दोनों को किस में से रिटर्न बढ़ता है वेरी गुड ई ए टी में से बढ़ता है तो फॉर्मूला होगा ई ए टी लास्ट में इंटू हंड्रेड क्योंकि ई ए टी में से पीढ़ी जाता है फिर एनआई बचता है जो इक्विटी वालों को मिलता है करेक्ट गाइज आर यू एबल टू मेक द फॉर्मुलेज और यही फॉर्मूला एक्चुअली आर ओ आई का भी है इसी को आर ओ आई भी बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आगे बढ़े इस चैप्टर के थर्ड और लास्ट पार्ट पे जा रहे हैं हम लोग थर्ड और लास्ट पार्ट कौन सा था पता है दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इन डिफरेंस पॉइंट यू रिमेंबर दिस टू कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट टेक द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट विच यू ऑलरेडी लर्न इन कॉस्टिंग ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या बोलता है सच अ लेवल ऑफ सेल्स ऐसा कौन सा लेवल ऑफ सेल्स है जहां पर अपना प्रॉफिट मतलब ईबीटी जीरो है ऐसा कौन सा लेवल ऑफ सेल्स है जहां पे अपना ईबीटी जीरो है तो आप सबको पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट विल गिव यू यूबीआईटी तो कहना से एट बी पी टू आइटम्स आर सेम कॉमन सेंस अगर वो दोनों सेम रहेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट तो ही तो नीचे जीरो आएगा ना भाई समझे क्या तो फिर दिस इज माई ऑपरेटिंग ब्रेक पॉइंट विच यू ऑलरेडी लर्न इन कॉस्टिंग ठीक है फाइनेंशियल ब्रेक पॉइंट में यही सेम चीज फाइनेंशियल पार्ट के साथ करने का जो चीज ऑपरेटिंग पार्ट के साथ हो रही है तो आप मुझे बताओ किसको क्वेश्चन मार्क डालू ईबीआईटी को ऐसा कौन सा लेवल ऑफ ई है जहां पर जैसे यहां पर ऑपरेटिंग का लास्ट पार्ट लिया तो फाइनेंशियल पार्ट का लास्ट पार्ट लो ना ये yes. ईपीएस इज जीरो जीरो बी पी निकाल रहे ना अपन लोग तो जीरो ई पी एस इज जीरो अब आप सबको पता है कि इसमें से लेस होता है इंटरेस्ट मिलता है ई बी टी लेस होता है टैक्स मिलता है ई ए टी ई ए टी को यूज करके ईपीएस आया सपोज ठीक है तो कहना है सी ई एटी इज जीरो ऑफकोर्स ई ए टी जब जीरो होगा तो ई ए टी अपॉन नंबर ऑफ शेयर कर ई पी एस जीरो आएगा ना कॉमन सेंस बराबर की नहीं यस सो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्सेप्ट समझा गया फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब इन शॉर्ट एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट जो किस पार्टी के एंगल से निकाला जा रहा है डेट होल्डर प्रेफरेंशियल होल्डर्स या इक्विटी यूनिवर्सिटी वॉट इज ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस कॉन्सेप्ट पार्टी का नो प्रॉफिट नो लॉस है अपन कौन इक्विटी शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स उनका ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्योंकि इंटरेस्ट दे चुके हम लोग देखो लेस इंटरेस्ट किया अपन ने प्रेफरेंस भी दे चुके अपन लोग लेस किए और ई एटी को जीरो ले रहे हैं मतलब अपने को कुछ मिल रहा है क्या एज इक्विटी इन्वेस्टर्स कुछ नहीं तो फिर कहना है से इस लेवल के बाद अपने को ईपीएस पॉजिटिव मिलेगा इस लेवल के नीचे ईपीएस नेगेटिव मिलेगा इस लेवल पर ई विल बी जीरो आई होप यू अंडरस्टैंड अब मुझे इसको निकालने के तीन तरीके एक तो इसको लेटेस्ट अज्यूम टू बी एक्स कर कर नीचे ई पी एस विल बी समथिंग एक्स एंड दैट समथिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो रखकर एक्स की वैल्यू निकालने का जो कि सबसे बकवास मेथड है ठीक है एक्स वैसे भी पसंद ही नहीं आता है ना एना? अरे मैं मैथ्स के एंगल से बोल रहा हूँ पता नहीं अल्फाबेट्स 26 होते बार बार एक्स से क्यों अज्यूम करते ना एनी तो फर्स्ट इज एक्स अज्यूम करके सॉल्व करो दूसरा क्या होगा मन में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस पी डी डिवाइडेड बाय वन माइनस टैक्स दैट्स इट इंटरेस्ट के अमाउंट में अगर मैं पी डी डिवाइडेड बाई वन माइनस टैक्स कर रहा हूँ मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स कर रहा हूँ अगर ये दोनों नंबर मैं ऐड कर दूंगा और उतना ही ई बी आई टी रखूँगा उतना ही ई बी आई टी रखूंगा तो उसमें से इंटरेस्ट वाला अमाउंट लेस हो जाएगा फिर ई बी टी बचेगा फिर टैक्स एंड पी डी लेस होकर कुछ बचेगा ही नहीं समझेगी नहीं सब लोग क्योंकि अपन ने पी डी डिवाइडेड बाई वन माइनस टैक्स क्या क्या किया प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स कर दिया तो ये सेकेंड फॉर्मूला बन सकता है आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फर्स्ट वाला लॉजिक क्या है एक्स लेकर सॉल्व करो दूसरा वाला लॉजिक क्या है फॉर्मूला यूज करो तीसरा बेस्ट लॉजिक जो यूज करना चाहिए ये तो बेस्ट ही है ये शॉर्टकट है मगर तीसरा बेस्ट लॉजिक जो यूज कर सकते हैं आप वो है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए उस प्लान का ईबीआईटी एक्स लो माइनस इंटरेस्ट करो इस ब्रैकेट को क्या बुलाओ क्या है ये ब्रैकेट ईबीटी इंटरेस्ट लेस किया मतलब ईबीटी हो गया ना इंटू वन माइनस टैक्स करो ईबीटी आफ्टर टैक्स को क्या बोलते ई ए टी कहने से ये ई एटी आ गया yes. इसमें से लेस पीडी कर दो क्या मिला एन आई इस एन आई को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो क्या मिला ईपीएस और उस ईपीएस को इज इक्वल टू जीरो रखकर सॉल्व कर दो तो की वैल्यू आ जाएगी तो सर ऊपर वाला ज्यादा इजी है। यस yes, अगर क्वेश्चन सिर्फ फाइनेंशियल तो ऊपर वाला है, जब सिर्फ पूछा है। मगर जब भी साथ में पूछते ना तो सेकंड वाला फॉर्मुला ज्यादा यूजफुल है क्योंकि यही कंटेंट अपने को इन डिफरेंस पॉइंट में काम में आता है सबको समझा अगर आपके पास तीन प्लान है तो तीनों प्लान के तीन फाइनेंशियल बीपी जाएंगे प्लान है प्लान वन प्लान टू प्लान थ्री तीनों में डेट इक्विटी अलग है तो तीनों प्लान का फाइनेंशियल ब्रेक पॉइंट अलग आएगा क्योंकि तीनों प्लान में इंटरेस्ट अलग रह सकता है तीनों प्लान में प्रेफरेंस डिविडेंट अलग आ सकता है इवन टैक्स भी अलग आ सकता है ना तीनों प्लान में क्योंकि टैक्स रेट भले ही सेम है मगर ईबीटी थोड़ा ना सेम है समझे क्या तो तीन प्लान रहेंगे तो तीन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आएंगे एक ही प्लान है तो एक ही फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आएगा।, आएगा दो प्लान रहेंगे तो दो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आएंगे क्लियर yes, तो ये थे आपके तीन लॉजिक सॉल्व करने के फाइनेंशियल बीपी को जिसमें से अपन ये दो को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे इसलिए फर्स्ट वाला लिखा भी नहीं मैंने जस्ट इमेजिन पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स कॉलम में ईबीआईटी से ईपीएस तक लिख रहे हो आप और एक्स के साथ पूरा आंसर निकाल रहे हो ईपीएस का और फिर उसको इक्वल टू तो जीरो रखकर सॉल्व कर रहे हो कितना लेंथी प्रोसीजर है एग्जाम में उतना वक्त भी नहीं है आपके पास ठीक है नाउ वट इज इन डिफरेंस पॉइंट इन डिफरेंस मतलब क्या दोस्तों नो डिफरेंस सपोज यू हैव प्लान वन यू हैव प्लान टू प्लान वन एंड प्लान टू विल हैव नो डिफरेंस फॉर यू यू सिलेक्ट एनी ऑफ द प्लान प्लान इज सेम अगर इन दोनों प्लान का ईपीएस सेम रहेगा तो मुझे प्लान वन दो या प्लान टू दो मुझे कोई, कोई फर्क नहीं करना चाहिए तो प्लान वन का ईपीएस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा एक्स माइनस प्लान वन का इंटरेस्ट यह क्या मिला प्लान वन का ई बी टी इसको इन टू वन माइनस टैक्स करेंगे प्लान वन का ई ए टी आया इसको माइनस पी डी करेंगे प्लान वन का एन आई आ गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉर प्लान वन करेंगे तो प्लान वन का ईपीएस आया बस सेम चीज इज इक्वल टू प्लान टू के लिए करने का एक्स माइनस इंटरेस्ट फॉर प्लान टू क्या मिला ईबीटी फॉर प्लान टू इन टू वन माइनस टैक्स करेंगे ई ए टी फॉर प्लान टू माइनस पी डी करेंगे तो एनआई फॉर प्लान टू दैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ प्लान टू करूंगा तो क्या मिलेगा ई पी एस

नाउ टेल मी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए फाइनेंशियल बीपी का इट इज सच अ लेवल ऑफ डैश ई बी आई टी अंडर अ प्लान इन विच ई पी एस इज डैश जीरो करेक्ट इट इज सच अ लेवल ऑफ ई बी आई टी अंडर अ प्लान एट विच ई पी एस इज जीरो डोंट वरी चार्ट बुक में लिखा है एंड इन पॉइंट क्या होता है इनडिफरेंस पॉइंट कभी भी एक प्लान में होता है या दो दो तो अगर क्वेश्चन में तीन प्लान रहेंगे तो इनडिफरेंस पॉइंट कितने निकलेंगे तीन वन और थ्री में टू और थ्री में एंड वन एंड थ्री में वन टू टू थ्री वन थ्री तीन आंसर निकलेंगे दो ही प्लान रहेंगे तो आंसर कितने आएंगे एक बिटवीन दिस टू प्लान सिंपल समझे क्या इट इज सच लेवल ऑफ डैश वापस सीबीआईटी अंडर टू प्लांस एट विच ईपीएस अंडर बोध प्लांस आर सेम इक्वल समझे डेफिनेशन थ्योरिटिकल क्वेश्चन आया तो भी आंसर कर पाओगे प्रैक्टिकल आए तो सॉल्व कर पाओगे वापस सॉल्व करते वक्त एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट सब कुछ बराबर देखने का एग्जिस्टिंग प्रेफरेंशियर्स सब कुछ बराबर देखने का फिर सॉल्व करने का समझ गए So, ये चैप्टर यहां पर खत्म होता है हमने दो चैप्टर एंड किए कौन से दो चैप्टर एंड हुए अभी लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कितने कैपिटल है तीन तीन ब्रॉडली स्पीकिंग देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपिटल वन विल बी कॉस्ट ऑफ डेट द अदर विल बी कॉस्ट ऑफ प्रेफ्रेंसर्स द लास्ट विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ठीक है लिखते जाओ आंसर देते जाओ बोर नहीं होगा प्रैक्टिस भी होगी आपकी फॉर्मूला बुक मेरे साथ ही रेडी करा रहा हूं मैं और एग्जाम के एक दिन पहले प्रिंटेड मटेरियल पढ़ने में वक्त लगता है खुद के हैंड राइटिंग के मटेरियल पढ़ने में कंफर्ट लेवल भी ज्यादा होता है और इजी जाता है टाइम कम लगता है केड़ी so के पी एंड के ई केड़ी के अंदर दो टाइप रहेंगे दोस्तों वन विल बी इेडिमेबल डेट अदर विल बी रेडिमेबल डेट ठीक है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडिमेबल इेडिमेबल मतलब इ रिडिमेबल आर नॉट रिडीमेबल एट ऑल ऐसा बोल देंगे लिक्विडेशन तो वैसे भी एक्स्ट्रॉर्नरी सिचुएशन में आ गया तो रेडिमेबल कौन से डेट रहते हैं जो वापस दिए जाते जिनका प्रिंसिपल अमाउंट हम वापस देते हैं इिडीमेबल कौन से होते हैं जिनका प्रिंसिपल अमाउंट हम वापस नहीं देते ठीक है करेक्ट नाउ क्या आप इिडीमेबल डेट पर इंटरेस्ट देते हो यस ऑफ़ कोर्स इसलिए तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिल रहा है तो उसको इंटरेस्ट तो मिलेगा ना वो भी हाई रेट से मिलता है क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिल रहा है वापस सो so, इनका फॉर्मूला होगा के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट विल कम इन कॉस्ट मतलब न्यूमिटर अब ये जो इंटरेस्ट है इस पर मिलेगा टैक्स शील्ड। इसको बना दो आफ्टर टैक्स तो फिर इनटू वन माइनस टैक्स ये बन गया आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इन टू हंड्रेड वॉट इज नेट प्रोसीड डिबेंचर बेचकर कंपनी के हाथ में नेट पैसा कितना आया डिवेंचर सौ रुपए का हो सकता है आई इशूड एट डिस्काउंट ऑफ थ्री परसेंट कितने सेवन हा माइनस वन नाइनटी सिक्स नाइन्टी सिक्स कंपनी के जेब में आए तो क्या बन गया नेट प्रोसीड नाइनटी सिक्स मगर याद रखो इंटरेस्ट किस पर दिया जाएगा हंड्रेड पर दिया जाएगा फेस वैल्यू पर दिया जाएगा करेक्ट तो फेस वैल्यू हंड्रेड है सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट नाइन परसेंट है तो नाइन इंटू वन माइनस पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाई नाइंटी सिक्स इंटू हंड्रेड कि नहीं दिस विल बी कैलकुलेशन एनी डाउट अगर रेडीमेबल डिवेंचर्स है रेडिमेबल डू यू पे इंटरेस्ट ऑन रेडिमेबल डेट येस डू यू गेट टैक्सल ऑन दैट ऑल्सो यस सो आई इंटू वन माइनस टी यहां पर भी आएगा करेक्ट प्लस देर इज सम एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट इज आरवी वी माइनस एन अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन टू इन टू क्या है ये आर वी रिडीमेबल वैल्यू व्हाट इज एनपी नेट प्रोसीड अभी वाले एग्जांपल में सपोज कंपनी बोलती है डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट फेस वैल्यू मतलब मैं आपको चार साल बाद सपोज कितना देने वाला हूं हंड्रेड आज कितना लिया है तुमसे नाइनटी सेवन लिया था मगर कंपनी के जेब में कितना आया 96. 96 रुपीस मुझे आज मिले मगर मैं आपको रीपे कितना कर रहा हूं चार साल बाद हंड्रेड तो मैं ब्रैकेट में कैलकुलेशन क्या करूंगा हंड्रेड माइनस नाइनटी सिक्स मतलब फोर रुपीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स फोर इयर्स तो पर रुपी वन पर ईयर पर ईयर वन रुपी कॉस्ट हो गया वो आई इंटू वन माइनस टी के साथ ऐड हो रहा है क्योंकि वो है। Sir, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है सर डिवाइडेड बाय क्यों किया क्योंकि आज मैं नाइनटी सिक्स रुपीज ले रहा हूं चार साल बाद मैं आपको हंड्रेड दे रहा हूं तो एक्स्ट्रा फोर रुपीज जो आपको मैं दे रहा हूं वो वन टाइम कॉस्ट है तो वो चार साल में डिवाइड किया जा रहा है मतलब अमोर्टाइज किया जा रहा है करेक्ट एंड फिर उसको डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ बोथ किया जा रहा है नाइंटी सिक्स प्लस हंड्रेड डिवाइड बाई टू इन टू हंड्रेड किया जा रहा है सर एवरेज क्यों कर रहे क्योंकि मिलते वक्त नाइनटी सिक्स मिला था पे करते वक्त हंड्रेड पे किया जा रहा है बेस किस को ले नाइन्टी सिक्स को लेंगे या हंड्रेड को लेंगे तो दोनों के एवरेज को बेस लिया गया है। समझे क्या सब लोग तो दिस फॉर्मूला इज क्लियर नाउ दिस इज रेडीमेबल डेट का फॉर्मूला नाउ टेल मी के पी कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियस मैं नीचे लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस इसमें भी दो पार्ट होते हैं कौन से दो पार्ट है इेडिमेबल रेडिमेबल तो इेडिमेबल केस में केपी इज इक्वल टू वट डू यू पे इंटरेस्ट ऑन इट यू पे प्रिफरेंस डिविडेंट सो प्रेफरेंस डिविडेंट शुड आई मेक इट इंटू वन माइनस टैक्स नो बिकॉज यू डोंट गेट अ टैक्स शील्ड ड्रेड दिस डिड बाई ने इन टू हंड्रेड समझे क्या और रेडीमेबल केस में सेम लॉजिक होगा के पी इज इक्वल टू प्रिफरेंस डिविडेंट प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी अपॉन टू इंटू हंड्रेड हाउ डू आई रीड दिस फॉर्मूला स डिविडेंट प्लस अमोरटाइजेशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन टू हंड्रेड अगर आप यह याद रखोगे ना तो आपको किस किसमें प्लस था किस में माइनस था किस में डिवाइडेड बाय एन किस में डिवाइड बाय टू था याद रखने की जरूरत ही नहीं है मैंने क्या फॉर्मूला बोला फिर से बोल रहा हूं मैं प्रीफरेंस डिविडेंट प्लस अमोर्टाइजेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन टू हंड्रेड जब मैं अमोर्टाइजेशन बोलता हूं तो आपको पता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट डिवाइड करना है तो वो डिवाइडेड बाय एन होगा एक्स्ट्रा अमाउंट निकालना है तो माइनस से आएगा एंड एवरेज जब मैं बोलता हूँ तो आपको पता है सिंपल एवरेज ऑफ टू फिगर्स है इसलिए ऐड करके डिवाइडेड बाय टू करना है समझे सो yeah. so ये था आपका केपी का लॉजिक इसमें दो फॉर्मूले अभी तक कितने फॉर्मूले हुए इस चैप्टर में चार लास्ट जो है केपी के पी के, -के, 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 -के बाद के ये बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत ईजी है इसमें सिर्फ टाइप से ठीक है छ फॉर्मुलेस पढ़ लिए चैप्टर खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट और उसमें भी मैं फर्स्ट टाइप को फर्दर एक कैटेगरी में डालना चाहूंगा इसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या बोलते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और इट इज कॉल्ड एज गोर्डेंस अप्रोच क्या बोलते हैं इसको गॉर्डेंस अप्रोच इसका फॉर्मूला क्या है तो दो फॉर्मूले है इसके इज इक्वल टू याद है डी वन अपॉन पी जीरो इन टू हंड्रेड एवरीबडी एंड दूसरा विद ग्रोथ के लिए डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी इंटू हंड्रेड ये दोनों फॉर्मुलेज टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लॉजिक से आए टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इंफानाइट आइडेंटिटी का फॉर्मूला था ए बाईआर उससे आए कैसे उससे फॉर्मुलेज आते उधर का फॉर्मूला था पी वी इज इक्वल टू ए बायर इन्होंने क्या किया आर इज इक्वल टू बना दिया क्योंकि केई मतलब रेट रेट मतलब आर तो मेक इट आर इज इक्वल टू वॉट विल हैपन ए बाय पी वी तो आर इज नथिंग बट केई करेक्ट प्रेजेंट वैल्यू डिनोमिनेटर में प्रेजेंट वैल्यू लिखा है प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट आज का शेयर का प्राइस आज का शेयर के प्राइस को अपन बोलते हैं पी जीरो पी आज का प्रेजेंट वैल्यू है वो शेयर का प्राइस है और एन्यूटी तो ये मॉडल अज्यूम करता है एवरी ईयर डिविडेंड विल रिमेन सेम और फर्स्ट ईयर का डिविडेंड को D1 बोला गया है वो आपका एन्यूटी है अगर मैं नेक्स्ट ईयर दो रुपये देने वाला हूँ डिविडेंड तो हर साल मेरा डिविडेंड दो 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 रुपये ही रहेगा तो कैन आई ट्रीट दैट एज एन्यूटी यस तो फॉर्मूला क्या बना ए बाय ए बाई आर को मॉडिफाई करके फॉर्मूला क्या बना आर इज इक्वल टू ए बाई पीवी और आर के जगह क्या लिया K. A के जगह क्या लिया डिविडेंड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर सर डी वन क्यू लेते सर क्योंकि कभी भी फर्स्ट ईयर से शुरू होती है क्योंकि तुम प्रेजेंट वैल्यू उसी फिगर का निकालते हो जो फ्यूचर से स्टार्ट होता है जीपा क्या सब कुछ ईजी है ध्यान दो सिर्फ अब तक नहीं ध्यान दिया रहेगा तो भी स्टोरी कुछ ए, चेंज रहेगी आज के बाद अगर सिर्फ आज ध्यान दोगे तो और ये मॉडल में एक बड़ा प्रॉब्लम था एरोज हटा देते बड़ा प्रॉब्लम क्या था एवरी हेड डिविडेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो आज से सौ साल बाद भी क्या दो रुपए डिविडेंट दू पॉसिबल नहीं है ना तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रोथ होना जरूरी है तो फिर फॉर्मूला यूज करेंगे विद ग्रोथ वाला विद ग्रोथ वाला फॉर्मूला क्या बोलता है पी वी इज इक्वल टू ए बाय आर माइनस जी ये विद ग्रोथ का फॉर्मूला था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैं आपको एक बात समझा देता हूँ फाइनेंस का बेस टाइम वैल्यू ऑफ मनी है तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी आना ही चाहिए तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फॉर्मूले में आर इज इक्वल टू बना सकते क्या इसको कैन वी मेक इट आर इज इक्वल टू तो मैथ्स के दुश्मन हो फिर आर माइनस जी पूरा इधर आएगा और ये होगा ए बाई पी वी और फिर आर इज इक्वल टू ए बाय पी वी प्लस जी होगा अब आप ऊपर से रिलेट करके देख सकते हो राइट ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल तो ये था आपके डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इसी को बोलते हैं गॉर्डन्स मॉडल पहला अप्रोच था डिविडेंड प्राइस दूसरा अप्रोच था डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ पहले वाले को क्या बोलते हैं डिविडेंड प्राइस अप्रोच और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच फिर आया इनका कॉपी इनका वर्जन टू जिन्होंने इस फॉर्मूले को अच्छे खासे फॉर्मूले को बिगाड़ दिया वो था अर्निंग्स प्राइस एंड अर्निंग्स प्राइस प्लस ग्रोथ तो उधर वहां पे जैसे हम यहां पे डिविडेंड डिस्काउंट कर रहे थे ये लोग क्या करते हैं, अर्निंग्स को डिस्काउंट करते हैं अर्निंग डिस्काउंट मॉडल बोल सकते हैं आप इसको इसमें भी दो टाइप है विदाउट ग्रोथ एंड दूसरा क्या होगा विद ग्रोथ ये मॉडल क्या किया डिविडेंड प्राइस को कॉपी किया वहां क्या बोला गया था डिविडेंड डी वन इन्होंने क्या बोला अर्निंग ईपीएस वन तो फॉर्मूला क्या बनाया इन्होंने फिर इज इक्वल टू ईपीएस वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड और सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या बन गया बोलो ईपीएस वन अपॉन पी जीरो प्लस जी इंटू हंड्रेड ईपीएस वन अपॉन पी जीरो प्लस जी इंटू हंड्रेड इन्होंने क्या बोला डिविडेंट इज नॉट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इक्विटी जैसे इधर डिविडेंट वॉज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इक्विटी उधर EPS इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इक्विटी कैसे क्या लॉजिक ध्यान से सुनो दस रुपये ईपीएस था मैंने आपको दो रुपए डिविडेंड दिया फर्स्ट मॉडल बोलता है दो रुपए इज द कॉस्ट दो रुपए को यूज करके आंसर निकालो दूसरा मॉडल बोलता है पूरा दस कॉस्ट है भाई दो नहीं है कैसे दस कॉस्ट है तो बोले दो रुपए तो हमने आपको दे दिए मगर आठ आज भी कंपनी ने रिटेन्ड अर्निंग कहां दिखाया है बुक्स में कहा दिखाया रिजर्व कहां थे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आते हैं इसका मतलब कंपनी अग्री कर रहा है कि वो कंपनी का लाइबिलिटी है विच इज फ्यूचर में पेएबल टू यू समझे कि नहीं तो दो रुपए जो पे किए वो भी कॉस्ट था और जो आठ रुपए पेएबल है वो भी कॉस्ट है तो दो प्लस आठ कितना होता है दस पूरा ईपीएस इज द कॉस्ट फिर इन्होंने बोला एवरी ईयर डिविडेंड इज कॉन्स्टेंट उन्होंने बोला कोई बात नहीं एवरी ईयर ईपीएस इज कॉन्स्टेंट नकल को भी अकल लगती ना उन्होंने अकल नहीं लगाया

उसको बोलते हैं अर्निंग्स प्राइस एंड अर्निंग्स प्राइस प्लस ग्रोथ लास्ट के दो अप्रोचेस वन इज कॉल्ड एज रियलाइज ईल्ड अप्रोच एंड सबसे लास्ट वाला इज कॉल्ड सी एपीएम अप्रोच रियलाइज्ड यील्ड नए मॉड्यूल में चेंज कर दिया और बना दिया वाई टी एम ईल्ड टू मेच्योरिटी अभी अभी मे 22 टू ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए जो मॉड्यूल आया है उसमें इन्होंने वाई टी एम मेथड लाया आपने देखा रहेगा कुछ क्वेश्चन है उस पर वाई टी एम मेथड ऐसे क्वेश्चन समझता ही नहीं क्या कर रहे उन्होंने उधर भी अपना यू you नो know, थोड़ा जादू वैसे ही रखा कुछ फिगर्स ऐसे लाते हुए डायरेक्ट मॉड्यूल में कि समझता नहीं कि ये आया कैसे भाई ठीक है नीचे का सॉल्यूशन हम सॉल्व कर लेंगे मगर वो ऊपर का वो नंबर कहाँ से याद आएगा एग्जाम में या कैसे क्लिक होगा वो नंबर मैं आपको समझा तो वाई टी एम अप्रोच क्या होता है वाई टी एम का लॉन्ग फॉर्म है ईल्ड टू मेच्योरिटी ठीक है वाई टी एम का लॉन्ग फॉर्म है ईल्ड टू मेच्योरिटी ये क्या बोलता है पता है <coughs> कि कंपनी का आप केडी निकाल रहे हो ना कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहे हो सपोज एग्जाम्पल अभी तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे बात चल रही है मैं जानबूझ के कॉस्ट ऑफ डेट का बेस ले रहा हूं ठीक है जस्ट आई एम टेकिंग द बेस आई नो आई वी आर इन टू इक्विटी पार्ट आई एम टेकिंग द बेस्ट क्योंकि वाई टी एम इज एप्लीकेबल फॉर केडी केपी एंड के ई यह अप्रोच है ना तीनों जगह एप्लीकेबल है ठीक है तो आप ध्यान से सुनो पहले मैं KD का सीखा था केडी तो के लिए आपने फॉर्मूला देखा था इस लॉजिक के मुताबिक केडी का फॉर्मूलास आंसर विल गिव अप्रोक्स आंसर बिकॉज इट इज विदउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी टू आई इन टू वन माइनस टी प्लस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड आंसर क्या रहेगा हर बार अप्रोक्स तो इन्होंने बोला कि ऐसा कोई फॉर्मूला यूज करो जिससे और एक्यूरेट आंसर आए कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट कितना है ठीक है और एक्यूरेट आंसर लाने के लिए इन्होंने क्या बोला आई का लॉजिक यूज करो आई आर पता है ना सबको कैपिटल बजटिंग में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सच रेट ऑफ डिस्काउंटिंग एट विच एन पी वी कम्स जीरो सबको पता होगा इतना बेस यस तो ये बोलते हैं वो यूज करो अगर आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखोगे तो वाई टी एम अप्रोच से डायरेक्टली इन्होंने क्या किया के डी आपको पता है कि स्टार्ट रेट लेना पड़ता है एंड रेट लेना पड़ता है फिर एन पी वी जीरो पर आने के लिए के वो क्या बोलते हैं आई आर आर पर आने के लिए आई आर आर का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है सबको पता है ना लॉजिक तो इन्होंने क्या किया इंस्टीट्यूट ने क्या किया मॉड्यूल में डायरेक्टली स्टार्ट रेट अचानक से फिगर ले लेते थ्री परसेंट एंड रेट सेवन परसेंट एग्जाम्पल और दोनों फिर बीच में फिर आ रहा बराबर इनका आता मगर अपन एग्जाम में अगर बैठे अपन से थ्री और सेवन लेंगे अपन तो एट टेन ले सकते टेन फिफ्टीन ले सकते कुछ भी ले सकते ना मैं आपको आज दिखाता हूँ कि वो रेट कैसे डिसाइड होता है जो मॉड्यूल में कहीं लिखा नहीं है वो स्टार्ट रेट और एंड रेट डिसाइड होता है केडी के अप्रॉक्स वाले फॉर्मूले से ये मेथड क्यों आया क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर्ड है वाला मेथड क्यों 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 गलत है क्यूं, क्यूं है लेस इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर्ड है कोई बात नहीं इग्नोर्ड है तो मुझे वो एटलीस्ट जजमेंट तो देगा ना कि मेरा मेन आंसर किसके आसपास है तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि इंस्टीट्यूट के आंसर्स में स्टार्ट रेट और एंड रेट के अगर आपको रेट्स चाहिए तो आप पहले नॉर्मल फॉर्मूला यूज करो के का उससे आपका आंसर आएगा सपोज फाइव परसेंट केड़ी तो टेक स्टार्ट रेट एज थ्री एंड रेट एज बाकी नहीं आर यू नाउ एबल टू अंडरस्टैंड और फिर आपको आपका आई आर आर जैसा लॉजिक से एनपीवी जीरो कहाँ आता है देखना पड़ता है आप सबको पता है एनपीवी डायरेक्टली स्टार्ट रेट या एंड रेट पर जीरो नहीं आता है एक जगह पॉजिटिव आता है एक जगह नेगेटिव आता है जहां पॉजिटिव आता है उसको सरप्लस बुलाते हैं जहां नेगेटिव आता है उसको डेफिसिट बुलाते हैं फिर आरआर का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग आरआर आर इज इक्वल टू स्टार्ट रेट प्लस सरप्लस अपॉन सरप्लस प्लस डेफिसिट इनटू डिफरेंस इन रेट्स फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा इसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका आई नहीं बोलेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे वाई और केडी क्या बोलेंगे उसको वाई और केडी एवरीबॉडी तो वाई मेथड में आपको वाई टी एम मतलब वाई टी मेथड से केडी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो अपने लॉजिक से बोलो सबसे पहले क्या करोगे आप, आप सबसे पहले नॉर्मल फॉर्मूला यूज करोगे केडी का कौन सा वाला उसको बोलते हैं ये लोग मेथड क्या बोलते बोलो अप्रोक्सीमेशन मेथड क्यों मेथड क्योंकि उससे आंसर अप्रोक्स आता ठीक है तो अपन क्या लिखने का ये लोग लिखते नहीं मगर अपन लिखेंगे क्या लिखेंगे यूजिंग यूजिंग मेथड फिर KD निकालने का सपोज केडी फाइव परसेंट आया फिर बोलने का सिंस केडी यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड इज फाइव परसेंट अवर स्टार्ट रेट वी टेक थ्री परसेंट एंड रेट वी टेक सेवन परसेंट ठीक है और फिर अपना नॉर्मल फॉर्मेट आप सबको पता है ईयर पर्टिकुलर्स कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट थ्री परसेंट डी सी एफ डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट सेवन परसेंट डी सी एफ बस ये लेने का इधर आएगा आपको सरप्लस उधर आएगा आपको डेफिसिट इधर उधर ठीक है बट ये ईयर कॉलम में क्या लेने का जीरो वन डैश फोर फोर जीरो ईयर में क्या लेने का जितना कंपनी का नेट प्रोसीड था उतना इन्वेस्टर का आउटफ्लो होगा आर यू अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे आएगा रिडम्शन वैल्यू और फिर ये आएगा एन पी वी यहाँ पर भी आएगा एन पी वी आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी और फिर ये रहेगा सरप्लस ये रहेगा डेफिसिट फिर ऊपर वाला फॉर्मुला यूज करो ये वाला एम आ जाएगा सेम लॉजिक आप किसके लिए यूज करोगे प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, लिए. समझे क्या एंड डोंट टेक इंटरेस्ट सॉरी इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स ही लेना पड़ता है इधर तो सपोज इंटरेस्ट है आपका दस परसेंट सो टेक सेवन रुपीज समझे क्या वट इज सेवन इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स एंड शन वैल्यू सपोज हंड्रेड है तो हंड्रेड आएगा इधर समझे क्या ये फिगर्स के साथ वहां पे एनपीवी पॉजिटिव वहां पे एनपीवी नेगेटिव आएगा फिर फॉर्मुला यूज करो फिर वाईटीएम आएगा और आपको पता है वाईटीएम का आंसर बराबर फाइव परसेंट के आसपास ही आएगा या तो फाइव पॉइंट थ्री फाइव या तो फोर पॉइंट एट सेवन एट फाइव ऐसा आएगा वाईटीएम मेथड क्लियर है अगर यही सेम क्वेश्चन के पी के लिए रहता तो के पी यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड केपी का फॉर्मूला केपी का फॉर्मुला याद है ना पी डी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी अपन टू इन टू हंड्रेड इससे फॉर्मूला से आंसर आएगा अप्रॉक्स फिर क्या बोलेंगे सपोज वो आंसर आया सेवन परसेंट बोलो क्या करेंगे लेट स्टार्ट रेड भी फाइव एन रेड बी नाइन या टेन कुछ भी लो कोई फर्क नहीं गिरेगा ठीक है और फिर उससे ये इसमें क्या करोगे बोलो कैश फ्लो जीरो ईयर का आउटफ्लो कितना लोगे जितना एन पी है जितना एन पी है सब लोग बोल रहे क्या मेरे साथ बोलो वन टू फोर है सपोज तो वहां पे वो सेवन की जगह क्या आएगा अगर प्रेफरेंस डिविडेंट है और टेन परसेंट है तो टेन आएगा क्योंकि उधर टैक्स नहीं रहता है टैक्स चील नहीं मिलता ना इसलिए टेन लेना पड़ेगा और रिडम्शन वैल्यू सपोज हंड्रेड है तो हंड्रेड आएगा समझा उससे वापस सरप्लस डेफिसिट आएगा और फिर आपका आंसर आएगा वो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करके फिर ऑब्वियसली उसको आई नहीं बुलाएंगे उसको बुलाएंगे वाई और केपी वाई टी एम और केपी और फिर वो फॉर्मूला यूज करो और फिर आंसर निकाल लो और फिर वो के पी आपका फाइनल आंसर है इंस्टीट्यूट के कोई भी आंसर को देख लो इन्होंने क्या किया मानूम है डायरेक्टली ये स्टेप से स्टार्ट किया फॉर्मूला यूज किया ही नहीं है कहीं पर भी स्टार्ट एट एंड दे आर मैजिकल फिगर फॉर एनी स्टूडेंट एक्चुअली बट आई एम टेलिंग यू द मेथड हाउ टू अराइव एट इट एंड लास्टली के ई अगर रहेगा के ई -E. तो के केस में भी ऐसे ही होता है केई के केस में आपको ऐसा बोला जाता है कि ये शेयर हम चार साल ही होल्ड कर रहे हैं और चार साल बाद हम इस शेयर को कितने में बेच देंगे सौ में चार सालों तक हमको कंपनी आठ परसेंट डिविडेंड देगा अब बोलो यहां के नंबर्स क्या आएंगे सपोज कंपनी विल इश्यू द शेयर्स एट वन ट्वेंटी रुपीज जीरो में वन ट्वेंटी आएगा क्योंकि कंपनी का नेट प्रोसिड वन ट्वेंटी है वन ट्वेंटी में शेयर इशू किया जा रहा है ना तो अपन वन ट्वेंटी का आउटफ्लो करेंगे कंपनी को वन ट्वेंटी मिलेगा तो आउटफ्लो देना पड़ेगा वन ट्वेंटी का एवरी ईयर फॉर फोर यू विल गेट डिविडेंड ऑफ एट परसेंट ऑन हंड्रेड मतलब एट रुपीज आएगा उधर विल यू टेक टैक्सिल ऑन इट नो इक्विटी डिविडेंट टैक्सिल नहीं मिलता लास्ट में फोर्थ ईयर में कितने में बेच रहे अपन उसको सौ में वापस बेच दे रहे तो सौ का सौ ही आएगा फिर सरप्लस डेफिसिट फूल ऊपर वाला फॉर्मूला आईआर वाला और फिर आंसर समझे सब लोग एनी डाउट सर फिर उस केस में हम लोग अप्रोक्सीमेशन मेथड पे कैसे आए अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या रहेगा उस केस में स्टार्ट रेट एंड रेट कैसे डिसाइड करोगे के ई में अप्रोक्सीमेशन मेथड मगर कौन सा फॉर्मूला के डी वाला फॉर्मूला यूज करो के डी वाला मगर विदाउट टैक्सिल्ड

सिर्फ i इंटू वन माइनस टी की जगह इक्विटी का डिविडेंड ले लो जैसे पी डी लेते ना आप वैसे ऐसा समझ लो ईडी ले रहे आप इक्विटी डिविडेंड प्लस वापस वही आरवी माइनस एन पी बाय एवरेज इन टू हंड्रेड इससे आपको स्टार्ट रेट और एंड रेट के ई के केस में के समझ जाएगा मगर ये तब जब क्वेश्चन बोलता है कि हम चार साल ही होल्ड करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको फाइनाइट पीरियड देना ही पड़ेगा ना ये आप इन्फानेट पीरियड के लिए कैसे करोगे फिर समझे ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ यस माइनस नाइन्टी सिक्स नेट प्रोसीड प्रोसीडियर भले ही आप ऐसा सोचो कि आप नाइन्टी सिक्स नहीं दे रहे हो आप तो नाइन्टी सेवन दे रहे थे इन्वेस्ट कंपनी का खर्चा एक रुपया था आप तो नाइन्टी सेवन दे रहे थे मगर फिर ऐसा नहीं सोचते आप क्या सोचते कंपनी को इनफ्लो नाइन्टी सिक्स का मिला तो मेरा आउटफ्लो भी नाइन्टी सिक्स का रहेगा तो ये इन्वेस्टर के एंगल से वाई मतलब क्या बेटा इन्वेस्टर को कितना इल्ड मिला इल्ड मतलब क्या रिटर्न क्लियर थोड़ा मुझे पता है ये पार्ट तो एक्चुअली मैं लेने भी नहीं वाला था मगर मुझे मालूम है कि इंस्टीट्यूट आजकल ये पार्ट पे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है और आपको भी पता है नए मॉड्यूल खोल के देख लो आपको इस पे क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मिलेंगे मतलब मिलेंगे और आजकल तो ये लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं कैलकुलेट के डी बैक वाले क्वेश्चन में बोलते Calculate के केड़ी यूजिंग केस में क्या करोगे फिर तुम? इसलिए मैं तुमको ये समझा रहा डीप में, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ दो या तीन मार्क का नहीं रहेगा दस मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा फिर। क्योंकि इसको यूज करके आपको वैक तक है। यहां तक पहुंच गए यहां तक समझा सब कुछ मैं चाहता हूं कि मेरे इस रिविजन एक डे मैराथन के बाद तुरंत अगले तीन दिन दो दिन जो भी टारगेट दे सकते हो जितना भी टाइम मैक्सिमम एफएम को दे सकते हो दो और ये वाले पार्ट्स सॉल्व करो मॉड्यूल में से एंड ट्राई टू ओवरकम योर डिफिकल्ट पार्ट जो शायद आपने पहले सोचा था ऑप्शन हो ही नहीं सकता ऑप्शन को छोड़ना ही नहीं है ठीक है तो वाई टी एम पार्ट क्लियर है सबको नाउ कमिंग टू लास्ट अप्रोच सी ए पी एम अप्रोच आप सबको पता है इसका फॉर्मूला इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल गाइज कैपिटल एसेट मॉडल सी फाइनल में भी काम में आएगा आपको ये एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जिसको एस एफ एम बोलते हैं और यहां पर के ई e का फॉर्मूला है आर एफ प्लस बीटा इनटू आर एम माइनस आर एफ वट इज आर एफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स पर होता है वॉट इज आर एम रिटर्न फ्रॉम मार्केट वट इज आर एम माइनस आर एफ रिस्क प्रीमियम फ्रॉम मार्केट रिस्क प्रीमियम फ्रॉम मार्केट व्हाट इज बीटा रिस्क फैक्टर मतलब अगर मार्केट चेंज होता है दस परसेंट से और मेरा स्टॉक चेंज होता है बीस परसेंट से तो मेरा बीटा टू टाइम्स है मार्केट चेंज हुआ मतलब दस परसेंट से गिरा और मेरा शेयर गिरा बीस परसेंट से तो मार्केट के मुकाबले मेरा शेयर कितना सेंसिटिव है टू टाइम्स दैट इज मेजर्ड बाय बीटा that is measured by beta sensitivity of our stock with respect to market बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ आवर स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट मार्केट हिला तो मेरा शेयर कितना हिलेगा इज मेजरड बाय बीटा तो मार्केट हिला 10% से मेरा शेयर हिला 20% से मतलब मेरा रिस्क मार्केट के मुकाबले डबल हो गया ना अगर दो मिनट के लिए सोचते मार्केट गिरा 10% से मेरा शेयर सिर्फ 5% से गिरा तो मेरा बीटा कितना हुआ 0.5 0.5 फाइव होगा ना क्योंकि मार्केट कितने से गिरा दस मेरा शेयर कितने से गिरा 5 तो अपना सेंसिटिविटी मार्केट से कम है अपना रिस्क मार्केट से कम है पहले वाले केस में अपना रिस्क मार्केट से ज्यादा था डबल था इस बार मैंने आधा कर दिया अगर मार्केट 10 परसेंट से गिरता है अपना शेयर भी 10 परसेंट से गिरता है अवर रिस्क इज इक्वल टू मार्केट एट पार विथ मार्केट बीटा इज वन समझा क्या दिस इज द फॉर्मूला इसका डिटेल्ड लॉजिक है कोई जरूरत नहीं है याद रखने की बस इतना समझ लो कि आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये रिस्क प्रीमियम वाला पोर्शन है ये वाला रिस्क प्रीमियम है कौन सा रिस्क प्रीमियम है मेरे शेयर का रिस्क प्रीमियम है एंड ये जो रिस्क प्रीमियम है ना ये मार्केट का रिस्क प्रीमियम है मार्केट कितना प्रीमियम दे रहा है सपोज सात परसेंट मेरा बीटा कितना है टू टाइम्स है तो मैंने कितना प्रीमियम देना चाहिए फोर्टीन परसेंट आर यू अंडरस्टैंडिंग मेरा बीटा अगर पॉइंट फाइव रहता तो मैंने कितना प्रीमियम देना चाहिए था सेवन इन पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव मेरा बीटा अगर वन रहता तो सेवन देना चाहिए मैंने समझे सो दिस इज सी ए पी एम अप्रोच वॉट इज द फॉर्मूला Rf plus beta into Rm minus Rf. Have you written हैव यू okay. So दिस ओके सो हमने अब तक कितने फॉर्मूले देखे दस दो KD के दो KP के छह इक्विटी के मगर वो जो फिफ्थ वाला था YTM, उसको अपन ने KD में भी देखा केपी में भी देखा और KE में भी देखा समझ गए ओवरऑल स्ट्रक्चर याद समझ रहा है पूरा हर चैप्टर में ऐसा सोचने का कि इस चैप्टर में क्या क्या है वो माइंड मैपिंग अगर क्लियर रहेगा ना तो कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन आया ये समझता है फिर आपको डू यू नो कॉस्ट ऑफ रिटेल अर्निंग के आर व्हाट इज दैट ऑलवेज इक्वल टू के इफ इफ नथिंग इज गिवन ऑलवेज इक्वल टू के इफ नथिंग इज गिवन इफ दे गिव यू पर्सनल टैक्स एंड दे गिव यू ब्रोकरेज देन इट विल चेंज ब्रोकरेज पर्सनल टैक्स कुछ भी एक भी दिया या दोनों भी दिया तो चेंज हो जाएगा क्या चेंज होगा फिर के इन टू वन माइनस टीपी वॉट इज टीपी पर्सनल टैक्स रेट टीपी तो वो बन गया ई आफ्टर टैक्स ओके एंड माइनस बी ब्रोकरेज सपोज ई कम्स टू टेन परसेंट पर्सनल टैक्स मेरा स्लैब रेट है बीस परसेंट मेरा रेट कितना है बीस परसेंट तो वो जो एक्स्ट्रा डिविडेंट आएगा वो कितने रेट से चार्ज होगा बीस परसेंट से चार्ज होगा तो पॉइंट टू से अपन ने वन माइनस पॉइंट टू कर दिया मतलब बचा, बचा? बचा, किया तो कितना सीधा माइनस टू करने का और इसको सिक्स कर देने का समझा कि नहीं ब्रोकरेज टू परसेंट दिया रहेगा तो डायरेक्टली टू परसेंट एप्सोलूट वैल्यू लेस करने का आठ का टू परसेंट नहीं लेने का समझे क्या एट में से टू माइनस कर देने का इज एवरी वन क्लियर सो दिस इज कॉल्ड के आर यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं आपको बहुत टेक्निकल ले जा रहा हूँ ये सोच कर कि आप मेरे सेशन के बाद मॉड्यूल जरूर सॉल्व करोगे yes. मेरे सेशन के बाद दो ही चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक तो वो चार्ट बुक जो दिया है वो आप थोरली टच में रख कर एग्जाम के एक दिन पहले तक पढ़ोगे और मॉड्यूल पूरा सॉल्व करोगे मॉड्यूल के थ्योरी पढ़ने का नहीं उतना टाइम नहीं अभी मगर मॉड्यूल सॉल्व जरूर करोगे एलिस्ट्रेशन भी सॉल्व करोगे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे ठीक है ऐसा समझ लो जो जो एग्जाम ले रहा है उसका ही बेस मटेरियल तुम छोड़ दोगे तो कैसा होगा एग्जाम में इसलिए कभी मॉड्यूल सॉल्व किए बगैर एग्जाम जाओगे तो एग्जाम वापस जाना पड़ेगा समझे <coughs> तो ये के वाला लॉजिक समझे आपको नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सटर्नल इक्विटी ऑल्सो यू नो एक्सटर्नल इक्विटी नाम की चीज पता है क्या सबको पता है या नहीं है एक्सटर्नल इक्विटी मतलब क्या होता है यस फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी को बोलते हैं एक्सटर्नल इक्विटी एक्सटर्नल इक्विटी और नॉर्मल इक्विटी में कोई फर्क नहीं है सिर्फ इतना फर्क है कि अगर मेरे कंपनी के शेयर प्राइस आज एटी रुपीज चल रहा है तो मुझे उस एटी रुपीज में से माइनस करना होता है फ्लोटेशन कॉस्ट क्या माइनस करना होता है फ्लोटेशन कॉस्ट सपोज फ्लोटेशन कॉस्ट इज थ्री परसेंट तो एटी माइनस थ्री परसेंट करो कितना आएगा एटी का थ्री परसेंट कितना आएगा टू पॉइंट फोर माइनस करके कितना आएगा सेवनटी सेवन पॉइंट सिक्स तो बस डी वन अपॉन पी जीरो लेते ना अपन तो पी जीरो एटी के जगह कितना लेने का 77.6 सेवन पॉइंट सिक्स झा क्या yes, इसको क्या हो गया पता नहीं सो द फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल इक्विटी राइट विथ मी एक्सटर्नल इक्विटी इंटू ब्रैकेट लिख दो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर फ्रेश इश्यू एक्सटर्नल इक्विटी इंटू ब्रैकेट फ्रेश इशू एक्सटर्नल इक्विटी इन टू ब्रैकेट फ्रेश इशू के इज इक्वल टू डी वन अपॉन पी जीरो माइनस एफ प्लस जी इन टू हंड्रेड वट इज एफ फ्लोटेशन कॉस्ट टू पॉइंट फोर बोला ना आपने वो फ्लोटेशन कॉस्ट है और अगर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज में दिया जैसे मैंने दिया था आपको तो आपके पास एक और तरीका है इसको निकालने का डी वन अपॉन पी जीरो इंटू वन माइनस एफ प्लस जी भी कर सकते आप इन टू वन माइनस एफ क्या है वो आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट इन टू वन माइनस टी क्या होता है आफ्टर टैक्स तो इन टू वन माइनस एफ क्या होगा आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट एंड उसका लॉजिक क्या है एटी बाहर आएगा ब्रैकेट में क्या आएगा वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री तो वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री कितना होता है पॉइंट नाइन सेवन पॉइंट नाइन सेवन ऑफ पी जीरो मतलब एटी वही हुआ समझे कि नहीं सब लोग एटी माइनस वन पॉइंट जीरो वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री तो आंसर सेवेंटी सेवन पॉइंट सिक्स ही आएगा ना समझ गए यहाँ तक दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी तो मैंने अब तक आपको बारह फॉर्मूले बता दिए छोड़कर वाई टी एम के डिटेल वाले पार्ट को छोड़कर वाई टी एम ए की अगर मैं ट्रीट करू तो बारह फॉर्मुलेस टू डेट के टू प्रेफरेंस के छ इक्विटी के एक रिटेन अर्निंग का और एक एक्सटर्नल इक्विटी का ठीक है अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेटेड एवरेज कॉस्ट जनरली आजकल इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है या तो वैक पूछता है या तो एक्सपांशन वाले क्वेश्चन पूछता है ठीक है बट द बिगेस्ट मिस्टेक इज प्रडिक्टिंग आईसीआई अगली बार भी वही होगा ऐसा जरूरी नहीं है वो भी हो सकता है ये भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है इंडिफरेंस पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है फाइनेंशियल ब्रेक इन पॉइंट पे आ सकता है समझे वैक कंपटीशन कितने टाइप के होते हैं दो एक होता है बुक वैल्यू एक होता है मार्केट वैल्यू ठीक है इसका फॉर्मेट याद है आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस या टाइप्स ऑफ फाइनेंस भी बोल सकते हैं आप देन अमाउंट देन प्रपोर्शन देन इंडिविजुअल कॉस्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट सबको याद है फॉर्मेट ओके यहां पे अलग अलग सोर्सेस आएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस देन डिबेंचर सपोज टेन परसेंट डिबेंचर है ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर है तो दोनों भी आएंगे टर्म yes. लोन भी आ सकता है यस yes no? yes. और नो और फाइनली यहाँ आपका आंसर आएगा इसके अंदर अगर मैं अमाउंट लेता हूँ एज पर बुक वैल्यू अमाउंट एज पर बुक वैल्यू तो जितना भी बुक वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर आएगा बुक वैल्यू कैसे आता है बोलो दोस्तों नंबर ऑफ शेयर्स इनटू टू फेस वैल्यू पर शेयर सेकेंड केस में नंबर ऑफ प्रेफरेंस प्रेफरेंशियर्स इंटू फेस वैल्यू पर प्रेफरेंशियर्स थर्ड केस में रिजर्व एंड सरप्लस गिवन इन द क्वेश्चन फोर्थ केस में नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू फेस वैल्यू पर डिवेंचर फिफ्थ में भी वही आएगा सिक्स में टर्म लोन में जितना बुक वैल्यू है उतना ही वुक वैल्यू वहां पर आएगा जो बुक्स में मतलब क्वेश्चन में दिया है ठीक है उसका प्रपोशन निकालने आता है आपको प्रपोशन निकालने के लिए इन सब का पहले टोटल लेने का फिर इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय टोटल करके यहाँ पे आएगा एवरीबडी yes. मैं हर चीज़ स्टेप वाइज बता रहा दोस्तों आपको ठीक है ऐसा हर एक के लिए करोगे तो हर एक का प्रपोर्शन आ जाएगा इंडिविजुअल कॉस्ट बोलो फर्स्ट केस के लिए क्या होगा के ई सेकेंड केस के लिए क्या होगा के पी थर्ड केस के लिए के आर नेक्स्ट केस के लिए के डी वन के डी टू के डी थ्री और फिर आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा प्रोडक्ट इज नथिंग बट सपोज दिस इज ए बी सी डी इज इक्वल टू सी इन टू डी आएगा और प्रोडक्ट का टोटल विल बी योर वैक यूजिंग बुक वैल्यू वैक का दूसरा नाम है केओ करेक्ट वैक भी बुला सकते के ओ भी बुला सकते उसको कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बुला सकते हो उसको कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट वैक आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो ठीक है यहां तक कपाट क्लियर है अब दोस्तों आपने काफी बार सुना रहेगा सर इन केस ऑफ मार्केट वैल्यू अगर अमाउंट मार्केट वैल्यू से नहीं मतलब ये पूरा आंसर मार्केट वैल्यू से नहीं करना है तो रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेते टू के आर इट इज करेक्ट इफ के इज इक्वल टू के आर इट इज नॉट करेक्ट इफ केई एंड के आर बोत आर डिफरेंट अगर के के आर दोनों सेम नहीं है तो आपको अलग से रिजर्वेंसर सरप्लस लेना पड़ेगा फिर रिजर्वेंस सरप्लस का मार्केट वैल्यू तो कुछ होता नहीं है फिर क्या करेंगे ध्यान से सुनो सब लोग आपको मार्केट वैल्यू निकालने आती है कैसे निकालते हैं मार्केट वैल्यू सभी का बोलो नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू मार्केट प्राइस पर डिवेंचर नंबर ऑफ प्रेफरेंस इंटू मार्केट प्राइस पर प्रेफरेंशेस एंड वॉट अबाउट सरप्लस नो सेपरेट मार्केट वैल्यू ठीक है तो अब क्या करने का नंबर ऑफ शेयर्स इन टू मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई करने का जो भी अमाउंट आएगा उसको बुक वैल्यू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का सपोज ये अमाउंट आया 200 लाख 200 हंड्रेड लैक्स एंड सपोज बुक वैल्यू दिया था 80 लैक्स 20 लैक्स समझा क्या बुक वैल्यू कितना दिया था 80 लैक्स 20 लैक्स जिस शेयर का मार्केट वैल्यू 200 लाख है उस 200 लाख को आपको क्या करना पड़ेगा 80 80-20 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा समझे कि नहीं 200 लाख का 20 परसेंट कितना है? 40 लाख इधर दिखेगा 200 लाख का 80 परसेंट कितना आता है 160 सिक्सटी लैक्स वो इधर दिखेगा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच होगा शेयर कैपिटल एंड एंड सरप्लस मगर यह कब जब के ही के आर सेम नहीं है लॉजिक सोचो रट्टा मत मारो लॉजिक बहुत सिंपल है अगर कई के आर दोनों सेम है तो एक साथ 200 लाख को एक ही परसेंटेज इंडिविजुअल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है मगर अगर दोनों अलग है तो स्प्लिट करके अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना जेपा क्या तो ये पार्ट समझा अच्छे से इस पार्ट को मुझे समझाना था इसलिए मैंने आपको के आर डिटेल में समझाया समझे तो वैक वाले कम क्वेश्चन में ध्यान दो वैक वाले क्वेश्चन में या तो वो के रेडीमेड देंगे या तो वो पर्सनल टैक्स ब्रोकरेज कुछ तो देंगे जिससे के आर अलग बनेगा और अलग अलग अगर बना तो आपको मार्केट वैल्यू जो भी निकाल रहे हो आप कैसे निकाल रहे हो बोलो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर वो मार्केट वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल और रिजर्व में किस प्रपोर्शन में बुक वैल्यू के प्रपोर्शन में इज दिस वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू वेरी गुड यहां तक का पार्ट एकदम अच्छे से समझाए यहां पर हम बोल सकते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला पार्ट कंप्लीट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के तक कोई डाउट है किसी को एनी बड़ी हैविंग एनी डाउट चलो अगला टॉपिक कौन सा लेना है बोलो कोई एक टॉपिक लेंगे और फिर ब्रेक लेंगे यस yes? बोलो नन हंड्रेड डिवेंचर रिडीम डेट पार वन हंड्रेड डिवेंचर नहीं होगा वो ठीक है टेन परसेंट कूपन रेट, फोर परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू एक सौ पांच है तो नेट प्रोसीड्स क्या आएगा क्वेश्चन समझा क्या राइट इज इंफॉर्मेशन इसका पार वैल्यू हंड्रेड है ठीक है फेस वैल्यू इसका रिडम्शन वैल्यू भी हंड्रेड है करेक्ट मी फैमरा मैं तेरा सिर्फ सुन के यहां लिख रहा हूं एंड इसका फ्लोटेशन कॉस्ट है फोर परसेंट ठीक है और इसका कूपन रेट कितना बोला तुमने टेन परसेंट है और इसका मार्केट प्राइस एक सौ पांच है सेंटेंस फिर से बोलो एक बार रुपीज हंड्रेड पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार टेन परसेंट कूपन रेट फोर परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट वो वही दिए उसी लाइन में दिए उस मतलब तुमने जो लाइन पढ़ा ना मैच्योरिटी पीरियड कितना है तो वो सेंटेंस वैसे के वैसे लास्ट वाला पार्ट पढ़ो ना लास्ट वाला पार्ट कूपन रेट तक ठीक है आगे फोर परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट टेन ईयर मैच्योरिटी तो डिवेंचर का मार्केट प्राइस जो तुम बोल रहे हो वो वहीं उसी लाइन में लास्ट सेंटेंस में दिया है क्या? वो बहुत मैटर करता है एक्चुअली वो कैसे लिखा है वो भी बहुत मैटर करता है तो वो कैसे लिखा है किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है उसको इंटरप्रेट करके होता है वो ठीक है अब आपको सबको मैं बता देता हूँ कि ये जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी कवर किए मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरे मॉडल के क्वेश्चन सॉल्व है मैं स्टार्टिंग में नहीं बताने वाला था ये अभी नहीं बताने वाला था बट एनी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये सॉल्व करने हैं अगर मैं बोलूँगा मेरे कवर्ड है पूरे यूट्यूब चैनल पे है तो तुम सीधा सीधा यूट्यूब चैनल ओपन कर दोगे और अपना क्वेश्चन रखोगे सामने सिर्फ आंसर देखते जाओगे मैं चाहता हूँ कि तुम सॉल्व करो जहाँ तुम रुकोगे मार्क करो एज डाउट और डायरेक्टली मेरा वीडियो ओपन करो और उसी क्वेश्चन uh, पर जाओ जहाँ तुम रुके हो पूरा लेक्चर देखने की क्या जरूरत है ना मेरा मेरे यूट्यूब चैनल पर वन से नाइनटीन तक एफ एम बुक मैंने सॉल्व किया है एफ एम बुक में ये क्वेश्चन भी कवर्ड है और इसके साथ साथ मेरा जो प्रेफरेंस डिविडेंड ये जो लेवरेज वाला क्वेश्चन था ना मैंने जो आपको आरटीपी वाला बोला वो भी कवर्ड है क्योंकि एफएम एम क्वेश्चन बुक में मैंने आरटीपी मॉड्यूल सब कुछ कवर किया है तो आपको बस कुछ नहीं करना है एफएम एम के आधे आधे घंटे के 19 लेक्चर्स है आधे आधे घंटे के बोल रहा हूँ मैं उन्नीस लेक्चर्स है 19 से, मैंने वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया मैंने अप्रोच बताया क्वेश्चन जैसे मैं अभी आपको बोलूंगा सपोज अभी ये यह यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोटेशन कॉस्ट फोर परसेंट सो इसको फेस वैल्यू में से माइनस कर दो नाइन्टी सिक्स ले लो ऐसा और वो क्यों लेना है वो भी बोला है उधर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं आपको तो एक बार ये किस कॉन्टेस्ट में दिया है पहले रेफर करो और इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जिसमें इसका कॉन्ट्राडिक्ट्री ट्रीटमेंट किया हुआ है इसी के मॉड्यूल के अंदर मैं बोल रहा हूँ अगर आपने मॉड्यूल पूरा सॉल्व किया रहेगा तो मॉड्यूल में दो क्वेश्चन है दोनों के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट्री ट्रीटमेंट भी किया हुआ है मैंने दोनों सॉल्व करके बताया कि एक जगह ऐसा क्यों है दूसरी जगह वैसा क्यों है तो एक बार वो एफ एम वाले लेक्चर ज़रूर देखना तुम उसमें तुमको इसका रीजन भी समझेगा और इसके साथ साथ तुमने इसको किसी के साथ कंपेयर किया रहेगा तो उसका भी रीजन समझेगा आपको ठीक है ठीक है क्या ये किस बेसिस पर होता है पता है क्या कि तुम्हारा वो जो मार्केट प्राइस है वो कहाँ दिया हुआ है इस लाइन में दिया है इससे ऊपर दिया है क्या दिया है उसका इंटरप्रिटेशन वहां पे चेंज होता है ठीक है और जो दो क्वेश्चंस तुम कंपेयर कर रहे हो उसमें तुम नोटिस करना दोनों का मार्केट प्राइस जहां लिखा है वो प्लेस अलग है हाँ एक बॉक्स में दिया है और एक नीचे लाइन में दिया हुआ है ठीक है तो अकॉर्डिंगली इंटरप्रिटेशन चेंज होगा कर लोगे <coughs> चलिए आगे बढ़े हम लोग बोलो मुझे नेक्स्ट पार्ट डिविडेंड लेंगे ए कैटेगरी में वैसे अपने पास सिर्फ कैपिटल बजटिंग बचा है मेरे मुताबिक लंच के पहले कैपिटल बजटिंग खत्म कर लेंगे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा डोंट वरी मेन कॉन्सेप्ट ही पढ़ाने आपको और एक सबसे बड़ा जो आपको डिफिकल्टी पार्ट जाता है कैपिटल बजटिंग में वो है सी एफ ए निकालना कैश फ्लो आफ्टर टैक्स उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक मेरे चार्ट बुक में रेडी है आपके पास मैं वो भी आपको सिखा दूंगा अलग अलग वैरायटी कौन से वो भी देख लेंगे और सपोज बहुत ही ज्यादा भूख लग गई उसके पहले तो हम पहले ब्रेक ले लेंगे बीच में डोंट वरी ठीक है क्योंकि मुझे ए कैटेगरी पहले आपके साथ अच्छे से कंप्लीट करना है फिर बी के साथ और सी के साथ में थोड़ा सा ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल भी जाओ तो चलेगा ठीक है लेट स्टार्ट विथ कैपिटल बजटिंग एवरी वन एवरी वन एवरी कैपिटल बजटिंग इज नथिंग बट दोस्तों आप डिसाइड करते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स कैसे करना है ठीक है विच मशीन यू वॉन्ट टू बाई मशीन ए और मशीन बी प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर दे इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंस मैनेजर ये बिकॉज दे आर ऑल रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट ये मेनली बिकॉज ऑफ थ्री रीजन सबसे पहला रीजन कैपिटल एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनेंस मैनेजर के लिए कंपनी के लिए बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर इनवॉल्व यूज कैश आउटफ्लो ठीक है नंबर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिसीजन मेकिंग जो तुम आज करोगे उससे तुम्हारे फ्यूचर पे इंपैक्ट होगा लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन एंड पॉइंट नंबर थ्री जो कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम आज डिसाइड करते हो वो इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं इरिवर्सिबल इन नेचर मतलब एक बार डिसाइड किया तो उसको निभाना पड़ेगा आगे तक जाना पड़ेगा आप बैक ऑफ नहीं कर सकते बैक ऑफ किया तो यूज कैपिटल लॉसेस होते हैं बोलो तीन रीजन मैंने क्या बोले पहला रीजन ह्यूज कैश आउटफ्लो दूसरा रीजन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आज डिसीजन ले रहे हो सात आठ साल दस साल चेंज हो जाएंगे तीसरा इर रिवर्सिबल इन नेचर तो इन तीन रीजन की वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ठीक है अब कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर इतने इंपॉर्टेंट है तो फाइनेंस मैनेजर ने क्या करना चाहिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज करना चाहिए फॉर इवेल्युएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज करनी चाहिए कितने टेक्निक हमारे पास पहला टेक्निक पीरियड अब ये देखो यहां पे इंस्टीट्यूट कैसे गेम खेलता है स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा हार्ड हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं अरे कैपिटल बजटिंग में वो क्वेश्चन देखा क्या वो देख के लिए उसमें बहुत अलग एडजस्टमेंट है और इंस्टीट्यूट पूछता है पे बैक पीरियड और अपन क्या करते उस क्वेश्चन में खो जाते इतनी प्रैक्टिस हाइयर लेवल की करते कि ये बेसिक बेसिक ही छोड़ देते और क्वेश्चन एग्जाम में आता पे बैक पीरियड पे बैक रिसीव प्रोकर डिस्काउंटेड पे बैक अपने को सब सुने जैसा लगता मगर प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए याद ही नहीं आता कि क्या था ये ठीक है तो इसलिए मैं आपका ये प्रैक्टिस जो एग्जाम के पहले होनी चाहिए वो अभी करा रहा हूँ ठीक है तो पे बैक पीरियड में दो टाइप के कैश कैश फ्लो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं एक ईवन कैश फ्लो और दूसरा अन ईवन कैश फ्लो अगर कैश फ्लो इवन है मतलब एवरी ईयर कैश फ्लो इज सेम तो फिर उस केस में एग्जाम्पल सपोज इनिशियल कैश फ्लो मतलब इन्वेस्टमेंट फाइव लैक है एनुअल कैश फ्लो फॉर टेन ईयर्स फॉर टेन ईयर्स वन लैख है बोलो मेरा पे बैक पीरियड क्या है वॉट इज पे बैक पीरियड कॉल्ड मतलब मीनिंग क्या है पे बैक पीरियड का कितने साल में मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाला पैसा मुझे वापस मिलेगा कॉमन सेंस यूज करो और बताओ अभी यहां पे आंसर क्या आएगा पांच साल आपने इन्वेस्ट किया था पांच लाख हर साल मिल रहा है वन वन लाख तो ऑब्वियसली आपको पांच सालों में आपके पैसा वसूल हो जाएगा पूरा उसके बाद जो आएगा वो प्रॉफिट है कभी भी ये पे बैक पीरियड डैश हुआ तो अच्छा है कम हुआ तो अच्छा है जितनी जल्दी मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा उतना अच्छा है ना तो फिर पे बैकड इज ऑलवेज डैश प्रेफर्ड लेस लोअर प्रेफर्ड ठीक है एंड नाउ ये फाइव ईयर्स का आंसर इससे कैसे निकाल सकते हो आप इस डेटा के साथ फाइव ईयर्स का आंसर कैसे निकालोगे सर कुछ नहीं फाइव लाख को डिवाइड बाय वन लाख करेंगे फाइव लाख क्या था इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको ठीक है डिवाइडेड बाय वन लाख क्या था एनुअल कैश फ्लो तो इसका मतलब मेरा पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या बन रहा है बोलो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे जब कैश फ्लो इवन है हर साल सेम है लिख लिया लिख लिया क्या आगे अगर कैश फ्लो अनइवन रहेंगे तो तो फॉर्मूला यूज नहीं होगा फॉर्मूला यूज नहीं होगा फिर एनीवन कैश फ्लो रहेंगे तो फिर क्या यूज होगा क्यूमिटिव कैश फ्लो यूज होगा क्यूमिटिव कैश फ्लो क्या होता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होता है ईयर और उसके सामने कैश फ्लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सात साल है सपोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट वही अपना पांच लाख यहां पे मिल रहा है अपने को सेवेंटी थाउजेंड यहाँ मिल रहा है आपने को वन लैख थर्टी थाउजेंड यहाँ मिल रहा है आपने को थ्री लैक्स यहाँ मिल रहा है आपने को वन लैख वन पॉइंट फाइव लैक्स वापस से वन लैख एंड टू लैक्स बोलो पे बैक पेड कितना है लिखो मत पे बैक पेड बोलो थ्री ईयर्स आ गया कैसे किया आपने थ्री ईयर्स कि कैश फ्लो निकाला सेवेंटी थाउजेंड ये हो गया टू लैक्स और टू लैक्स प्लस थ्री लैक्स हो गया फाइव लैक्स डायरेक्ट आंसर आ गया बट इतना सॉल्टेड क्वेश्चन आना एग्जाम में जरूरी नहीं ना डॉट थर्ड ईयर में मैच हो गया तो फिर ऐसा हो गया तो पूछते जन्म के आपके पुण्य है कुछ तो भी ठीक है बट ऐसा नहीं हुआ सपोज तो फिर क्या तो फिर सपोज यहां दिया रहेगा टू लैख तो ये हो जाएगा फोर लैख और यहां दिया है सपोज वन पॉइंट फाइव लैक्स ठीक है ये एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो कोई बात नहीं अभी इसको सॉल्व करेंगे अपन ठीक है बोलो लिखना एग्जाम्पल लिखो नहीं तो पूरा फोकस इधर दो कोई बात नहीं ध्यान दो इंपॉर्टेंट है ध्यान देना और समझना ये समझने के बाद अगली बार देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए बताओ मुझे किमिलिटिव कितना आएगा 5.5 पॉइंट फाइव आएगा yeah. आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये दो नंबर के बीच है मतलब आपका पे बैक पीरियड थ्री और फोर के बीच है करेक्ट तो फिर आप क्या बोलोगे आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था फाइव लैख माइनस लास्ट ईयर तक कितना मिला था फोर लैक्स एक्स्ट्रा कितना चाहिए वन लैख अमाउंट टू बी रिकवर्ड निकाला मैंने क्या निकाला बोलो अमाउंट टू बी रिकवर्ड ठीक है अब नेक्स्ट ईयर कितना मिल रहा है वन लैख फिफ्टी मिल रहा है तो अपन बोलेंगे देर फोर पे बैक पीरियड इज इक्वल टू कितने साल बीत चुके कन्फर्म थ्री ईयर्स प्लस एक्स्ट्रा लगा कुछ ना कुछ कितना लगा एक्स्ट्रा उसको निकालने के लिए अपना कितना अमाउंट रिकवर करना बाकी है और नेक्स्ट ईयर में कितना रिकवर हो रहा है वो दोनों को कंपेयर करना है मतलब वन लैख डिवाइडेड बाय वन लैख फिफ्टी करना है ठीक है कितना रिकवर करना बाकी है डिवाइडेड बाय कितना नेक्स्ट ईयर में रिकवर हो रहा है इसको कंपेयर करेंगे तो फ्रैक्शनल नंबर आएगा ना यस, yes. कितना फाइनल आंसर है मेरा थ्री पॉइंट सिक्स सेवन बोलू क्या सिक्स सेवन ईयर्स दिस इज माई पे पीरियड सिंपल समझा कि नहीं सबको क्या किया पहले देखा तीन पाँच लाख किसके बीच है फिर वो थ्री और फोर के बीच है तो थ्री बना, बन गया पिछला साल फोर बन गया नेक्स्ट ईयर ठीक है अब मैंने देखा कि पे बैक पीरियड इज इक्वल टू तो थ्री ईयर्स प्लस कितना रिकवर करना बाकी है डिवाइडेड बाय कितना नेक्स्ट ईयर में रिकवर हो रहा है दोनों को कंपेयर करके फ्रैक्शन नंबर आया तो थ्री पॉइंट समथिंग जो भी आया वो मेरा आंसर है पे बैक पीरियड एवरी वन क्लियर एनी डाउट तो ये था आपका पे बैक पीरियड पे बैक पीरियड प्रॉब्लम क्या है इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं किया ऐसे ही डायरेक्ट नंबर ऐड करते जा रहे हो राइट right? दूसरी बात वो जो तीसरा और चौथा साल था उसके बाद पाँच छः सात का तो डेटा यूज किया ही नहीं इधर लाखों की जगह करोड़ों के नंबर रहते या लाखों की जगह हजारों के नंबर होते तो भी आपका आंसर वही आता आपका कंक्लूजन वही आता इसका मतलब ये पोस्ट पे बैक कैश फ्लो टोटली इग्नोर हो गए दो बड़े ड्रॉबैक इसके लिए हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट मेथड पर जाएंगे नेक्स्ट मेथड क्या रहेगा आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड नाम से कुछ समझ रहे पे बैक पीरियड जो कैश फ्लो आपको मिल रहे थे फ्यूचर में उसको क्या करना है आपको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है तो फिर फॉर्मेट विल बी सेम ईयर कैश फ्लो बट इधर क्या करना पड़ेगा आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर सपोज एट परसेंट दे रखा है डीसीएफ एंड इसको बनाएंगे क्यूमिटिव डीसीएफ कि नहीं और इधर ढूंढेंगे कि रिकवरी कहां है और फिर वो दो साल बीच में आएंगे फिर वापस प्रोसीजर सेम सब कुछ सेम एक गोल्डन रूल यहां याद रखो बस कि वंस यू गेट डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ये वाले एंड क्यूलिटी वाले ये कहीं यूज में नहीं आते उसको अगर यूज कर लिया तो फिर से टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर कर दिया ना एवरीबॉडी इसलिए ठीक है तो ये था आपका डिस्काउंटेड पे बैक इसमें कोई डाउट है किसी को पक्का एग्जाम्पल लेने की जरूरत है क्या यहाँ पर पक्का श्योर सेम लॉजिक है सब कुछ सेम है नेक्स्ट यहाँ पर भी वही रहेगा लॉजिक कि भाई जो कम डिस्काउंटेड पे बैक वाला प्रोजेक्ट है वो अपने लिए अच्छा है क्योंकि उतनी जल्दी अपना पैसा रिकवर हो रहा है यहाँ का एडवांटेज क्या रहेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर हुआ मगर डिसएडवांटेज क्या रहेगा यहां पर कि अभी भी पोस्ट पे बैक कैश फ्लोज को हमने क्या किया इग्नोर किया क्योंकि आगे का प्रोसीजर तो पूरा वही फॉलो किया जो पे बैक ने फॉलो किया था तो पोस्ट पे बैक अभी भी इग्नोर था पोस्ट पे बैक को कंसिडर करना है पूरे कैश फ्लो को कंसिडर करना है इसलिए थर्ड मेथड पिक्चर में आया और थर्ड मेथड का नाम है रेसिप्रोकल पे बैक रेसिप्रोकल पे बैक में सभी कैश फ्लो कंसिडर होते हैं मगर मगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी वापस नहीं होता है ठीक है तो इस केस में, रेसिप्रोकल पे वाले केस में क्या होता है? रेसिप्रोकल पे है पे बैक का फॉर्मूला याद है क्या, आपको? अभी -अभी जो डिस्कस किया। बोलो क्या था वेरी गुड इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो उसको कर दे उल्टा उसमें तीन चेंजेस करने कितने तीन पहले उसको उल्टा करो बोलो क्या होगा एनुअल कैश फ्लो अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेक्ट ठीक है ये पहला चेंज दूसरा चेंज एनुअल कैश फ्लो अगर सेम नहीं है सेम नहीं है तो उसको बना दो एवरेज तो एवरेज एनुअल कैश फ्लो एवरेज कैसे करते सर पांच साल के फिगर है पांच साल के फिगर का टोटल लो डिवाइडेड बाय फाइव कर दो एवरेज ले लो मतलब सिंपल एवरेज ठीक है तीसरा चेंज इसको लास्ट में कर दो इन टू हंड्रेड लास्ट में कर दो इन टू हंड्रेड क्योंकि परसेंटेज में आता है अब जरा सोचिए सपोज एवरेज एनुअल कैश फ्लो आपका आया टू लैख इनिशियल इन्वेस्टमेंट था आपका फाइव लैख इंटू हंड्रेड किया आंसर कितना आया इसका कितना आता है एग्जाम्पल है ये टू लैख मत लिखना अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको लिखना ही है यहां पे नंबर तो एक्चुअल नंबर निकालो चलो एक्चुअल नंबर निकालते चलो बताओ मुझे एवरेज एनुअल कैश फ्लो निकालने के लिए मुझे इसका टोटल चाहिए तो यहां तक तो टोटल 5.5 हो गया फिर ये टोटल 7 हो गया ये 8 हो गया ये 10 हो गया 10 लैक्स हो गया तो 10 लैक्स को डिवाइडेड बाय 7 इयर्स करेंगे बोलो कितना 1 .428. 1 .428 आया सब क्या सबका आंसर एवरेज कैसे करा समझा क्या टोटल लिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स किया एवरेज आ गया वन पॉइंट फोर टू एट जीरो जीरो कर दू राउंड ऑफ के लिए ठीक है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट ये आ गया आपका पे बैक रेसी ब्रोकल थोड़ा आंसर की तरफ अच्छे से देखो और बताओ मुझे कि ये ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट क्या दिखाता होगा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बट विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहाँ कंसिडर किया धाड़ धोड़ धोड़ दौड़ ऐड करते गए बेशम जैसे उसको डिवाइड बाई सेवन किया एवरेज निकाल लिया मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो छोड़ ही दिया मगर सभी कैश फ्लोज को कंसिडर करके खुश हो गए ठीक है और वो कैश फ्लो वाला एवरेज फिगर लिखा और इसको डिनोमेटर में डाला इन्वेस्टमेंट के साथ तो इन्वेस्टमेंट पर उतना रिटर्न मिल रहा है कोई भी फॉर्मूला ध्यान से सुनो मेरा ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी फॉर्मूला डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर कभी भी इंटरप्रेट करने का तो 5 लाख पर अपने को इतना रिटर्न मिल रहा है तो अपना परसेंटेज रिटर्न हो गया फिर ट्वेंटी किसी भी फॉर्मूले को न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर नहीं बोलते इट्स ऑलवेज डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर तो का इंटरप्रिटेशन ठीक है तो ये आया आपका 28.56 परसेंट तो आप मुझे बताइए अगर दूसरा प्रोजेक्ट है जिसका ये आंसर 32.8 है तो कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे दूसरा वाला क्योंकि ये रेट ऑफ रिटर्न है ये जितने ज्यादा रहेंगे उतना अच्छा है और अगर आपको मैकेनिकल थिंकिंग की आदत है तो पे बैक में कम लिया था यह उसका रेसी प्रोकल है तो यह ज्यादा लेने का मैकेनिकल मत सोचो कंसेप्चुअली सोचो रेट ऑफ रिटर्न है ज्यादा होना चाहिए ठीक है तो ये आपके तीन मेथड्स कवर हो गए इसके बाद ज्यादा टेक्निकल वाले मेथड आते हैं जो कि चौथा नंबर आता है उसका नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। इसमें तीन मेथड आता है एनपीवी पी एंड आई आर आर एनपीवी पी आई एंड आई आर आर एनपीवी इज नेट प्रेजेंट वैल्यू पी आई इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड आई आर आर इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का दूसरा नाम इंस्टीट्यूट लवस सेकेंड नेम येस इट इज डिजायरेबिलिटी फैक्टर मेथड आई आर आर का भी दूसरा नाम है टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो ये तीन मेथड्स तो अपने को सीखने अभी इसमें सबसे पहला मेथड तो आता है एनपीवी नाम से कितना सिंपल जी समझ रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू भाई कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू ले कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू ले और दोनों को क्या कर नेट कर दे इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो सही है क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अब इसी को पर्टिकुलर एक टिपिकल फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं फॉर्मेट याद है ईयर पर्टिकुलर्स कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर सपोज टेन परसेंट है DCF ये जो फाइनल आंसर आएगा वो एन पी वी करेक्ट वॉट इज टेन परसेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर के वो है आपका वैक या वो है आपका के ओ क्योंकि मेरी कंपनी में अगर ओवरऑल पैसा सपोज थर्टीन परसेंट से आ रहा है तो मैं उसे जहां कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करूंगा मुझे थर्टीन से कम रिटर्न चलेगा क्या नहीं इतना मिनिमम चाहिए तो ये क्या बन जाता है मेरा क्यो वैक और क्यो इज आवर डिस्काउंटिंग फैक्टर समझे वैक और क्यू इज आवर डिस्काउंटिंग फैक्टर एनी डाउट यहां तक कुछ डाउट है आपको पूछो पूछो तो ये है आपका एनपीवी का लॉजिक अब एनपीवी में जीरो ईयर में आउटफ्लो होता है आप सबको पता है वन टू थ्री फोर जितने भी ईयर्स रहेंगे वो यहाँ पे लेने होते हैं और सपोज लास्ट ईयर टेंथ ईयर है सपोज तो टेंथ ईयर में इनफ्लो हो सकता है टर्मिनल कैश इनफ्लो हो सकता है जो भी है समझे तो ये सब आप सॉल्व करना जानते ही हो वैसे भी इसका मेन पार्ट होता है सी एफ ए टी मतलब ये कैश फ्लो वाले नंबर्स ये कैसे आते हैं करेक्ट इसके ऊपर डिस्कशन अपन मेथड्स एंड होने की बात करेंगे यहाँ तक का ये मेथड समझा अच्छे से अच्छा बिटवीन टू प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट विद डैश एनपीवी शुड भी सिलेक्टेड हायर एनपीवी करेक्ट क्योंकि आज के वैल्यू में जो हमें ज्यादा एनपीवी दे रहा है वो ज्यादा बेटर है अगर दो प्रोजेक्ट का एनपीवी निगेटिव आता है दोनों का निगेटिव आता है तो जो, जो लेस निगेटिव है उसे सिलेक्ट करेंगे लेस निगेटिव है उसे सिलेक्ट करेंगे अगर एक प्रोजेक्ट है जिसका एनपीवी डायरेक्टली निगेटिव आ रहा है एक ही प्रोजेक्ट है बोलो एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे रिजेक्ट कर देंगे एक ही प्रोजेक्टे पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे रूल्स आर क्लियर ओके okay. वो जो एक क्वेश्चन इसमें कंडीशन मैंने बताई थी बिटवीन टू निगेटिव एनपीवी वाली उस पर मैं बाद में वापस आऊंगा आप एक और क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मेरे को आपको पूछने के लिए एनपीवी के बाद क्या आता है पी आई पी आई इज बेस्ड ऑन एनपीवी ओनली ठीक है आई के केस में आपका फॉर्मूला क्या रहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मतलब जो चीज उधर माइनस होती थी यहां पे डिवाइड हो रही है बस करेक्ट एवरी वन यस इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये जितने भी इनफ्लो वाले नंबर इनकी प्रेजेंट वैल्यू इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक और तरीका है इस एनपीवी में अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐड कर दूं तो मुझे ये बीच वाले नंबर्स की टोटल मिल जाएगी ना यस और नो क्योंकि बीच वाले की टोटल में से आउटफ्लो माइनस करके एनपीवी आता मतलब एनपीवी में अगर आउटफ्लो ऐड कर देंगे तो बीच वाले की टोटल आएगी ना यस और नो तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए एक और एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल मी माय पी आई एवरीबडी कि नहीं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज नथिंग बट एन पी वी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिकॉज एनपीवी निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर रहे तो एनपीवी आ रहा है इसका मतलब एनपीवी में अगर आउटफ्लो ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगी ना दो लाख के टोटल में से एक लाख माइनस पचास हजार माइनस करेंगे तो डेढ़ लाख आया मतलब डेढ़ लाख में पचास हजार करेंगे तो दो लाख आ जाएंगे ना सिंपल सो so ये है आपका पीआई का दूसरा फॉर्मूला आप बराबर लिख रहे हो ना शॉर्टकट में नहीं लिख रहे हो ना आई आई बाद में समझेगा नहीं दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओके सपोज पीआई कम्स टू वन पॉइंट फोर थ्री टाइम्स वॉट इट मीन एवरी वन रुपी इन्वेस्टेड टूडे इन टूडेज टाइम विल गिव यू वन रुपी फोर्टी थ्री पैसे समझा क्या एवरी वन रुपी इन्वेस्टेड टूडे इन द प्रोजेक्ट इन टूडेज टाइम यू आर गेटिंग वन रुपी फोर्टी थ्री पैसे एवरी वन समझे क्या अच्छे से दिस इज वन पॉइंट फोर थ्री टाइम्स पी आई का लॉजिक वॉट इज एन पी वी का लॉजिक एनपीवी सपोज फोर्टी थ्री थाउजेंड आता है एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट सपोज वन लैख है विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ वन लैक आई एम गेटिंग फोर्टी थ्री थाउजेंड प्रॉफिट नहीं बोलने का कैश फ्लो कैश फ्लो सब कैश फ्लो एक्स्ट्रा इन टूडेज टाइम आई एम गेटिंग फोर्टी थ्री थाउजेंड कैश फ्लो एक्स्ट्रा बाई इन्वेस्टिंग हाउ मच वन लैख टूडे इन टूडेज वैल्यू आई एम गेटिंग फोर्टी थ्री थाउजेंड एक्स्ट्रा समझा यहां तक पी आई से एन पी वी पर जा सकते क्या पीआई का इंटरप्रिटेशन बोलो वापस 1.43 का एवरी वन रुपी इन्वेस्टेड टुडे इन टूडेज टाइम यू आर गेटिंग 1.43 करेक्ट कैलसी लो हाउ मच यू आर गेटिंग टाइप ऑन कैलसी 1.43 ठीक है फॉर एवरी वन रुपी यू आर गेटिंग 1.43 ना तो अपना इन्वेस्टमेंट वन रुपी का माइनस कर दो सॉरी वन रुपी इन्वेस्ट किया माइनस कर दो पॉइंट फोर थ्री एक्स्ट्रा मिला हर एक रुपए के लिए पॉइंट फोर थ्री एक्स्ट्रा मिला कितना इन्वेस्टमेंट किया ऊपर पढ़ो वन लैख इंटू वन लाख करो फोर्टी थ्री थाउजेंड कुछ लिंक लग रहा है क्या आपको yeah. आज मिला उसमें से मैंने वन तो इन्वेस्टमेंट किया ही था मैंने वन निकाल दिया तो मुझे पॉइंट फोर थ्री एक्स्ट्रा मिल रहा है आज और अगर मैं ये हर एक रुपए के लिए पॉइंट फोर थ्री मिल रहा है तो मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था 1 तो वन तो मल्टीप्लाई बाय वन लाख करेंगे तो फोर्टी थ्री थाउजेंड आ गया ना तो एनपीबी दिखाता है कि एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है टोटल में और पी दिखाता है हर एक रुपए के लिए टोटल कितना मिल रहा है समझे सो व्हाट इज अनदर फॉर्मूला फॉर एनपीबी कैने से वन पॉइंट फोर थ्री मतलब पी आई माइनस वन किया था अपन ने पॉइंट फोर थ्री आया था इनटू वन लाख किया था वन लाख वाज इनिशियल इन्वेस्टमेंट माई फॉर्मूला एसपीआई माइनस वन इन टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अनदर फॉर्मूला फॉर एनपीवी अनदर फॉर्मूला फॉर एनपीवी इज दिस क्लियर एवरीबडी कंफर्टेबली समझ रहा है सबको अच्छे से जा रहा है इधर या बाउन सर जा रहा है जा रहा है ना सब कुछ सेटल हो रहा है ना वेरी गुड लास्ट मेथड इज कॉल्ड एस आई आर आर मेथड दिस इज थर्ड मेथड लास्ट मेथड अभी अभी इसका फॉर्मूला लिखा था मैंने आई आर आर क्या होता है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न गिवन बाई द प्रोजेक्ट लिख दो चाहिए तो आई आर आर इज नथिंग बट एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न गिवन बाई द प्रोजेक्ट एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न गिवन बाय द प्रोजेक्ट आगे लिखो एट आई आर आर रेट ऑफ डिस्काउंटिंग एट आई आर आर रेट ऑफ डिस्काउंटिंग मतलब अगर कोई कैश फ्लो कोई प्रोजेक्ट है जिसके कैश फ्लो आप आई आर आर रेट से डिस्काउंट कर रहे हो एक प्रोजेक्ट है अठारह परसेंट रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है तो उसका आई आर आर कितना हो गया एटीन परसेंट आपने उस कैश फ्लो को एटीन परसेंट से डिस्काउंट किया तो आपका एनपीवी कितना आएगा जीरो आएगा so at error rate of discounting comma, npv is always zero npv is always zero and pi is dash pi is 1 correct why 1 because every one rupee invested you don't get anything extra you get your one rupee back therefore your npv is zero agar aaj investment is 70 lakh और आज के वैल्यू में भी मिलेंगे सत्तर लाख तो सत्तर लाख बाय सत्तर लाख करेंगे तो पी आएगा वन और सत्तर लाख में से सत्तर लाख माइनस करेंगे तो एनपीवी आएगा जीरो समझा कि नहीं भाई सबको समझा क्या तो एट आई आर रेट ऑफ डिस्काउंटिंग सिंस एन पी वीज जीरो पी आई इज ऑलवेज वन इसका मतलब कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको पी आई वन पॉइंट टू फोर दिया है तो वो पी आई आर रेट पे नहीं है वो पी आई वैक रेट पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाकर है डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है मैंने बोला वैक रेट तो वैक रेट यूज करके जो डिस्काउंटिंग फैक्टर था उसके नंबर्स को यूज करके मुझे जो पीआई मिला है वो कितना है वन पॉइंट जो भी मैंने बोला टू फोर इसका एक और इंटरप्रिटेशन ये है कि मेरा एनपीवी पॉजिटिव आने वाला है इसका एक और इंटरप्रिटेशन क्या है कि मेरा एनपीवी पॉजिटिव आने वाला है क्यों क्योंकि पीआई आई वन से ज्यादा है टेक्निकल हो रहा है क्या थोड़ा समझ रहे हैं ना थोड़ा ये डीपर अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना तो वो लोग कितना भी घुमा के पूछेंगे तो आपको आएगा ठीक है मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है देखो एनपीवी दिया नहीं है क्वेश्चन मार्क कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन मार्क इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन मार्क पी आई गीवन है ऊपर आई आर आर गीवन है और एनुअल इनफ्लो गीवन है समझे तो फिर उसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है तो उस केस में ये कैसे सॉल्व होंगे था आपका आर का लॉजिक लास्ट पार्ट आई पूरा अच्छे से समझा मुझे फॉर्मूला बलोगे आप आई आर आर का बोलो जरा थोड़ा जोर से स्टार्ट रेट प्लस सर प्लस अपॉन सर प्लस प्लस डेफिसिट इनटू डिफरेंस इन रेट दिस इज आई आर आर का फॉर्मूला स्टार्ट रेट प्लस सर प्लस अपॉन सर प्लस प्लस डेफिसिट इन टू डिफरेंस इन रेट ओनली आई कैन यूज शॉर्ट फॉर्म जितना हो सके आप प्रॉपर लिखो आई एम दिन चार्टेड अकाउंटेंट इन दिस हॉल सो ऑल राइट रिजर्व बाकी तुम लोगों को पूरा लिखना है ये हो गया आई आर आर का पूरा बेस लॉजिक सर स्टार्ट रेट और एंड रेट आई आर में क्या लेने का यही समझता नहीं है दो बातें सोचो अगर क्वेश्चन में आपको एनपीवी ऑलरेडी पूछा है तो कौन से डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ कितना इन्वेस्टमेंट किया था और क्या एनपीवी आया क्या बोला मैंने कौन से डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ सपोज दस परसेंट किस इन्वेस्टमेंट के साथ सपोज एक लाख कितना एनपीवी आया सपोज तीस हजार ठीक है ये सोचा अब देखने का कि यार एक लाख इन्वेस्ट करके तीस हजार का एनपीवी कम तो नहीं है इसका मतलब दस परसेंट का रेट जो हम यूज कर रहे हैं उसकी जगह बारह पंद्रह डायरेक्ट जाएंगे बीस पे समझे क्या तो अपना स्टार्ट रेट होना चाहिए बीस बीस पे गए और समझा कि एक लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ बीस परसेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के कैश फ्लोज अगर किए कैलकुलेट तो एनपीवी आया अपना सपोज पॉजिटिव दो हजार रुपए एग्जाम्पल तो अगला रेट 25 लेकर खत्म कर दो सर अगला अगर सपोज 20 परसेंट पे हमारा नेगेटिव आ गया थो? तो गया। कोई बात नहीं 15 पे आ जाओ और 15 से सॉल्व करो वो पॉजिटिव आएगा फिर मुझे पूछना है कि स्टार्ट रेट क्या लोगे 15 ऑफ कोर्स एंड रेट क्या लोगे 20, 20. फिर 10 क्या था सर वो तो एन के लिए यूज़ किया था सर मगर 20 पहले लिया था ना सर तो उससे स्टार्ट रेट हो जाता क्या जहाँ पॉजिटिव आया वो स्टार्ट रेट जहाँ नेगेटिव आया वो एंड रेट समझे और कोई डिफिकल्टी डाउट है इसमें सपोज सर ऐसा समझ नहीं रहा जजमेंट नहीं आ रहा अगला कौन सा नंबर है एक काम कर तेरे मन से कोई भी बड़ा नंबर ले थोड़ा बड़ा नंबर ले तू सोच रहा है पंद्रह पे जाना है तू बीस पे जा बीस पे जाने में नुकसान नहीं होगा पंद्रह पे आने पे नुकसान क्या होगा पंद्रह पे भी पॉजिटिव आएगा बीस पे भी पॉजिटिव आएगा उससे अच्छा तू बीस पे जा बीस पे पॉजिटिव आया तो पच्चीस पे चले जाना समझे मगर अगर बीस पे ही नेगेटिव आ गया तो कोई बात नहीं बढ़िया है फिर तो पंद्रह पे जाके सेटल कर दो आंसर को एवरी वन क्लियर थोड़ा सा अगर तुम दिमाग एक्स्ट्रा यूज करोगे तो काफी टाइम बच सकता है क्वेश्चन में बोला है आई आर आर इज सपोज फिफ्टीन परसेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है एनुअल कैश फ्लो दिया है इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो क्या एग्जैक्टली ऐसा फॉर्मेट रेडी करो ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट आई रेट मतलब पंद्रह परसेंट और फिर डी समझे ईयर ज़ीरो ईयर वन डैश फाइव है सपोज एनुअल कैश फ्लो जो दे रखा है वो ले लो इसको एक्स अज्यूम कर लो ये वन रहेगा ये एक्स का आउटफ्लो है इसलिए आउटफ्लो ही आएगा वन एक्स बराबर और ये इन्फ्लो है पंद्रह परसेंट से पाँच सालों का फैक्टर ढूंढो वो यहाँ पर यूज़ कर लो इसको यूज़ करके समथिंग एक्स नहीं आएगा ये ऐसा आ जाएगा कोई नंबर आएगा और फिर ये एन को लेने का है जीरो और उस एक्स की वैल्यू निकाल लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा ऐसे छोटे छोटे आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं क्वेश्चन में मैं जो मॉड्यूल का क्वेश्चन आपको रेफर कर रहा था वो इसी तरीके से सॉल्व होता है ठीक है जरूर जरूर इस सेशन के बाद मॉड्यूल सॉल्व करो इस सेशन का एक्चुअल इंपैक्ट अगर तुमको देखना है ना मैंने लेवरेज में क्या बोला किसी भी चीज का इंपैक्ट देखना है तो उसके पहले वाली चीज और उसके बाद वाली चीज को कंपेयर करना होता है आज का क्लास का इंपैक्ट अगर देखना है तो कल क्या आता था और अगले दिन कल क्या आएगा वो देखना बहुत जरूरी है तो कल से मॉड्यूल स्टार्ट करो सॉल्व करना आई एम श्योर आई एम श्योर तुम्हारे काफी डाउट्स डिफिकल्टीज काफी कम हो जाएंगे यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है हमने सभी मेथड्स कवर किए अब सिर्फ दो टाइप का यहां पर तीन टाइप के डिस्कशन बाकी है उसमें से एक अभी खत्म करते हैं वो है अगर आप एनपी वी मेथड सॉल्व कर रहे हो और दो प्रोजेक्ट हैं जिनका लाइफ सेम नहीं है क्या करोगे एक का लाइफ फाइव ईयर्स है एक का लाइफ एट है तो फिर आपको यूज करना है इक्विवेलेंट एनुअल वैल्यू ई ए वी क्या यूज करना होता है बोलो ए वी लिखो वहां पर इफ लाइफ ऑफ टू प्रोजेक्ट नॉट सेम अंडर एनपीवी मेथड कहवा वी यूज

टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फाइनाइट कैश फ्लो का आंसर आता है क्या आपको निकालना प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनाइट कैश फ्लो आता है क्या आपको इन टू पी वी एफ आर कॉमा एन ओके फाइनाइट कैश फ्लो रहेगा तो ये फॉर्मूला होता है इसी को मॉडिफाई किया और अपन ने एज इक्वल टू बना दिया क्योंकि ए स्टैंड फॉर एन्यूटी तो यहां पर भी अपन इक्वलेंट एनुअल वैल्यू मतलब सेम एनुअल वैल्यू निकाल रहे मतलब एन्यूटी निकाल रहे yes. समझे कि नहीं तो फॉर्मूला क्या मॉडिफाई होगा यहां पर पी वी अपॉन पी वी एफ हो जाएगा ना तो पी वी की जगह यहां क्या लिखा है एनपीवी और पी वी एफ की जगह पी वी एफ ही तो इसका मतलब ये यह फॉर्मूला यहां से डिराइव हुआ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से समझे क्या लिख लो ये वी एनपीवी डिवाइडेड बाई पीवीएफ तो क्या करने का दो प्रोजेक्ट है पांच साल आठ साल जो भी आंसर पांच साल का एनपीवी आया दूसरे का आंसर आठ साल का एनपीवी आया उन एनपीवी को न्यूमरेटर में डालने का और डिवाइडेड बाय पहले प्रोजेक्ट के लिए क्या करने का सपोज डिस्काउंटिंग फैक्टर दस परसेंट है तो टेन परसेंट से वन डैश फाइव ईयर्स का फैक्टर जो आएगा वो डिनोमीटर में आएगा दूसरे प्रोजेक्ट के लिए क्या होगा टेन परसेंट से वन डैश एट ईयर का जो फैक्टर है वो डिनोमीटर में आएगा समझे क्या बोला मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए पी वी एफ फॉर फाइव ईयर्स निकालो दूसरे के लिए पी वी एफ फॉर एट ईयर्स निकालो अपने रेस्पेक्टिव एनपीवी को उससे डिवाइड करो तो उससे आपको ई ए वी मिलेगा वॉट इज ई ए वी एन्यूअल वैल्यू है वो एनुअल वैल्यू मतलब एवरी ईयर सेम वैल्यू जिसको हम नीचे एन्यूटी बुला रहे समझे एवरीबडी यस सो दिस इज द एंड ऑफ एन पी वी मेथड पी आई हमने अच्छे से देखा आई आर आर देखा सब मेथड में एक खासियत है कैश फ्लो कैश फ्लो कैश फ्लो कैश फ्लो बोला गया है मगर हम लोग तो प्रॉफिट 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 जानते हैं अगर प्रॉफिट से कैश फ्लो जाना होगा तो क्या करेंगे वो वाला पार्ट कवर करना बाकी है और दूसरा पार्ट कवर करना बाकी है कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ आउटफ्लो 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 दिए होते क्या ऐसे क्वेश्चन इनफ्लो दिया ही नहीं है यस yes. उस क्वेश्चन में हम कैसे आगे बढ़ते हैं ठीक है ये दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ये कवर करना बाकी है ब्रेक ले भूख लगी है बहुत भूख लगी, लगी है चलो सही मुझे खाना मिलेगा चलो साथ में खाते है. ठीक है लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ वॉट हाफ़ एन आवर बहुत हो गया ना इज्जत से खा सकते हो आराम से आ सकते हो ठीक है हाफ़ एन आवर का ब्रेक रहेगा हाफ़ एन आवर बाद हम लोग रिज्यूम करेंगे